अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले श्री भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आए जो हमारी कम्युनिटी के लिए बनाया गया है। इसमें हम लोग मल्टीपल जो हमारे पास क्रिएटर्स इन्फ्लुएंसर्स वगैरह हैं उनको ऑन बोर्ड करते हैं ताकि वो जो हमारे पास जो हमारी कम्युनिटी है उनके लिए फ़ायदा हो सके। जिनमें न्यूबीज आते हैं या समथिंग लाइक दैट, वो बंदे जो ऑलरेडी अर्न कर रहे हैं लेकिन अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो आप जैसे लोगों की वजह से ये कम्युनिटी चल रही है, तो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। जी श्री कोई, मैं आपको ना अनम्यूट कर रहा हूँ, तो काइंडली मुझे बताइएगा जब आप भी जी एक्सेप्ट कीजिएगा प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद भाई, थैंक वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। यू फॉर हैविंग मी। इट इज रियली नाइस टू बी विद यू गाइस, और उम्मीद करता हूँ कि सारे ठीक हैं। और जो जो भाई जो ऐसे सो के देखने की कोशिश कर रहे थे, तो उनसे मेरी गुजारिश है थोड़ा सा उठ जाए, क्योंकि हम जी आप लोगों के लिए रात के 9 बजे आए हुए हैं। तो माइंड नहीं कीजिएगा मेरी बात को, मैंने देखा था ज्वाइन करते हुए कुछ लोग ऐसे मजे से पड़े थे। तो यस, उन्हें सो हाउ आर उन्हें यू अहमद, हाउ ये आर यू? पाकिस्तानी कम्युनिटी है बस, तो ऐसे ही होगा अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ शफीक भाई दुआएं आपकी, तो चलता है सभी कुछ मैनेज करना है। तो शफीक भाई हम लोग जी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपकी ना जर्नी से। शफीक भाई के लाइक आप किस तरह स्टेप इन हुए राइटिंग के अंदर, और सबसे पहले दूसरी जो चीज है कि आप राइटिंग ही क्यों आपने चूज की? मतलब कि हर बंदा है ना इंडस्ट्री फील्ड में है या किसी भी चीज में है, तो समहाउ कोई एसईओ में जाता है, उसका कोई पर्पज है कि लाइक यार मेरा इंटरेस्ट है एसईओ के अंदर। कोई बंदा जाता है कि यार जी मैं अगर वीडियो एडिटिंग की तरफ जा रहा हूँ तो आई नो कि यार मैं शुरू से गेमर था या समथिंग कोई लाइक दैट, मैं रील्स बनाता था या टिकटॉक कंटेंट क्रिएटर था, तो वहां से मुझे लगा कि मुझे एडिटिंग की तरफ जाना चाहिए। जी 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 तो जी बिल्कुल। आपने राइटिंग ही क्यों चूज की, तो काइंडली इसके ऊपर थोड़ी रोशनी फरमाएं। थैंक यू। ओके ओके, सो आई विल गिव माय फुल इंट्रोडक्शन। ये 5 मिनट लेगा, बट आई होप कि बहुत सारे लोगों के लिए रिलेटेबल होगा, थोड़ा बहुत इसमें कुछ होगा। तो सबसे पहले तो आई डिड माई ग्रेजुएशन इन इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। तो ये 2000 तकरीबन हमारी हमारा सेशन स्टार्ट हुआ था 2017 से। तो स्टार्ट में यू नो आई आई एम जस्ट लाइक काइंड ऑफ गाय हु लव्स टू रीड दैट नॉवल एंड स्टोरीज एंड स्टफ लाइक दैट। तो मतलब पहले मैंने FSC प्री इंजीनियरिंग की, तो मुझे पता चल गया कि भाई साइंस और ये सारी चीज़ें ना मेरे बस की बात नहीं है, तो रहने देते हैं। तो उसके बाद इंग्लिश लिटरेचर का मतलब यू नो इट्स पता चला कि भी लिटरेचर होता है जहाँ पे हम वाकई में नॉवल भी पढ़ सकते हैं और ये सारी फिल्में शिल्में भी देखना जहाँ पे अलाउ होता है। तो मैंने वहां से स्टार्ट किया। पहले 3 4 5 सेमेस्टर तो मतलब डिग्री के साथ ऐसे कनेक्टेड रहा मैं, जो भी सारी चीजें होती थी। तो फिर ये हुआ कि मेरा एक दोस्त था, 2000 ये अब 2018 की बात है, मतलब उस टाइम डिग्री को 1 साल गुजर गया था। तो ही वॉज डूइंग सम काइंड ऑफ फ्रीलांस कोर्सेस, एक टेक्निकल कॉलेज था उसमें। तो ही वॉज डूइंग ग्राफिक डिजाइनिंग एंड स्टफ लाइक दैट। सो मैं ना बिल्कुल इस तरह का बंदा हूँ कि भाई मुझे लैपटॉप्स और इन सारी चीज़ों का पता नहीं चलता, और अभी तक भी मुझे मतलब इतना ज्यादा पता नहीं चलता। अभी भी मुझे मेरे दोस्त टॉन्ट टॉन्ट करते रहते हैं। अभी अगर यहाँ पे असद बैठा है तो असद को ज्यादा पता होगा मुझे बिल्कुल अभी पूरी तरह पता नहीं चलता कैसी चीजें करनी है। बट यू नो आई एम जस्ट लाइक नॉन टेक गाय, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। सो हुआ क्या कि मुझे वो मेरा दोस्त कहता रहा कि यार फ्रीलांसिंग में आ जा, तूने 9 to 5 करनी नहीं है, तेरी नेचर नहीं है इस तरह की। तो बट मुझे मैंने इस बात को सीरियसली नहीं लिया, और इस तरह जो है ना 6ठे सेमेस्टर के बाद कोविड आ गया। 6ठा 7वां सेमेस्टर भी मैं मतलब सोचता रहा इस तरह के क्या करना चाहिए, देखा जाएगा यूनिवर्सिटी के बाद डिग्री खत्म होगी तो देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। बट हुआ ये कि उसी उसी मेरे दोस्त की एक इंटर्नशिप चल रही थी, और ही वॉज आस्क टू राइट सम मूवीज रिव्यू। तो मैं मूवीज ज्यादा देखता रहता था, तो मैंने उसको कहा कि यार, उसने मुझे कहा कि यार मुझे रिव्यूज वगैरह लिख के दे दो। तो 3 4 मूवीज थी, मैंने उनके रिव्यूज लिखे, और वो इंटर्नशिप उसकी इस्लामाबाद में थी, तो उसकी एक पता नहीं पहली दूसरी पोजीशन आ गई। बहरहाल वो मुझे साथ लेके गया। तो रास्ते में हमारी सारी इन सारी चीजों पर डिस्कशन हो रही थी कि यार इस तरह फ्रीलांसिंग होती है, और वो मुझे कह रहा था कि यार तू रिव्यू अगर लिख सकता है तो तू राइटिंग कर सकता है तो राइटिंग कर। और इससे पहले मेरा थोड़ा सा उसके साथ मतलब राइटिंग के साथ इस तरह था कि आई यूज टू बी अ पोएट, यू नो आई 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 यूज टू डू उर्दू पोएट्री इन माई यूनिवर्सिटी। तो वो चीज मेरे अंदर थी काइंड ऑफ यू नो, इसी वजह से तो मैं मेरा जो पेन नेम है टाइटल नेम है साइक था यूनिवर्सिटी में। तो मैंने 3 4 सेमेस्टर को ये काम किया, महफिलें शैफिलें सजाई वहां पे, तो लेकिन कोविड के बाद वो भी बंद हो गया। तो आपसे मतलब यू नो सस्ती काइंड ऑफ शोहरत थी वो, अपनी यूनिवर्सिटी में सस्ती शोहरत, सारे जानते थे लेकिन मतलब वो बस जेब में धेला नहीं होता था। तो बहरहाल वो चीजें भी उनको पता थी। तो
उसी इंटर्नशिप पे हम जा रहे थे, वापसी पे उसने मुझे सबसे पहले फाइवर का बताया कि यार ये फाइवर होता है, इसको बैठ के देखो, स्टडी करो, और फिर कोई चीज समझ आया तो फिर देखना। तो मुझे वहां पे असाइनमेंट्स री राइटिंग और ब्लॉग री राइटिंग की मुझे समझ आई, बिकॉज री राइटिंग एंड राइटिंग एंड दिस स्टफ, दिस वॉज अ काइंड ऑफ माइनर सब्जेक्ट इन ओवर बीएस डिग्री। उसमें ये एडवांस रीडिंग स्किल और ये सारी चीजों में हम री राइटिंग को पढ़ते रहते हैं। तो मुझे एक री राइटिंग की समझ आई, तो मैंने री राइटिंग से स्टार्ट किया, और री राइटिंग में असाइनमेंट्स, ब्लॉग पोस्ट, वट एवर जो भी लिखा हुआ है, अगर किसी को पसंद नहीं आ रहा तो वो मुझसे री राइट करवा लेता। तो बस उसी से स्टार्ट किया मैंने, तकरीबन एक दो दो तीन चार महीने फाइवर को समझने में लग गया, प्रोफाइल्स बनाई, एक गिग जो है ना वो चल निकली, तो फाइवर पे लेवल 2 का अकाउंट आ गया तकरीबन 6 महीनों में। उसके बाद ये हुआ कि मतलब 6 महीने लगे दो लेवल 2 पे, फिर 2-3 महीनों के बाद तक वो चलता रहा, फिर 2023 के मिड में somehow आई थिंक मार्च में मेरा अकाउंट बैन हो गया फाइवर वाला। तो अब ये सीन था कि मेरे $300-400 पर मंथ आ रहे थे, और मतलब ये ना ये बहुत ज्यादा थे, $300-400 इज लाइक 60-70 हज़ार रुपए, तो मतलब मेरे लिए बहुत था कि यार मैं तो मतलब बहुत खुश था, ठीक है, इससे आगे सोच नहीं जाती थी तो वो बैन हुआ, तो फिर वही उस तरह लाले पड़ गए कि अब क्या करना चाहिए, अब तो जो रोजी रोटी का ठिया था खत्म हो गया है, तो अब क्या करना चाहिए। तो फिर मुझे, मैंने यूट्यूब पे मैं गया, मैंने देखा कि हाउ टू हंट क्लाइंट, हाउ टू गेट क्लाइंट्स, और मुझे री राइटिंग आती थी समहाउ, लाइक आई वॉज इन टू नहीं, उस टाइम तक मुझे SEO ब्लॉग राइटिंग का फाइवर से ही पता चल गया था, मतलब वहां पे दूसरी गिग्स लगी होती थी ना ब्लॉग राइटिंग में, कि SEO ब्लॉग राइटिंग भी होती है, तो वो मैंने उसे लर्न करना स्टार्ट कर दी थी 2022 के मिड मिड के बाद से। तो लेकिन अभी तक मुझे फाइवर पे उस तरह बकायदा कोई क्लाइंट नहीं मिला था ब्लॉग राइटिंग का, मतलब जिस तरह बकायदा कीवर्ड्स देके ब्लॉग लिखते हैं, तो उसका कोई मुझे क्लाइंट नहीं मिला था। तो बहरहाल ये मार्च था 2023 का, जहाँ पे उस हिसाब से मुझे लिंक्डइन का मुझे पता चला यूट्यूब वगैरह से, और फिर मैंने जिस तरह होता है वो हमारा, जिस तरह हमें मतलब गाइडेंस नहीं होती तो स्टफ लाइक दैट, तो उसमें लिंक्डइन पे मैं गया, मैंने जॉब्स वाले सेक्शन में जिस तरह क्लाइंट ढूंढना स्टार्ट करते हैं मैंने स्टार्ट कर दिया इस तरह। सबसे पहले मेरी जो पोस्ट थी वो थी कि मुझे वेलकम करो, लाइक मुझे ऐसे जैसे मुझे वेलकम करो, इस तरह की पोस्ट थी, मेरा अंबानी आ थीम गया ये था। लिंक्डइन पे। हाँ बनी आगे, तो भाई उस पे तो कुछ भी ना हुआ, किसी ने मतलब ठेंगा भी नहीं दिखाया मुझे तो मैंने कहा कि भाई इसका इसका कोई और, इसका पीछे ना कोई और साइंस है, तो इसको इसको सीखना पड़ेगा। तो वो फिर 2-3 महीने लग गए मुझे कि इसको क्रैक करने में, दूसरे लोगों की पोस्ट पढ़ते हुए देखते हुए क्या कर रहे हैं वो, मेरी तरह के जो दूसरे SEO ब्लॉग राइटर हैं वो क्या कर रहे हैं, तो ये सब कुछ करते हुए, तो उस टाइम मुझे फिर पता नहीं, आई एम काइंड ऑफ लकी इन 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 क्लाइंट सेंस कि मुझे मिल जाते हैं क्लाइंट, जब ऐसे मैं जिस तरह वो कहते हैं ना, शाहरुख खान कहता है कि अगर किसी चीज को आप पूरी शिद्दत से चाहने लग जाओ तो पूरी कायनात उसको मिलाने की साजिशों में लग जाती है, तो पता नहीं कायनात की साजिश थी, मुझे भी पहला क्लाइंट मिल गया, और क्लाइंट एक मिला, फिर उसी से रेफरल मिले, फिर उसने अपने VS इंट्रोड्यूस करवाया उसने अपनी एजेंसी में, तो इस तरह मेरा एक नेटवर्क चल निकला। तो बहरहाल ये था मतलब काइंड ऑफ कि मैं कैसे आया उसमें। तो अब जब मैं आ गया, मुझे पता चल गया कि भाई लिंक्डइन पे एक ब्रांडिंग नाम की भी चीज होती है, और इट वाज अगेन इट वाज लाइक कोई 2023 का अक्टूबर नवंबर चल रहा था, जहाँ पे ये स्पेसिफिक नेम्स के ऊपर पूरी ब्रांडिंग होती थी, लाइक तस्लीम का था रॉबिन हुड, और इसी तरह जो है ना जैस्मिन का जे हे जे था इस तरह। तो मैंने सोचा कि यार अब साइक तो हूं मैं, ठीक है, तो इसको मैं अपने नाम को अपने उसके साथ कैसे रिलेट करूं, मतलब ब्लॉग राइटिंग के साथ कैसे रिलेट करूं। तो एक दिन ये हुआ कि मतलब एक मैं बात कर रहा था, ब्लॉग लिख रहा था, मेरे दोस्त ने मैसेज किया और हम इस तरह बात कर रहे थे, तो उसने मुझे साइको बोला, ठीक है, साइको बोला उसने मुझे, मतलब दूसरे वाला साइको, पी वाला साइको, तो उसने मुझे साइको बोला, तो ये चीज ना मुझे क्लिक कर गई कि यार अभी इसको अगर मैं अपने साइक के साथ वो लगा दूं ना तो साइको बन सकता है, और वो सारी चीजें टर्म्स जो हमारी होती हैं ब्लॉग राइटिंग में, सर्च इंटेंट, क्वालिटी, इंसाइटफुलनेस, ओरिजिनैलिटी, ऑथेंटिसिटी, तो मैंने सोचा कि इसमें तो वो सारी चीजें आ रही हैं जो मतलब हम ब्लॉग्स में अप्लाई करते रहते हैं या हमें चाहिए होती हैं, तो मतलब वो पूरा फिर मेरा फ्रेमवर्क बन गया, और अब पूरे 1 साल से मेरा ये काइंड ऑफ USP है, ठीक है। तो हाँ, तो अब मुझे क्लाइंट भी साइको कहते हैं और मुझे फील नहीं होता, आप लोग भी मुझे साइको कहते हैं, आप भी साइको कहते हो अहमद भाई, तो मुझे फील नहीं होता, सीधी सी बात है तो ये था। जी तो शिविक भाई, आप माशाल्लाह काफ़ी इंस्पायरेशनल जर्नी है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि शिविक, जब आपने स्टार्ट किया फ्रीलांसिंग जर्नी में, क्योंकि यार मोस्टली लोग जिस तरह कह लो कि मेरी तरह है कि उन्हें इंग्लिश का नहीं पता, या समहाउ उन्हें इंग्लिश की इतनी हाव ना होनी है कि यार वो किस तरह अपनी राइटिंग
फेज, आपने तो माशाल्लाह एजुकेशन की हुई थी, आप जी अपनी जी एमफिल कह लो कि एमए वगैरह में थे, तो देन आपने वहाँ से अपनी जो है कंटिन्यू जर्नी की और वहाँ से आगे लेके गए। लेकिन यहाँ पे मोस्टली जो न्यूबीज बैठे हैं या वो जो जिन बाद में रिकॉर्डिंग सुन रहे होंगे, तो उनका तो अभी वो फेज नहीं है, कुछ अभी इंटर लेवल पे हैं, कुछ मैट्रिक लेवल पे हैं, वहीं से जी अपनी जी जर्नी का बिल्कुल। आगाज करना चाहते हैं। तो एट दैट टाइम उन्हें क्या करना चाहिए अपनी राइटिंग को कंटिन्यू करने के सबसे लिए, पहली चीज। पहले हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। जी, और दूसरी चीज, अगर राइटिंग को करना कंटिन्यू वो कर रहे हैं, तो पहली चीज उन्हें किस तरह करना चाहिए, सेकंडली वो कहाँ से लर्न कर सकते हैं, तो ये दो चीजें ओके पहली बात। ओके ओके, आई गॉट यू। अच्छा, सबसे पहले तो जो लोग इंटर में हैं, और इंटर में बहुत सारे मतलब मेरे जानने वाले भी हैं जो चाहते हैं कि मतलब हम एसईओ कंटेंट राइटिंग करें, तो सबसे पहले जो बंदा इंटर में है ना, तो मैं उसको हाईली 100% सजेस्ट करूंगा कि भाई डायरेक्ट राइटिंग में या किसी भी चीज को डायरेक्ट स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। अभी आप जस्ट इंटर में हो, और ये बात मैं पूरे वसोक से कह रहा हूँ, चाहे वो बंदा इस्लामाबाद का है, लाहौर का है, कितना भी एडवांस क्यों नहीं है ना, अगर उसने फ्रीलांसिंग को ऐसे फर्स्ट हैंड एक्सप्लोर नहीं किया ना, तो मैं उसको ये सजेस्ट करूंगा कि भाई पहले जाके एक्सप्लोर करो। ठीक हो गया, मेरी आवाज आ रही है अहमद भाई? आपकी वीडियो जी रुक गई जी है। जी जी आ रही आ रही आ रही। गाइस आवाज आ रही है? कुछ थम्स अप, कुछ रिएक्शन वगैरह? आ रही है यार। हाँ, अब आ रही है आवाज मेरी? ओके, तो सबसे पहले तो स्टार्ट एक्सप्लोरिंग फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग एक काइंड ऑफ ओशन है। मैं हमेशा ये एनालॉजी देता रहता हूँ कि अगर हमारी सरकारी जॉब्स में या जो जिस तरह ट्रेडिशनल जॉब्स हैं उनमें अगर 50 फील्ड्स हैं ना, 50 फील्ड्स, तो हम फ्रीलांसिंग में एक एक फील्ड में मतलब कंटेंट राइटिंग में आपको 50 सब फील्ड्स मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करें कि आपने एक्सप्लोर कैसे करना। और यहाँ पे जो सबसे मेजर बैरियर आता है ना, वो ये है कि लैंग्वेज का बैरियर आता है। अब जो लैंग्वेज है, ये चीज हम बहुत हल्के में लेके चले जाते हैं कि यार हम एसईओ कंटेंट राइटिंग, अब चैट जीपीटी है या एआई है तो हम इससे स्टार्ट कर लेते हैं। इट्स साउंड्स लाइक समथिंग वेरी इजी टू स्टार्ट विद, कि अब राइटिंग तो हम कहीं ना कहीं से कर लेंगे। जैसे एआई आई थी तो मुझे भी ये सुनने को मिला था कि यार अब राइटिंग में क्या रहेगा, अब तो आप लोग चैट जीपीटी यूज करके सारा काम कर लेते होगे। बट प्रॉब्लम इज कि भाई इस तरह तो फिर आपको हमेशा देखना पड़ता है, एक फॉर्मूला माइंड में रखना पड़ता है कि मनी इज इक्वल टू वैल्यू। अगर आप अपने क्लाइंट को, आपको पता ही नहीं है कि भाई लिखना क्या, आपको लैंग्वेज ही नहीं आती, यू कांट कन्वे द मैसेज, यू कैन नॉट ट्रांसक्राइब योर क्लाइंट्स ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस इनटू लैंग्वेज, तो फिर उसको फायदा ही क्या आपको हायर करने का, आप उसको वैल्यू किस तरह प्रोवाइड करेंगे। अगर चैट जीपीटी से वो करवा सकता तो वो खुद ही कर लेता ना, 5-10 मिनट 15 मिनट का काम है उसका, ठीक है, तो वो आपको क्यों पे करेगा। ये एक छोटी सी मतलब एक सोचने वाली बात है। तो सबसे पहले जो इंटर में है वो एक्सप्लोर करें। राइटिंग जो है ना, राइटिंग तो आपको चाहिए ही चाहिए, आपने फ्रीलांसिंग करनी है तो आपको राइटिंग चाहिए ही चाहिए, बेशक आप डेवलपमेंट में हो चाहे आप ग्राफिक डिजाइनिंग में हो, आपको अपने सोशल्स के लिए और अपना ब्रांड बिल्ड करने के लिए, क्लाइंट से कम्युनिकेट करने के लिए राइटिंग तो चाहिए ही चाहिए। राइटिंग इज द कोर ऑफ एनी स्किल। तो आप सबसे पहले एक्सप्लोर करें जो चीज आपके, यानी कि आपके लेवल के अकॉर्डिंग आपको लगती है कि यार मैं पहले थोड़ी सी डिजिटल मार्केटिंग कर लेता हूँ, सोशल्स वगैरह को देख लेता हूँ, क्लाइंट्स के को यानी ये सर्विस प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें लाजमी सी बात है राइटिंग होगी, तो योर राइटिंग विल बी गेटिंग पॉलिश। और उसके बाद एक टाइम आएगा कि यू विल ऑटोमेटिकली यू विल नर्चर द लैंग्वेज, ठीक है। जब आप नर्चर कर लोगे तो फिर क्या होगा कि आप फिर आप बेशक कॉपी राइटिंग स्टार्ट करो, एसईओ ब्लॉग राइटिंग स्टार्ट करो, वट एवर। तो उस लेवल, अब मेरा सीन था, मेरा थोड़ा सा डिफरेंट था, मैं तो शेक्सपियर के प्लेस को जो है ना सराइकी में ट्रांसक्राइब करता रहता था, ये मेरा काम था, ठीक है। तो मैंने तो शेक्सपियर के प्लेस को सराइकी में, किंग लियर का प्ले, किंग लियर को पूरा हमने सराइकी में ट्रांसलेट किया, ट्रांसक्राइब किया था, और ट्रांसक्राइब करके उसको मैंने स्टेज पे डायरेक्ट भी किया था और एक्ट भी किया था। तो मेरा तो सीन डिफरेंट था इसके साथ, मतलब मुझे तो प्रॉब्लम नहीं हुई ब्लॉग राइटिंग में आते हुए। बट जो स्टार्ट में आना चाहते हैं उनके लिए सबसे पहले एक्सप्लोरेशन है, ठीक है। मुझे तो पता था कि भाई मुझे तो कुछ और आता ही नहीं है, मतलब मैं ग्राफिक डिजाइनिंग अगर मैं करने बैठूं तो मुझे 1-2 साल लग जाएंगे सीखने में, लेकिन मुझे क्या क्या चाहिए थे, पैसे चाहिए थे, मतलब आई हैव टू सपोर्ट माई फैमिली एंड आई हैव टू सपोर्ट माई सेल्फ, क्योंकि मैंने डिग्री कंप्लीट कर ली थी। लेकिन अगर आप इंटर में हो तो आपके घर वालों की, आपके जो फैमिली उसकी, आप पे कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, यू दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू अर्न, ठीक है। तो अभी आपके पास अगर थोड़ा भी लगा लेना तो आपके पास 7 साल है, 7 साल का अरसा है आप लोगों के पास जिसमें आप एक्सप्लोर कर सकते हो। आप 2 साल भी एक्सप्लोरेशन पे लगाओ ना तो कोई बात नहीं है, उसके बाद आपके पास 5 साल बच जाएंगे जिनमें आप एक स्किल को पॉलिश कर सकते हो। और जैसे ही आप डिग्री से निकलोगे तो यू विल ऑटोमेटिकली यू विल हैव मोर देन व्हाट यू कैन इमेजिन। तो सबसे पहले तो ये बात है। अब अगर आपने राइटिंग चूज कर ली तो आप इसको पॉलिश कर कैसे करना है, सीखना कैसे है,
तो भाई एक मैं आपको एक लोगों को आप लोगों को एक बड़ी रोज रोशन की तरह एक बात बता देता हूँ कि SEO कंटेंट राइटिंग का ऐसे कोई जिस तरह ग्राफिक डिजाइनिंग का एक कोर्स होता है कि मतलब आपको फोटोशॉप सिखा देते हैं, आपको इलस्ट्रेटर सिखा देते हैं, कैनवा सिखा देते हैं, इस तरह कोई कुछ भी नहीं है। ठीक है, SEO कंटेंट राइटिंग का, कंटेंट राइटिंग में दो चीजें मैं हमेशा कहता रहता हूँ, एक है राइटिंग। अब राइटिंग बेस है, ठीक है, आपने ब्लॉग लिखना है, कॉपी राइटिंग करनी है, कॉपी लिखनी है, सोशल एड कुछ भी लिखना है, आपको पोस्ट लिखना है, तो राइटिंग उसकी बेस है। अब उस राइटिंग को आपने अगले प्लेटफॉर्म के साथ मतलब उसके हिसाब से लेके चलना है। मिसाल के तौर पे मैं ब्लॉग राइटिंग करता हूँ तो मैंने अपने यानी कि ब्लॉग वाले ऑब्जेक्टिव से राइटिंग करनी है। तो अब जो राइटिंग में SEO राइटिंग में दूसरी चीजें आती है ना, वो जस्ट 15 दिन का काम है। ठीक है, 15 दिन में आपको ब्लॉग के स्ट्रक्चर का पता चल जाएगा, फॉर्मेट कैसे करते हैं, उसमें SEO के एलिमेंट्स कौन कौन से जरूरत होते हैं, SEO एलिमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं हमें, तो वो आपको 15 दिन में समझ आ जाएगी। इतनी सी बात है, लेकिन आपको राइटिंग पूरी जिंदगी आपको सीखते रहना पड़ेगी, आपकी पॉलिश होती रहेगी, यू विल बी गेटिंग बेटर एट इट। लेकिन कुछ चैनल्स हैं लाइक मैं निकोलस कोल को फॉलो करता हूँ, ही इज नॉट अ ब्लॉग राइटर एनीवे, लेकिन इसको इसी तरह जो है ना ट्राई हो SEO के ब्लॉग्स पढ़ता रहता हूँ मैं, हब स्पॉट के पढ़ता रहता हूँ। और अगर स्किल को इम्प्रूव करना हो तो यू कैन गो टू गूगल सर्च सेंट्रल ब्लॉग, ठीक है, उनमें उन्होंने SEO के बारे में लिखा हुआ है, हेल्प कंटेंट कैसे लिखना है, वो सारी चीजें। लेकिन यहाँ पे एक और बात आती है, राइटिंग इज टू रीडिंग, स्पीकिंग इज टू लिसनिंग, राइटिंग इज टू रीडिंग। ठीक है, तो आपने अगर राइटिंग को बेहतर बनाना है तो यू आर सपोज टू रीड मोर, ठीक है, यू आर सपोज टू रीड मोर, आपको पढ़ना है, आप फिक्शन पढ़े, नॉन फिक्शन पढ़े, जो मर्जी आपके। तो ये वाली बात है। आई होप के गुरप्रीत पूछ रही है कि व्हाट चैनल्स यू रिकमेंड। कोई ऐसा खास चैनल नहीं है, यू कैन फॉलो एनीवन यू लाइक ऑन यूट्यूब। टेडएक्स टॉक के कुछ चैनल्स हैं, आप उनको सुन सकते हैं, जिनसे आपकी मतलब काइंड ऑफ यू नो राइटिंग फ्रेज अच्छी होंगी। इसी तरह जो है ना आप समहाउ यू कैन ऑल्सो गो टू यू नो मूवीज शोज लाइक टीवी शोज लाइक यंग शेल्डन है, मनी हाइस्ट है, या आजकल मैं देख रहा हूँ वो ब्रेकिंग बैड्स, ठीक है, ब्रेकिंग बैड, तो वो आप देख सकते हैं, यू नो वट एवर यू लाइक ऑन ऑन उस। अगर आप राइटिंग सीखने के बाद पूछ रही हैं तो इस तरह का कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो आपको ब्लॉग राइटिंग सिखाएगा, ऐसा डेडिकेटेड किस्म का कोई चैनल नहीं है। आपको वीडियोस बहुत मिल जाएंगे, आपको SEO राइटिंग के कोर्सेज बहुत मिल जाएंगे किसी 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 ना किसी चैनल पे, लेकिन एक कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो आपको मतलब जिसका चैनल डेडिकेटेड होगा SEO ब्लॉग राइटिंग पे। जी श्रीकृत, राइटिंग तो जी यहाँ पे जी मैं आपको कट कर रहा हूँ, सॉरी। तो जी मैं ये जी जानना चाह रहा था कि लाइक अगर तो ये सपोज करें, अगर आपने कहा कि हमें राइटिंग को बाय मतलब कह लें कि कोई SH कोर्स नहीं है प्रॉपरली उसको लर्न करने के लिए, लेकिन दूसरा मसला आता है अंडरस्टैंडिंग का। लिंक्डइन हाँ को अगर हाँ आप लोग एज बिल्कुल अ एग्जाम्पल ही आप लोग ले लें, तो अगर हम लोग किसी चीज़ को फॉर्मेट को या किसी भी इंडस्ट्री के क्रिएटर, बड़े क्रिएटर को, या यूट्यूब पे जाके किसी भी कोई भी कम्युनिकेशन स्किल को सीखते हैं, या किसी की कोई स्पीच ही सुन रहे हैं, तो बाज़ औक़ात हमारी इतनी वोकेबलरी नहीं होती है कि हाँ हम लोग हाँ उसकी हाँ बात हाँ को पिक कर लें। तो बींग अ बिगनर यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, तो सभी तो इतने नहीं है कि सभी कितनी वो कह ले कि कैपेसिटी या कह ले कैपेबिलिटी नहीं है कि उस चीज को उतनी जल्दी पिक कर ले। तो इन अ हाँ दैट हाँ सिनेरियो आप क्या एडवाइस देंगे कि उस चीज को लर्न करने के लिए या उस चीज को पिक करने के लिए? जी अच्छा यार अहमद, मैं ना आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस, मैं आप लोग कहीं कोई भी यहाँ पे मैं सब्ज बाग दिखाने नहीं आया हूँ, यहाँ पे कोई भी मैं मोटिवेशनल स्पीकर बन के नहीं आया हूँ, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस के देखो अब मसला ये है, थोड़ा सा रूट कॉज की तरफ जाते हैं। हमारे लिए ना रीडिंग बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, हमारा एजुकेशनल सिस्टम इस तरह का है कि हमें भाई रीडिंग करते हुए मौत पड़ती है, हमने कभी पढ़ा नहीं होता ना, मेरे कोर्स की किताब बुक्स जो है ना इतनी ड्राई किस्म की होती है कि हमारी रीडिंग से जान जाती है। ठीक है, तो अब मैं अगर कहूंगा कि यार फलां जगह से जाके ब्लॉग पढ़ लो तो कहेंगे यार अगर हमने रीडिंग ही करनी होती तो फिर हम पूछ क्यों रहे होते। ठीक है, तो भाई सबसे पहले तो लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है, आपको माइंडसेट थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है कि आप पहले जो अपने एजुकेशनल सिस्टम में अपने कोर्सेज में पढ़ रहे थे ना वो जस्ट था एग्जाम्स के लिए, नंबर लेने के लिए, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे आप पढ़ रहे हो आप पैसे कमाने के लिए। ठीक है, मनी इज द बिगेस्ट मोटिवेशन। ठीक है, तो जब आप ये देख लोगे ना कि यार आई हैव टू रीड बिकॉज आई आई नीड टू अर्न, ठीक है, आई हैव टू रीड बिकॉज आई नीड टू अर्न, ठीक है, तो आपको ऑटोमेटिकली जहां जहां भी जो भी पढ़ना पड़ गया ना तो अब वो पढ़ लेंगे। गुरप्रीत आपने क्वेश्चन आखिर पे पूछेगा प्लीज, मैं सारी चीजें हम बताएंगे, प्लीज डोंट डोंट इंटरप्ट अस, ठीक हो गया। तो सबसे पहले
रीडिंग को, वोकैबुलरी कैसे ठीक होगी, वोकैबुलरी रीडिंग से ही ठीक होगी, ठीक है। उसके लिए आपको कुछ चीजें समझ आएंगी, किसी की मतलब इंग्लिश में वीडियो देखते हुए बहुत सारी चीजें समझ आएंगी, बहुत सारी चीजें समझ नहीं आएंगी, वो आपके लेवल पे डिपेंड करता है। बट विथ टाइम ग्रेजुअली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द स्टफ, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करते हुए एक आपको ऐसा ऐसा समझ आने लग जाएगी, ठीक है। अब अंडरस्टैंडिंग लेवल हमारा ना मेंटल लेवल होता है। अब जो भी बंदा एसईओ ब्लॉग राइटिंग में आना चाहता है, तो मैं उससे पहले पहली बात ये पूछता हूँ कि यार आपने ग्रेजुएशन किया, हालांकि मुझे नहीं पूछना चाहिए भाई, ठीक है। फ्रीलांसिंग तो कर सकता है ना बंदा, मतलब मैट्रिक में भी ऐसे मेरे अपनी टीम में ग्राफिक डिजाइनर है एंड ही इज इन 9th क्लास, तो ग्राफिक डिजाइन मतलब फ्रीलांसिंग तो बंदा किसी भी एज में कर सकता है, स्किल तो कोई कहीं पे भी लर्न कर सकता है। लेकिन मैं क्यों पूछता हूँ कि आपने ग्रेजुएशन किया है, क्योंकि एक इंटर वाले बंदे का जो मेंटल लेवल है ना, वो एक ग्रेजुएशन वाले बंदे के साथ नहीं मिल सकता। अब मेरा जो मेंटल लेवल है वो किसी पीएचडी स्कॉलर से नहीं मिल सकता, ठीक है। मेरा इतना एक्सपोजर नहीं है उस अकेडमिक स्टफ से, लिटरेरी स्टफ से, वट एवर। तो एक मेंटल लेवल आपका लाजमी नहीं है कि वो डिग्री से इंप्रूव हो, आप आपका बुक से इंप्रूव हो सकता है, आपका पॉडकास्ट देख के हो सकता है, तो आपको टाइम लगेगा, ऐसे कोई 2 दिन 3 दिन 4 दिन का काम नहीं है। एंड अगेन आई वुड हाईली मेंशन हियर कि ये लैंग्वेज है राइटिंग, व्हेन वी आर राइटिंग इन इंग्लिश, दिस वी आर डायरेक्टली इनकाउंटरिंग विद अनदर सेकेंड लैंग्वेज। अब लिंग्विस्टिक अगर जहाँ पे किसी ने भी पढ़ी हुई है तो उसको पता होगा कि सेकेंड लैंग्वेज एक्वायर करने में टाइम लगता है, वी कॉल इट नर्चरिंग, लैंग्वेज नर्चरिंग, ठीक है। तो ये लिंग्विस्टिक में पूरा एक कंसेप्ट है कि हम कोई भी लैंग्वेज हम सीखना चाह रहे हो तो उस पे हमें उसको नर्चर करने में टाइम लगता है। और एक एक दो बंदा इंटर में है वो जल्दी नर्चर कर लेगा, बनिस्बत उसके जिस बंदे ने ऑलरेडी मतलब अगर मैं इसको एज के हिसाब से बोलूं, अगर एक बंदा इंटर में उसकी एज 16 साल है तो वो उसको ज्यादा जल्दी नर्चर कर लेगा, बनिस्बत उस बंदे के जो के अभी 20 22 25 साल में है। मतलब ये हमारा इस तरह हमारा ब्रेन इस तरह काम करता है लैंग्वेज को नर्चर करने में। तो अगर अगर राइटिंग करनी है तो यू हैव टू नर्चर द लैंग्वेज, ठीक है। उसके साथ आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। मेरा सबसे यानी कि एक रेटरिकल क्वेश्चन है कि हम अपनी मदर टंग कैसे सीख लेते हैं, किसी ने कभी हमें सिखाई है मदर टंग? किसी ने भी नहीं सिखाई भाई। मैथ्स रैक की जो ना, जैसे मैं 2 साल का हुआ था, 3 साल का, मैंने पहला लफ्ज जो बोलना स्टार्ट इस रैक की में, मुझे किसने सिखाई? किसी ने भी नहीं सिखाई। मैं सीखा कैसे? मैं उस इन्वायरमेंट में था। अब हमारे इन्वायरमेंट में आप देख लो, हम इंग्लिश तो मैं अब कंफ्यूज रहता हूँ, मैं कंफ्यूज रहता हूँ, मुझे 3 लैंग्वेजेस में बात करनी होती है। घर में सराइकी में बात करता हूँ, आप लोगों के साथ उर्दू में बात करता हूँ, क्लाइंट के साथ मीटिंग हो तो इंग्लिश में बात करनी पड़ती है, सेशन हो तो इंग्लिश में बात करनी पड़ती है। आई गेट कंफ्यूज समटाइम्स, और मैं फिर सराइकी में अम्मी से बात कर रहा होता हूँ तो मेरे मुंह से इंग्लिश में वर्ड निकल जाते हैं, और फिर अम्मी डांटती है मुझे कि तू अंग्रेज हो गया, तू मुंह टेढ़ा करके बोलता है, ठीक है। तो लेकिन बात यह है कि यू हैव टू स्पेंड टाइम विद द लैंग्वेज, ठीक है। और वो चाहे अब आपने अपने लिए कोई सोर्स ढूंढना है, चाहे वो आपका कोई दोस्त है जो इंग्लिश में बात करता हो, चाहे वो आपका सोर्स जो है ना, वो हो सकता है कि आप अगर आपने राइटिंग सबसे ज्यादा बेहतर करनी है तो यू यू कैन स्पेंड योर टाइम विद बुक्स, इंग्लिश बुक्स, और वो फिक्शंस हो सकती है, ना कोई ऐसी रिकमेंडेड बुक नहीं है। अगर आपने एसईओ राइटिंग करनी है, इंग्लिश में राइटिंग करनी है, तो कोई रिकमेंडेड बुक नहीं है, एनी बुक इज रिकमेंडेड, ठीक है। और लेकिन कुछ बुक्स हैं जिस तरह के निकोलस कोल के भी बुक है, ये रिसेंटली आर्ट एंड बिजनेस ऑफ ऑनलाइन राइटिंग, या फिर एवरी एवरीबॉडी राइट्स बाय एन हैंडले, आई थिंक, तो इस तरह की बुक्स हैं जो आप मतलब यू कैन जस्ट गो एंड सर्च देम ऑन गूगल, ठीक है। तो ये सीन है। तो बॉटम लाइन ये है कि यू नीड टू स्पेंड टाइम विद द लैंग्वेज टू गेट बेटर एट इट, ये बॉटम लाइन है। अच्छा शफीक भाई, यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करता जा रहा हूँ कि अगर सपोज करें हम लोग राइटिंग स्टार्ट करते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, तो ये सबसे बड़ा फैक्टर आता है एसईओ फील्ड में या जो भी, क्योंकि हम लोग पाकिस्तानी, अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम की बात करें, हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं किताबों से लेकिन हमारे पास प्रैक्टिकल नहीं है। तो राइटिंग में प्रैक्टिकल होना और एक मेंटोर का होना बहुत लाजमी है, जो हमें बताए कि यार वाकई एस सच ये जो हम लोग प्रोसीजर कर रहे हैं, हम जो हम लोग राइटिंग कर रहे हैं, ये रिजल्ट ओरिएंटेड है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि सेकंडली, अगर हम लोग अगर एसईओ की बात करते हैं, एसईओ में ये होता है कि हम लोग एक वेबसाइट ले लेते हैं, डोमेन परचेज कर लेते हैं और वहाँ पे हम लोग अपनी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो राइटिंग में अगर हम लोग फ्री रिसोर्सेज की बात करें जिसको हम लोग यूटिलाइज करके अपनी राइटिंग स्किल को पॉलिश कर सकते हैं और चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं, तो जी श्री भाई हाँ इसके हाँ बारे में बताइएगा। हाँ ठीक है, जबरदस्त। मिसाल के तौर पे आपने कहा कि जिस तरह हम वेबसाइट का ऑडिट कर लेते हैं, जिस तरह मतलब प्रैक्टिकल थिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये सीन है कि राइटिंग, आप मिसाल के तौर पे आपको कोई भी चीज कोई एड अच्छा लग गया,
ठीक है, मिसाल के तौर पे उसकी कॉपी बहुत अच्छी लिखी हुई थी, बट अगर आप ब्लॉग ऐसे ब्लॉग राइटिंग में जाना चाहते हैं तो लाजमी से आपको कोई ब्लॉग अच्छा लग गया, तो आप उस ब्लॉग को टेक अ स्क्रीनशॉट और वट एवर, उसको स्क्रीनशॉट लें, उसको सेव करें, उसको आराम सुकून से बैठ के पढ़ें, उसको देखें कि उन्होंने इंट्रो कैसे लिखा है, ठीक है, उनके इंट्रो में नैरेटिव क्या था, उन्होंने कंटेंट एंगल कौन सा यूज किया है, पर्सपेक्टिव उनका क्या था, उन्होंने अपनी मैसेज कैसे कन्वे किया है, उनके टाइटल के साथ इंट्रो का क्या रिलेशन था, ठीक है, इन सारी चीजों को बैठ के एनालाइज करें और फिर ट्राई टू राइट समथिंग लाइक दैट। सही है, इतनी सिंपल सी बात है, ठीक है। अब आपने शुरू में जो है ना वो एसईओ के चक्करों में नहीं पड़ना कि यार इसमें मैं कीवर्ड कहाँ पे पुट करूँ, मैं इसका मेटा टाइटल कैसे लिखूँ वगैरह वगैरह वगैरह, जस्ट मेक अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग अ बेस रिगार्डिंग दैट राइटिंग, ठीक हो गया। उसके बाद मतलब यही तरीका है जो आप लोग वेबसाइट किसी वेबसाइट को देख के ऑडिट कर लेते हो और उसकी स्पीड वगैरह सारी चीजें देख लेते हो, राइटिंग का भी यही सेम सीन है, ठीक है। अब फ्री रिसोर्सेज आपको हब स्पॉट से बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, इसके अलावा सेमरश की वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे, ट्राई एसईओ की वेबसाइट से आपको मिल जाएंगे, इसी तरह जो है ना कोर्सीरा से आप कोई कोर्स राइटिंग का ले लें, ठीक है, फ्री में भी मिल जाता है, वहां पे फिनेंशियल ऐड होती है तो वहां से आप कोई ले लें, ठीक हो गया। इसी तरह रिसोर्सेज तो बहुत हैं, रिसोर्सेज तो बहुत हैं, लेकिन मसला पता है क्या है अहमद भाई, रिसोर्सेज हमें मिल जाते हैं, इतनी बुक्स मिल जाती हैं, इतनी चीजें मिल जाती हैं, वेबसाइट्स मिल जाती हैं, लेकिन हम किसी भी रिसोर्स को कंप्लीट नहीं कर पाते, ये हमारी फितरत है, ठीक है। तो देखो बात सिंपल सी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इसमें कोई ऐसी साइंस नहीं है कि भाई आपने राइटिंग करनी है, एसईओ राइटिंग करनी है तो आप एक ब्लॉग पढ़ रहे हो, उसका बैठ के टाइटल एनालाइज करो, उन्होंने टाइटल और सोचो कि बगैर मतलब किसी से पूछे खुद सोचो कि इसका सीड कीवर्ड कौन सा होगा, ठीक है, इसने इन्होंने सीड कीवर्ड कौन सा यूज किया, और फिर उसी सीड कीवर्ड को माइंड में रखते हुए देखो कि इस तरह के और वर्ड्स इन्होंने कहाँ कहाँ पे यूज किए और कैसे यूज किए हैं, ठीक है, कंक्लूजन कैसे लिखा है, बॉडी सेक्शन कैसे लिखा है, H2s कैसे लिखे हैं, और H2 का पता ना चल रहा हो कि कौन सी है, तो जस्ट जिस ब्लॉग पे भी हूँ आप वेब पेज पे हूँ, जस्ट राइट क्लिक ऑन योर कीबोर्ड और उस पर आपको एक इंस्पेक्ट का बटन मिल जाएगा, ठीक है, इंस्पेक्ट करें उसको, आप पता चल जाएगा कि भाई H2 कौन सी है, H3 कौन सी है, तो H2 H3 में उन्होंने किस तरह कीवर्ड को यूज किया है, किया भी है या नहीं किया, इमेजेस अगर उन्होंने डाले हैं तो कौन से डाले हैं, स्टॉक इमेजेस यूज कर रहे हैं वो या कस्टम इमेजेस यूज कर रहे हैं, तो यू नो इट्स ऑल अबाउट दैट एनालिसिस ऑब्जर्वेशन, और फिर आप देखते हो कि भाई इस तरह की चीज मैं कैसे क्रिएट कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे एक ब्लॉग लिखा हुआ है आपको पसंद आ गया, वो था कि हाउ टू बाय, यू नो किसी बंदे ने बहुत अच्छा ब्लॉग लिख रखा था कि भाई हाउ टू इंस्टॉल विंडो 10 प्रो, ठीक है, उसने बड़े जबरदस्त किस्म से बड़े लॉजिकली तरीके से उसने स्टेप्स बता रखे थे, आपको पढ़ के सारी समझ आ गई। अब विंडो 10 प्रो पे था, अब आपको कोई चीज इंस्टॉल करने का पता है, मिसाल के तौर पे आपको फोटोशॉप इंस्टॉल करने का पता है, ठीक है, तो जस्ट ट्राई टू राइट अ ब्लॉग ऑन हाउ टू इंस्टॉल फोटोशॉप, सही हो गया। इसी तरह अगर आपको आपको लगता है कि एक ब्लॉग बहुत अच्छा लिखा हुआ था बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है, आपने वो पढ़ा, उसने बड़े लॉजिकल तरीके से बड़े मजे से जो ना उसने सारी चीजें लिखी, आपको सारी चीजों की समझ आ गई, आपको मजा आया पढ़ के, तो फिर आप सोचें कि आपको किस चीज के बेनिफिट का पता है, ठीक है, मिसाल के तौर पे आपको बेनिफिट्स ऑफ स्लीप का पता है, सोने के फायदों का पता है, पाकिस्तानियों को पता होता है, ठीक है, या आपको पता है कि नेटफ्लिक्स पे मूवीज देखना क्या फायदा है, तो ये ट्राई टू हमारी राइट कम्युनिटी से समथिंग पूछ लाइक लेना, इस कम्युनिटी से पूछ लेना कि सोने के हाँ, बाद तो उसी तरह जो है ना उसी तरह का ब्लॉग लिखने की कोशिश करें, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, इट्स ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन एनालिसिस, ठीक है, और इतनी कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यू जस्ट नीड योर माइंड, ठीक है, बेहतरीन टूल है आपकी, यू डोंट नीड चैट जीपीटी एट द स्टार्ट, एंड अगेन मैं ये हर सेशन में कहता रहता हूँ, बैन चैट जीपीटी ऑन योर सेल्फ इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग इन इन द राइटिंग थिंग, ठीक हो गया। बल लोगों की बातों में ना है कि यार अब तो दौर बदल गया है, अब तो जो है ना जमाना तेज हो गया है, अब तो AI आ गई है, अब आप मैनुअली क्यों करें, किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है, एक टाइम आएगा जब आपको पता होगा कि एक टूल को कैसे यूज करना है, मेरे घर में मिस्त्री लगे हुए हैं, उनका सारा सामान यहाँ पे पड़ा होता है, ठीक है, तो मुझे सामान तो पड़ा होता है, उनकी टूल्स पड़ी होती हैं, मैं खुद क्यों नहीं जाके कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देता भाई, ठीक है, टूल्स तो पड़ी है, सही है, मैं क्यों नहीं कर सकता, मुझे पता ही नहीं है कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है, ठीक है, उसको धागा कैसे लगाना है, शाल कैसे लगानी है, मुझे पता ही नहीं है, तो चैट जीपीटी व्हाटएवर सारी टूल्स ही हैं, ठीक है, उस तरह के काइंड ऑफ इक्विपमेंट्स ही हैं, ठीक है, आपको पता ही नहीं होगा कि आपने अपना इंट्रोडक्शन कैसे लिखवाना है, टाइटल कैसे लिखवाना है, तो आप लिख ही नहीं पाओगे, ठीक है, और फिर चैट जीपीटी अपनी मर्जी से लिख तो देगा कुछ, लेकिन वो फिर कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, अगर कोई कर रहा है तो मतलब उसको पता ही नहीं है कि मुझे क्या चाहिए। अच्छा श्रीपुल, यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करता हूँ। सपोज करें यार मैं बिगिनर हूँ, मैं अपनी राइटिंग प्रोसेस या राइटिंग जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अपने कंपेटिटर या समथिंग लाइक दैट, एक बड़े जिस तरह कह लो कि वेबसाइट है, जिस तरह बैक लिंक को है, फॉर्ब्स है, टेक हाँ हाँ क्रंच या वायर्ड है, इस तरह की वेबसाइट्स में इंसाइट्स ले रहा हूँ ब्लॉग्स के और अपनी ब्लॉगिंग हाँ जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है,
हाँ ब्लॉगिंग जर्नी तो मैंने स्टार्ट कर दी, लेकिन अब मुझे अपनी उस चीज पे कितना एतमाद होगा, क्योंकि मेरा तो माइंड ऑफ स्टेट के वो इतनी अभी बिगनर लेवल पे है ना। मेरे हिसाब से तो मैंने फिट लिखा है ठीक है, लेकिन एक हाँ इंडस्ट्री एक्सपर्ट से कि अगर हाँ पॉइंट ऑफ हाँ व्यू से तो देखा जाए, तो उसमें तो बहुत ऑफ मतलब कह लो कि ब्लैकिंग होगी कि यार ये ऑप्टिमाइज नहीं है, समथिंग लाइक दैट। इसमें कॉन्टेक्स्ट वो मैच नहीं कर रहा, रेलिवेंसी मैच नहीं कर रही, इंटेंट मैच नहीं कर रहा, फनल मैच नहीं कर रही, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो उन जी फैक्टर्स को किस तरह ओवरकम किया जा सकता है, पहली चीज से। सेकंडली यार अगर हम लोग वो लिख रहे हैं, तो हम लोग कैसे मतलब ये अश्योर कर सकते हैं अपने आप को यार वाकई ये चीज काम करेगी। तो ये चीज है जी बीइंग अ जी बिगिनर, ये चीज आपने बिल्कुल। रखनी है मतलब। मैं भी यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरी अपनी जेब देता हूँ। यहाँ पे जब मैं फाइवर पे काम कर रहा था, तो मुझे लगता था कि यार मैंने नॉवेल्स पढ़े हैं, मैंने सारी चीजें पढ़ी हैं, तो यू नो आई कैन क्रिएट अ नॉवल। ठीक है, अब हुआ ये कि मैंने एक गिग लगाई वहां पे, ये नॉवल क्रिएट बीटा रीडिंग की। ठीक है, बीटा रीडिंग में यही होता है कि आप किसी का कोई कॉन्टेंट पीस पढ़ के उसको फिर कमेंट उसके ऊपर मतलब क्रिएट करते हो। ठीक है, तो मैंने गिग लगा ली, मेरा एक क्लाइंट आया, वो ऑथर था। ठीक है, मतलब जो अपनी फील्ड का मंझा हुआ बंदा था, तो उसने मुझे दिया नॉवल उसने। ठीक है, तो मैं नॉवल मैंने रीडिंग स्टार्ट की, और मैंने ना अपनी तरफ से ऐसे इस तरह कमेंट करना स्टार्ट कर दिए। तो मैंने उसको भेजा कि भाई हाँ देख लेते, तेरी सारी क्रिटिक होगी, एज रीडर मैंने बीटा रीड कर दिया उसको। तो उसने कोई बात भी मुझे नहीं की, बस उसने ये कहा कि आई डोंट थिंक यू शुड एवर क्रिटिक अ नॉवल अगेन। ठीक है, सही है। तो फिर मुझे पता चल गया कि भाई नॉवल को क्रिटिक करना मेरे बस की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे एक बात की समझ आ गई। ठीक है, कि अगर इस तरह की किसी बड़ी चीज में, अपने से ऊंची चीज में मैंने पंगा ले लिया है, तो देन आई नीड समवन। ठीक है, दैट्स वेयर माई कनेक्शन कम्स इन प्ले। ठीक है, मेरे साथ जो जूनियर राइटर्स हैं मेरे यहाँ पे भी बैठे होंगे इंशाल्लाह, तो उनको पता है कि दे सेंड मी देयर ब्लॉग्स एंड वट एवर जो वो लिखते हैं, तो वो मुझे सेंड करते हैं, और कभी कभी कहते हैं कि भाई इनको रिव्यू कर दो, तो मैं उनको रिव्यू कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, आप यहाँ पे या तो आपका कोई सीनियर बंदा हो, आपका दोस्त हो, आपकी कम्युनिटी में हो, आप उससे जो है ना मशवरा ले सकते हैं कि ये चीज मैंने लिखी है, मेरे क्लाइंट्स की ये रिक्वायरमेंट थी और ये मैंने काम किया है, क्या ये उस हिसाब से उस स्टैंडर्ड का है। आपको नहीं पता चलेगा, आपको कभी भी नहीं, यानी कि एज अ बिगिनर आपको जिस तरह आपने कहा है कि आपको पता ही नहीं होगा कि मैंने, आपने तो अपनी तरफ से ठीक ही लिखना है ना, गलत थोड़ी लिखेंगे आप। ठीक है, तो आपको नहीं पता, आपके आपके हिसाब से 10/10 ही होगा वो, लेकिन आपका जो सीनियर है वो आपकी इंडस्ट्री में, उसको उससे अगर वो आपको आपकी बात सुनता है, या यू नो यू शुड हैव दैट कनेक्शन एटलीस्ट। अगर आप थोड़ा बहुत इतना आप यानी कि इतना आपके कनेक्शंस होने चाहिए आप उनके साथ बना के रखें, किसी एक दो सीनियर के साथ जो इस तरह के मौकों पे आपका काम काम आ सके। ठीक है, तो आपने उसको सेंड करना, या आप अपने क्लाइंट से पूरी तरह जो है ना उसको कह सकते हैं कि यार हाँ, मेरी सबसे एक और जो है ना बेहतरीन किस्म की यहाँ पे ट्रिक ये है कि मैं अपने क्लाइंट से मतलब कोई, अभी मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे काम आ जाते हैं जो मुझे नहीं आते होते। ठीक है, मिसाल के तौर पे अभी 1 साल हुआ है मैंने वेब कॉपी स्टार्ट की है, मतलब वेब कंटेंट स्टार्ट किया, उससे पहले मैं वेब कंटेंट नहीं, लैंडिंग पेज और ये सारी चीजें मैंने लिखा करता था। तो मैंने क्या किया था, मैंने अपने क्लाइंट को कहा था कि भाई देखो मैं ऐसे खुली किताब हूँ क्लाइंट के सामने। ठीक है, मैंने उसको बोल दिया था कि भाई मैं काम करने लगा हूँ, मुझे अपवर्क पे था वो, मैंने कहा कि मुझे कोई माइलस्टोन सेंड नहीं करना, कोई पेमेंट सेंड नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, मैं आपका काम कर रहा हूँ, मैं इसको कर लूंगा, आपको दिखाऊंगा, आपको पसंद आएगा या उसमें चेंजेस होंगी, जब फुल एंड फाइनल हो जाएगा तो फिर आप मुझे बेशक पे कर दीजिएगा। ठीक है, तो मैंने लैंडिंग पेजेस पहले जो है ना 10-15 इसी तरह ही लिखे थे। ठीक है, मैं क्लाइंट आता था, उससे मैं सारी चीजें पूछता था, उसको लिख के देता था, सेंड करता था, उसकी चेंजेस होती थी या बिल्कुल पसंद नहीं आता था, तो समहाउ मेरे कूल क्लाइंट्स होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी ब्लेस्ड इन इन दैट, यू नो अहमद, वी आर वर्किंग विद 3 क्लाइंट्स, तो बहुत कूल क्लाइंट होते हैं मेरे, तो इधर मत जिनको बता, पसंद आवाम ने पता है मुझे डीएम करने हैं। सॉरी सॉरी तो बहरहाल वो क्लाइंट बता देते थे कि यार इसमें हमें ये चेंजेस चाहिए, या वो कहते थे कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, दोबारा ट्राई करो। तो मैं क्या करता था, मैं उस टाइम तक पे नहीं करता था। अब यहाँ पे आपको लोगों को लग रहा होगा यार हमारे साथ स्कैम हो जाएगा, ये हो जाएगा, भाई अभी कोई आप बन नहीं, आपका कोई इतना ज्यादा टाइम कीमती नहीं, आपका एक्सपेरिमेंट से और लर्निंग से ज्यादा कुछ कुछ भी कीमती नहीं है शुरू में। ठीक है, तो आप बेशक वो स्कैम करके चले जाएं, चाहे उनको पसंद भी आ जाए, वो रख लें यूज कर लें, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जस्ट डू दैट एक्सपेरिमेंट थिंग, बेशक आपके पास स्कैम हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप लिखते रहें, आप उनको देते रहें। ठीक है, और 10-15 जब आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आने लगे तो फिर उसको स्टार्ट कर दें। तो दो दो ट्रिक है यहाँ पे, मतलब किस तरह पता चलेगा। नंबर 1 के हैव सम कनेक्शंस, यू नो हैव सम सीनियर्स एंड क्लाइंट के साथ इस तरह बना के रखें कि वो आपको थोड़ी बहुत सजेशंस एंड यू नो ये सारी चीजें देते रहें। दूसरा, क्लाइंट के शुरू में आपके आपके पास कोई न्यू चीज आ रही है या जिस चीज का आपको बिल्कुल भी नहीं पता, डू इट फॉर फ्री, एंड फ्री वर्क इज नॉट अ शेम एट ऑल। ठीक हो गया,
इस चीज को अपने माइंड से निकाल दें अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो। ठीक है, जब आप थोड़े से बन जाएंगे ना कुछ, तो फिर आपके पास टाइम ही नहीं होगा किसी का फ्री काम करने के लिए, तो उस टाइम आपके पास स्कैम भी नहीं होंगे। ठीक है, तो ये चीज है जी, तो जी। शिवे थैंक यू सो मच, आपने काफ़ी कुछ जो न्यूबीज के पर्सपेक्टिव है वो क्लियर किए, क्योंकि मैं हर जो चीज़ है किसी भी सेशन में बीइंग अ न्यूबी हर चीज़ को सी मतलब बिल्कुल स्क्रैच से लेके चलता हूँ कि यार अगर मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है तो मेरे रिसर्च क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा सेकंडली शिवे, मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि सपोज करें जिस तरह हम एक बिगिनर है या बिगिनर को ऑब्वियसली कोई बंदा अगर सपोज कर से पहला क्लाइंट मिलता है या मार्केट के अंदर उसे कोई पहला टॉपिक मिलता है तो वो अपने टॉपिक को किस तरह स्टार्ट करे, किस तरह अंडरस्टैंड करे अपनी यूजर की जर्नी को, और आपका जो साइको का प्रोसेस है वो किस तरह होता है, तो काइंडली उसके बारे में थोड़ी इंसाइट्स दीजिएगा। जी ओके okay, अब आपने रखा है ना मेरी दुखती रख ध्यान। ओके तो ना सबसे पहले के समझना कैसे, मतलब आपके पास लेट्स हैव अ केस सिनेरियो। ठीक है, आपके पास आपका क्लाइंट आया, उसने आपको क्या दिया, एक सीड कीवर्ड दिया, एक की फ्रेज दी, और फिर थोड़ी सी आपको बातें बताई कि भाई मेरी ये इंडस्ट्री है, ये है वो है। तो ये इस तरह का क्लाइंट था। क्लाइंट दो किस्म के होते हैं, मे भी तीन किस्म के होते होंगे, बट दो किस्म की दो मेजर कैटेगरीज हैं। एक क्लाइंट होता है आपका जो आपको सीड कीवर्ड देता है, जिसको खुद ही नहीं पता होता कि भाई मुझे मतलब टोटली तौर पर क्या चाहिए। ठीक है, उसके पास कॉन्टेंट ब्रीफ नहीं होता, आउटलाइंस नहीं होती, उसके पास कोई एसईओ वाला बंदा नहीं होता, उसके पास कोई एसईओ स्ट्रेटेजिस्ट नहीं होता, कॉन्टेंट स्ट्रेटेजिस्ट नहीं होता। बस उसको किसी ने बताया होता है कि भाई तुझे ब्लॉग चाहिए, तुझे एसईओ राइटिंग चाहिए, तो तू कोई एसईओ राइटर हायर कर ले। तो बस यहाँ पे जो है ना, अब यहाँ पे दो चीजें आ जाती हैं, या तो आप उस क्लाइंट को मना कर दो, जो कि आप समटाइम्स 90% आप नहीं करते हो। नहीं ठीक है, या तो आप उसको उसकी उसको डिग डाउन करने लग जाओ। ठीक है, अब आप एक एसईओ स्पेशलिस्ट नहीं हो, और ये मेरी सारे ये वाली बात कान खोल के सुन लो कि भाई आप एसईओ राइटर हो, एसईओ स्पेशलिस्ट या स्ट्रेटेजिस्ट नहीं हो। ठीक हो गया, ये दोनों डिफरेंट फील्ड हैं। ठीक है, अगर आपका कोई अच्छा क्लाइंट आ गया जिसके पास पैसे भी हैं, जो कि मतलब जो एसईओ पे स्पेंड भी कर सकता है, इस तरह की चीजें, तो उसको सबसे पहले बताओ कि भाई देखो मुझे आप सीड कीवर्ड तो दे रहे हो, लेकिन मैं एक एसईओ राइटर हूं, मैंने इसी पे लिखना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद ट्रैफिक और इन सारी चीजों की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये आप बात खुले जी तरीके से बता दें। ट्रैफिक लेके आना एक एसईओ राइटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, ये जो जब मुझे कोई मतलब अभी ऐसा होता है ना कभी कभी कि मुझे आउटरीच कर रहे होते हैं जूनियर राइटर्स और कहते हैं कि यार मेरा मैंने फ्लॉप ब्लॉग लिखा था और वो ना पहले पेज पे रैंक कर रहा है। भाई ठीक है, लेकिन इसमें तेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी ना ये रैंक करवाने वाली, तो रैंक हो रहा है तो इसमें तेरा क्या है मतलब। ये तो उनकी क्या पता उन्होंने बैकलिंक ज्यादा ले ली हूँ। ठीक है, क्या पता उन्होंने उनका एसईओ वाला बंदा अच्छा हो, तो मैं तो पढ़ूंगा कॉन्टेंट। ठीक है, कि लिखा हुआ कैसे है। ठीक है, एसईओ राइटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखना है। ठीक है, तो लिखा हुआ कैसे, मैं तो ये देखूंगा। अगर मैं किसी राइटर को हायर जूनियर राइटर को हायर करने लगा हूं तो वो कहते हैं कि नहीं हमारा तो ये वाला टॉपिक जो है ना पहले पेज पे रैंक कर रहा है, तो बस हम तो अच्छे एसईओ राइटर। ऐसी बात नहीं है, तो मतलब पहले तो ये वाला कंसेप्ट क्लियर कर लो कि रैंकिंग लेके, अगर आपका कोई ब्लॉग रैंकिंग कर भी रहा है तो उसमें फ्लैक्स करने की जरूरत नहीं है। वो एक एसईओ वाला बंदा फ्लैक्स कर सकता है, ठीक है, जिसने टॉपिक दिया था वो फ्लैक्स कर सकता है। मैं एज एन एसईओ राइटर फ्लैक्स नहीं कर सकता हूँ कि मेरा ब्लॉग पोस्ट रैंक कर रही है, इसमें मेरी फ्लैक्स करने की कोई बात नहीं है। और जब ये वाली बात हम इंटरनेशनल क्लाइंट से कहते हैं ना, तो वो हमें चवल समझते हैं। ठीक है, ये राइटर है और ये कह रहा है कि मैंने ब्लॉग रैंक करवाया, मेरा ब्लॉग रैंक हो रहा है, ये बड़ी काइंड ऑफ उनकी मार्केट में ये बात बड़ी अजीब लगती है, क्योंकि उनको पता है कि भाई पूरा एक डिपार्टमेंट होता है उसका एसईओ का, जिसमें एसईओ स्पेशलिस्ट होता है या स्ट्रेटेजिस्ट होता है या कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट होता है, जिसमें जिसके साथ जिसमें पूरी चीजें चल रही होती हैं। तो बहरहाल ये वाली बात क्लियर हो गई कि मतलब हाँ बिल्कुल, ये आपने सर्वत ने सही बात की है कि गूगल क्वालिटी कंटेंट ही रैंक करता है, तो कंटेंट ही मतलब कंटेंट राइटिंग सबसे मेन चीज है। एसईओ राइटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छा कंटेंट लिखना है, रैंक करे भले ना करे, ठीक है, वो हमारा सर दर्द है ही नहीं। ठीक है, वो अपने अच्छा यार इसमें मेरे साथ बहुत बहुत सारे लोग इसमें मेरे साथ डिसएग्री हो सकते हैं, दे आर फ्री टू डिसएग्री, बट मैं वही बात बता रहा हूँ जो मेरा एक्सपोजर रहा है। ठीक अच्छा है, यहाँ पे ना मैं एक चीज ऐड कर देता हूँ, हाँ सॉरी देखिए, क्योंकि मैं मल्टीपल रिसोर्स के साथ काम कर रहा हूँ, शीक भाई के साथ भी मैंने काम किया, तो यहाँ पे एक चीज ऐड करूँ। देखिए एसईओ राइटर का बेसिकली पर्पज है सर्च बिल्कुल इंजन के जो सारे मेट्रिक्स हैं, एंटिटीज हैं, उनका जो एल्गोरिदम है, उसकी अपडेट्स, कॉन्टेक्स्ट, रेलिवेंसी, हर चीज को, यूजर की जर्नी, फनल्स, हर चीज को अंडरस्टैंड करना और एक कंटेंट बनाना जो कि कन्वर्जनल बेस हो या
क्लाइंट का जो इंटेंट है या क्लाइंट जो चीज चाहता है, जो उसका जो प्रोस्पेक्ट की नीड्स है उसको फुलफिल करे, ठीक है। अब ये नहीं है कि शफीक भाई ने अब सपोज करे कंटेंट लिख कर दे दिया, अब क्लाइंट की माइट भी उसके साइट मैप में मसले हैं, उसकी रिपोर्ट TXT फाइल में मसले, उसकी क्रॉलिंग के अंदर मसले हैं, उसकी जावास्क्रिप्ट के अंदर मसले हैं, वेबसाइट की यूजर जर्नी ना ठीक हो, वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन ना ठीक हो, हाँ यूजर का डिवेल टाइम, वेबसाइट का डिवेल टाइम ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो अब बिल्कुल वो चीज, ये चीजें आड़े आ रही, तो उस पर आप लोग शफीक भाई की राइटिंग को नहीं ब्लेम कर सकते कि भाई आपने कंटेंट दिया और रैंक नहीं कर रहा, ठीक है। हमारे साथ ये 2-3 दफा केस हो चुके हैं, हम लोगों ने ऐसी केस स्टडीज मैंने अपनी लिंक्डइन अभी पे पेस्ट की। हमारा रिसेंट हाँ क्लाइंट भी चल रहा है, जिसके जिसके मैंने 8 ब्लॉग पोस्ट लिखे हैं और अहमद ने उनको ठीक किया और फिर अब वो रैंक कर रहे हैं, तो हाँ तो ये वो चीज है। लिखे हुए 6 महीने पहले से आप थे। लोगों, आप SEO राइटर, मैं मानता हूं कि उसका काम है ब्लॉग को रैंक करना, लेकिन आप लोग ये नहीं प्रॉपरली रिलाई नहीं कर सकते। रैंकिंग फैक्टर उसने इंक्लूड करके आप लोग कंटेंट देना है, ठीक है, हर चीज देनी क्या वो आप हाँ लोगों की उसको वो हम लीड्स, डिस्कस, वो कन्वर्जन ला सके। लेकिन ऑन द अदर हैंड दूसरे फैक्टर्स भी हैं कि आप लोगों की वेबसाइट की जो बाकी जो क्रिटिकल फैक्टर्स हैं उनको भी मद्देनजर रखना है। अब ये नहीं कि कंपेटिटिव नीच चल रही है तो साइको बाई को कहें कि आप लोग अभी मुझे एप्पल iPhone 13 16 Pro Max के ऊपर ब्लॉग लिख के दें और कहें कि एप्पल को सरपास करके दिखाए, तो भाई वो किस तरह करेगा, ठीक है। इन दैट टर्म्स हाँ आपको दूसरी क्वालिटी मैट्रिक्स भी देखने हैं कि यार वहां पे बैकलिंक्स मैटर कर रहे हैं, वहां पे वेबसाइट मैटर कर रही है, ठीक है। तो ये चीजें मैटर करेंगी, देन आप लोग एक कंक्लूजन निकाल सकते हो, ठीक है, विदाउट नोइंग दैट। इसमें अब ये नहीं कि टोटली आप लोग राय कर रहे हो कि यार SEO राइटर नहीं आपका ब्लॉग रैंक करना है, ठीक है। तो ये चीज है, होप सो। बाकी इन सारे रिस्पॉन्सिबल है, क्वेश्चन बहुत अच्छी बात की बाद है में हम लोग उन्होंने, जैन लेंगे। ने बहुत अच्छी बात की है, वो कह रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदारी मत लो कि भाई हम आपको कंटेंट रैंक कर हाँ देंगे, फिर बिल्कुल, लाजमी सी बात है मसले होंगे क्लाइंट का। आपको अगर आपको आती हैं सारी चीजें तो फिर तो है ठीक, मतलब आपको टेक्निकल चीजें सारी आती हैं तो फिर तो है भाई बहुत जबरदस्त। मुझे नहीं आती, मुझे टेक्निकल चीजें मतलब SEO की जो टेक्निकल चीजें हैं वो मुझे नहीं आती, वो सारी अहमद हैंडल करता है, ठीक है। तो मैं तो मतलब अब मैं क्लाइंट को कह भी देता हूँ कि हम रैंकिंग लेके आएंगे क्योंकि मुझे पता है कि अहमद मेरे साथ है, ठीक है। तो ये सीन है, बहरहाल मैं आप एज एन SEO कंटेंट राइटर, मैं अपनी जिम्मेदारी की, अपने जॉब डिस्क्रिप्शन की बात कर रहा हूँ। मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन ये है कि मैंने ऑन पेज SEO ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट लिखना है। ऑन पेज के कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको हम अभी डिस्कस करेंगे, जो के पूरे करना और जिनको पूरी तरह से इनकॉर्पोरेट करना आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन रैंकिंग में 200 से ज्यादा नोन फैक्टर हैं, अब अननोन कितने फैक्टर हैं वी डोंट नो, लेकिन 200 से ज्यादा नोन फैक्टर हैं, उनमें ऑन पेज SEO ऑप्टिमाइजेशन जस्ट एक फैक्टर है, 199 और फैक्टर हैं, साइट स्पीड, क्रॉलेबिलिटी, इंडेक्सिंग, व्हाटएवर, ठीक है। तो वो 199 फैक्टर भी पूरे करने हैं भाई, आप जस्ट एक एक फैक्टर के रिस्पॉन्सिबल हो ऑन पेज SEO, ठीक है। ऑन पेज SEO में चंद एलिमेंट्स हैं जिनको हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो मैं अपनी अब यही बात तो भाई क्लियर करनी है हमें, इसी बात के तो रोना पीट रहे हम, कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो, राइटिंग आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर क्वालिटी कंटेंट आप नहीं लिख सकते हो फिर मसला है आपको, ठीक है। अब ऐसे ब्लॉग रैंक हो रहा है नहीं हो रहा ये आपका मसला नहीं है, इस बात को समझो, ठीक है। जब तक ये बात समझ नहीं आएगी आप अपनी राइटिंग को अच्छा नहीं कर पाओगे, एक आप अच्छे SEO राइटर नहीं बन पाओगे। और SEO राइटर और ब्लॉग राइटर में क्या फर्क होता है मुझे ये नहीं पता, बट मुझे ये पता है कि राइटिंग किस तरह सही करनी है, ठीक है। एक ऑन पेज SEO ऑप्टिमाइज कॉन्टेंट किस तरह लिखना है, तो बात हो गई ये वाली, ठीक है। अब हम केस सिनेरियो ले रहे थे कि क्लाइंट आया आपके पास, उसने आपको सीड कीवर्ड अच्छा दिया, यहाँ की पे फ्रेज शिवी दी। एक और चीज है, एक और सिनेरियो है, जी सॉरी। जी अब जी जी सपोज जी करें अगर यहाँ पे ना माजिद भाई का क्वेश्चन था कि उनको मैं ना थोड़ा वाइंड अप कर लूँ क्योंकि माइट भी बाद में टाइम ना मिले, Q&A भी होना है 20 मिनट्स का। उन्होंने कहा कि भाई आप SEO राइटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है रैंकिंग लाना, SEO राइटर ब्लॉग राइटिंग में फर्क है, शायद आप ब्लॉग राइटर हो, ठीक है। देखिए माजिद भाई, SEO राइटर की रैंकिंग फैक्टर है, लेकिन रैंकिंग फैक्टर है, अब इसको सिनेरियो कर बिल्ड करें, ठीक है। सपोज करें 3 वेबसाइट है, बैकलिंको है, SEO जर्नल है, और हमारे पास टेक क्रंच है या फॉर्ब्स है, ठीक है। अब तीनों वेबसाइट कंपीट कर रही हैं, एक वेबसाइट कर रही है 4थे स्पॉट पे, एक कर रही है पहले पे और एक कर रही है दूसरे। अब चौथे वाले ने उसकी कोशिश है कि मैं पहले पे आऊं, तो अब वहां पे SEO ब्लॉग राइटर जो अपनी टैक्टिक्स, जो अपनी नी जो अपनी स्किल सेट है, जो अपना एक्सपीरियंस है, उसको इस तरह यूटिलाइज करेगा, उसके कॉन्टेंट को इस तरह सर्च इंजन के हिसाब से ऑप्टिमाइज करेगा कि वो रैंक हो। अब ये नहीं है कि मैं न्यू वेबसाइट बना रहा हूँ, मैं कहूंगा कि मैंने भाई फॉर्ब्स पहले पे आ रहा था उसको क्रॉस कर रहा हूँ, और SEO राइटर का यही काम है भाई, ऐसे तो करना बेवकूफी है ना यार, फिर फ्लफिंग कर रहे हो आप लोग क्लाइंट को, तो हाँ ये चीज मैटर हाँ करती है। अब होप सो आपको मेरा कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या हाँ कहना चाह रहा बिल्कुल, हूँ। हम यही बात थैंक कर यू, रहे हैं, ठीक है। और हाँ अब यहाँ पे आप लोगों के दिल को ठंडक पहुंचाने के लिए मैं एक और बात कर दूं, जो भी SEO राइटर्स यहाँ पे बैठे हैं, देखो कंटेंट बेस है। मैं अगर हम ये कहें ना कि भाई 50% बाकी सारे लोगों का काम है, मतलब वो SEO वाला बंदा है, डिवेलपर है, डिजाइनर है, UX UI डिजाइनर है, 50% उनका काम है। जब तक वेबसाइट पे कॉन्टेंट ही नहीं होगा
तो वो क्या कर लेंगे, एक एसईओ वाला बंदा क्या कर लेगा, कंटेंट तो उनको चाहिए ही चाहिए। तो उस हिसाब से एसईओ बहुत, मतलब एसईओ कंटेंट, कंटेंट बहुत जरूरी है उस वेबसाइट पे, कंटेंट का होना बहुत जरूरी है। तो आपके क्लाइंट को कंटेंट चाहिए ही चाहिए, बट उसको आप एजुकेट करें, अगर उसको पता नहीं है कि भाई आपको एक एसईओ वाला बंदा भी चाहिए, आपका एक अच्छा डेवलपर भी होना जो कंटेंट बैकएंड पे मैनेज कर रहा हो। वर्डप्रेस पे अपलोड करते हुए भी बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। असद यहाँ पे बैठा है, असद को पता है कि कितनी कितनी खप करनी पड़ती है अपलोड करते हुए, ठीक है, मैनुअली जब आप कंटेंट अपलोड करते हो, उसको डिजाइन करते हो। अब गूगल डॉक वाला तो हम तो गूगल डॉक में लिख के देते हैं क्लाइंट को, अब वो जाके यहाँ से कॉपी पेस्ट वहां पे कर देगा तो बहुत सारे HTML के प्रॉब्लम आ जाते हैं, ठीक है। तो उनको मैनेज करने वाला जो पीछे कंटेंट मैनेजर बैठा होता है ना, उस पे भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। वो डालता किस तरह है, मेटा डिस्क्रिप्शन किस तरह डालता है उसमें, बाकी सारी जो है ना वो हेडिंग हायरार्की को किस तरह सेट करता है, तो ये कंटेंट मैनेजर का भी इसमें रोल होता है। एनीवे हम कंटेंट की बात कर रहे थे कि भाई समझना कैसे, ये सारी चीजें छोड़ो, उस पे आते हैं, ठीक है। तो आपके पास क्लाइंट आ गया, उसने सीट कीवर्ड दिया, की फ्रेज दी, थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट्स दी, अब आपने क्या करना है, ठीक है। अब मतलब लेट सपोज कि उसके पास सारी चीजें, उसने जो टॉपिक दिया वो भी ठीक था, उसके पास पूरी कंटेंट स्ट्रेटेजी थी, सारी चीजें उसके पास ठीक थी, आपने अब कंटेंट लिखना है, और उसने आपको ब्रीफ नहीं दिया, आउटलाइन नहीं दी। समटाइम्स आपको क्लाइंट आपके ब्रीफ भी देते हैं कि भाई ये हमारे कीवर्ड्स हैं, सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं, ये प्राइमरी कीवर्ड है, सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं, इस तरह की हमने आउटलाइन बनानी है। वो थोड़ा बहुत आपको रफ किस्म की आउटलाइन देते हैं। लेट सपोज कि उन्होंने आउटलाइंस भी नहीं दी, सेकेंडरी कीवर्ड्स भी नहीं दिए, आपके पास सीड कीवर्ड है और कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं क्लाइंट की, उनका जो बिजनेस है, जो भी चीजें कंप्लीट करनी है, तो वो आपको दिया गया है। अब आपने सबसे पहला काम ये करना है कि अपने सीड कीवर्ड को, मिसाल के तौर पर वो है हाउ टू बी प्रोडक्टिव, यार सीड कीवर्ड है, सही हो गया, उसको हाउ टू बी प्रोडक्टिव को वहां से उठा के आपने उसको एज इट इज गूगल में पेस्ट कर देना है, हाउ टू बी प्रोडक्टिव। ये हो गया आपका पहला काम, ठीक है। आपने सर्प एनालिसिस करना है, ठीक है। सर्प एनालिसिस पे जस्ट पहले 10 पेज ही देखने हैं आपने, यानी कि 10 ब्लॉग्स देखने हैं, पहला पेज देखना है बेसिकली। उस पर 3 चीजें आपको मिलेंगी, एक तो कॉन्टेंट मिलेगा, ब्लॉग पोस्ट मिलेंगी, समटाइम्स आपको किसी सीट की वर्ड पे वीडियोज भी मिल जाती हैं, और ये सारी चीजें, इसको हम डिस्कस करते हैं कि कॉन्टेंट की टाइप्स क्या होती हैं। बट आपको ब्लॉग्स मिलेंगे, यानी कि कंटेंट मिलेगा, इसके अलावा आपको एक सेक्शन मिलेगा जिसको हम कहते हैं पॉप बॉक्स, पीपल आल्सो आस्क वाला सेक्शन, उसके बाद नीचे नीचे आपको मिलेगा रिलेटेड सर्चेस। तो इन 3 चीजों को बड़े सुकून से बैठ के 10-15 मिनट लगा के आपने एनालाइज कर लेना है। इसमें देखना क्या क्या है कि URL टाइटल कौन सा है, ठीक है, यानी कि ब्लॉग का जो जो क्लिकेबल टाइटल है वो कौन सा है, और उसके नीचे मेटा डिस्क्रिप्शन जो लिखी हुई है वो किस तरह लिखी गई है, वो प्लेन टेक्स्ट है, उसमें उन्होंने कुछ पॉइंटर्स डाले हैं, उसमें उन्होंने कोई नंबर लिस्ट डाली है, वो किस तरह की लिखी हुई है, आपने ये चीजें नोट कर लेनी है। और फिर आपने एनालाइज करना है कि जो प्रोमिनेंट, यानी कि पहली 2-3 रैंकिंग्स पे आ रहे हैं ना, उन्होंने उनके टाइटल्स में क्या चीज सेम है और क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक हो गया, उनके टाइटल में कौन सी चीज सेम है और क्या डिफरेंसेस हैं, ये चीज आपने नोट कर ली। उसके बाद आपने देखा कि पा बॉक्स में आपके सीड कीवर्ड से रिलेटेड कितने लोग आ, 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 उसी तरह का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा ओके, अगर आप अगर आप कहें तो मैं आप लोगों को स्क्रीन दिखा सकता हूं, अगर जी जी मुझे श्री ओके मैं ना श्री कोई आपको ना क्या कर रहे हैं, होस्ट बना रहा हूँ, आप अपनी स्क्रीन शेयर करें, ठीक है। वैसे शेयर कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके लिए मुझे सभी को अलाउ करना पड़ेगा। तो मैं आपको होस्ट कर रहा हूँ, ठीक आप है ठीक सिलेक्ट है करें और देन हाँ, तो भाई अब तो सारा कंट्रोल मेरे पास आ गया जी ओके जी हो गया। ओके तो अब मैं एक ही जगह से ओपन करूंगा, ऐसे ना मेरा सारा जो कच्चा चट है वो खुल जाए सबके सामने। श्रीक भाई, कौन सी क्लीनर बनने की बातें कर रहे हैं यार, टेस्ला के शायद आप ही एनीवे ब्लॉग्स देख रहे हैं हम क्या बात कर रहे थे, हाउ टू बी प्रोडक्टिव, हमें ये वाला जो है ना वो क्लाइंट है, बहुत जेनेरिक सी एग्जांपल है, बट आई होप कि इससे बहुत सारी चीजें जो हमें देखनी है वो क्लियर हो जाएंगी। तो ये देखो, सबसे पहले तो आपने ये, मैंने पे कॉपी पेस्ट नहीं किया, ये मैंने मैनुअली लिखा है, तो ये नीचे देखो ऑटो सजेशन में बहुत सारी चीजें आपको मिल रही हैं, हाउ टू बी प्रोडक्टिव एट वर्क, हाउ टू बी प्रोडक्टिव इन लाइफ, हाउ टू बी प्रोडक्टिव एट होम, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड ऑटो सजेशन। ये भी आपके काइंड ऑफ टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं, आपके सेकेंडरी कीवर्ड्स आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, स्टफ लाइक दैट। तो बस अब हमारा क्या था, हमारा यही था कि भाई हाउ टू बी प्रोडक्टिव, हमने इसी पे पहला सर्प एनालिसिस करना है। तो सर्प एनालिसिस में ये फीचर स्निपेट आ गया इनका, ये फीचर स्निपेट होता है, यहाँ पे आप जो भी फीचर स्निपेट होगा यहाँ पे लिखा पड़ा होगा। अब आपने देखना है कि इस टॉपिक को फीचर स्निपेट कैसे मिला है, इनमें एक लिस्ट थी 8 टास्क की। इससे एक और बात भी क्लियर हो रही है कि मतलब हाउ टू बी प्रोडक्टिव पे ज्यादातर जो कॉन्टेंट रैंक हो रहा है वो लिस्टिकल में है, ठीक है, उसकी लिस्ट बनी हुई है, ये लिस्टिकल होता है ना, जो 1 2 3 4 होते हैं, थोड़ा सा अनपढ़ा बंदा हूँ बट समझने की कोशिश करो यार, ठीक है।
मतलब लग रहा है कि यहाँ पे ये लिस्टिकल है। और दूसरी चीज, लिस्टिकल को समझने की कौन सी होती है, ये नंबर होते हैं, मतलब 10 सिंपल वेज, यू नो, लिस्टिकल, ठीक है। इसके बाद नीचे में आता गया, अब ये वाली चीजें रैंक कर रही है, ये जो पेज होता है इसको हम सर्प का पहला पेज कहते हैं, पेज 1, ठीक है। जो रैंकिंग पेज होते हैं, सर्प का मतलब रैंक, सर्च इंजन रैंकिंग पेजेस, ठीक है। वो पेजेस है तो डिफरेंट, एक से ज्यादा होंगे, अगर पेज है तो वो एक ही पेज होगा। तो उस पे हमने देखा कि भाई सबसे पहले तो एक ब्लॉग को, इंडीड वाले ब्लॉग को फीचर स्निपेट मिला हुआ है, और उसके नीचे हमने देखा कि उसके फौरन बाद ही पीपल आल्सो आस्क वाला सेक्शन आ गया। उसके बाद हमने देखा कि एक्टिव कंपेन वालों का एक ब्लॉग आ गया। उसके बाद हमने देखा कि ये वाला ब्लॉग आ गया, ये वाला ब्लॉग आ गया। उसके बाद ये वाली साइट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अभी अभी इसको इसको इस पे नहीं जाते हम, ये रिसर्च करने पे के टाइम पे बहुत काम दे दिया आपने इसकी। यानी कि वो नहीं देखना कि इन्होंने किस तरह कंटेंट लिखा हुआ है ताकि जिससे हमें रैंकिंग मिले, आपने इसको रिसर्च के लिए यूज करना होता है। रिसर्च वाला पार्ट अलग है, वो डिफरेंट है। तो अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप अपना, यानी कि इस सीट कीवर्ड पे अपना टाइटल डिसाइड कर रहे हो कि मुझे अच्छा टाइटल कैसे बनाना है, मुझे मेटा डिस्क्रिप्शन किस तरह लिखनी है, और मुझे बेसिकली लिस्टिकल लिखना है, या मुझे प्लेन टेक्स्ट वाला कंटेंट लिखना है, तो सेक्शन वाला कंटेंट लिखना है, किस तरह भी, अब ये डिसाइड कर रहे हो। ये सारी चीजें आपने देखी, आपने पीपल आल्सो आस्क वाला बॉक्स देखा, रेडिट, अगेन यू कैन यूज दिस फॉर योर रिसर्च, लेकिन अभी कोरा और रेडिट को हम साइड पे रखते हैं। फिर मीडियम, अगेन दिस इज सोशल साइट, ठीक है, इसको भी आप साइड पे रखें। उसके बाद ये वाला ब्लॉग, उसके बाद ये वाला आ गया पीपल आल्सो सर्च फॉर, ये रिलेटेड सर्चेज होती हैं। इस पे अब आपको पीपल आल्सो सर्च फॉर और ये वाला पा बॉक्स जो है, इसमें आपको सेकेंडरी कीवर्ड्स मिलेंगे, ठीक हो गया। सेकेंडरी कीवर्ड्स मिलेंगे किस तरह मिलेंगे, कि हाउ डू आई बी मोर प्रोडक्टिव, सेम लाइक हाउ टू बी प्रोडक्टिव। तो ओके, स्टार्ट रिकॉर्डिंग, ओके। अच्छा, तो यहाँ पे आपने सेकेंडरी कीवर्ड्स ढूंढने हैं। सेकेंडरी कीवर्ड्स में वैसे मेरी जो दूसरी क्रोम, असल जो जहाँ पे मैं रिसर्च करता हूँ, वहाँ पे मेरी एक एचआरएफ की एक्सटेंशन भी ऐड है, जिससे मुझे सेकेंडरी कीवर्ड थोड़े बहुत पता चलते हैं। तो हाउ टू बी मोर प्रोडक्टिव, हाउ टू बी, हाउ कैन आई बी 100% प्रोडक्टिव, 100% काइंड ऑफ सेकेंडरी कीवर्ड यू कैन से दैट, ठीक हो गया। और उसके बाद अहमद, क्या अनम्यूट करना है? ओ नो, अभी अभी ठीक है आप? अच्छा, सॉरी 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 हाँ थैंक अहमद, यू, आप अब ठीक हो गया। अच्छा श्वीक भाई, कोई मैं ना नहीं। यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करना चाह रहा था, वो ये करना चाह रहा था कि एक्सपोज करें ये जो जिन लोगों का मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन का बता रहे हो ना, वहाँ पे एक हाँ कंसेप्ट है कि लोगों को लगता है कि यार इनका रैंकिंग फैक्टर्स में चीज़ काउंट होती है, इसका रैंकिंग से हाँ कोई हाँ ताल्लुक नहीं है, इसको ये मैं CTR को बढ़ाती है, ये याद बिल्कुल रखिएगा बिल्कुल काइंडली। बिल्कुल, तो ये हाँ चीज़ ये मैं डिस्कस करने लगा था, ये मैं डिस्कस करने लगा था। अभी हम थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, मुझे पता है उधर से टाइम भी गुजरता जा रहा है। तो बहरहाल यहाँ से ये सर्प एनालिसिस से आपको टाइटल डिसाइड करना है, ये वाली चीजें एनालाइज करनी है, नीचे जो है ना ये देखना है। लेकिन दिस इज व्हाट एवरीवन डू, यू नो, दिस इज समथिंग जो कि सबको पता है कि भाई ये वाला करना है काम, ठीक हो गया। अब जो असल रिसर्च है, अब आपने मतलब अभी तक बेशक आप इनको देख लें, लेकिन अभी तक आपने कोई फाइनल वाला टाइटल डिसाइड नहीं करना, वो आप रिसर्च के बाद, वो सारी चीजें वो पूरा फेस करने के बाद आप करोगे। हमारे पास हाउ टू बी प्रोडक्टिव, इसकी ना इसकी वेरिएशंस बनती हैं, जिनको हम कहते हैं कीवर्ड्स की डिफरेंट वेरिएशन, ठीक हो गया। अब हाउ टू बी प्रोडक्टिव है, हाउ टू बूस्ट प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, हाउ टू बूस्ट प्रोडक्टिविटी, ठीक है। देखना जो अभी हमारे साथ पे रिजल्ट्स थे ना, थोड़े से डिफरेंट होंगे, उनसे थोड़े से डिफरेंट होंगे, ठीक है। अब उसमें देखो ये AI ओवरव्यू आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको नोट करनी चाहिए, ठीक है। वो पहले वाले में नहीं आया था, इस वाले में आया है। क्यों आया है? क्योंकि आई डोंट नो क्यों आया है, बट इसमें हमें देखना ये है कि इन्होंने जो लिंक दे रखे हैं वो किन ब्लॉग्स के हैं, यानी कि AI ने, गूगल की AI ने कौन सा कॉन्टेंट जो है वो किया है, ठीक है। अब मैंने वर्ड लिखा बूस्ट, ठीक है, ये वाला वर्ड जो है ना, इसको मैंने बेसिकली चेंज किया है। अब यहाँ पे देखो बूस्ट के साथ इंक्रीज वाला वर्ड आ गया, ये वाला, ठीक है। तो बूस्ट के साथ इंक्रीज, अब इसी वजह से शायद ये वाला ब्लॉग इधर लिखा हुआ है, क्योंकि AI को लगा कि कोई बंदा है, लेजी किस्म का बंदा है, जिसको अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है, ठीक है। तो उन्होंने ऑटोमेटिकली मुझे ये वाला ब्लॉग दे दिया। अब मैं ये इसको हमारे भी ग्रुप वालों के जरा, लिए स्पेशल टॉपिक। हाँ यार, ये वाले सारे चीजें पढ़ना आप लोग, ठीक है। अब ये देखो, ये भी AI की नई काइंड ऑफ फीचर है, वट एवर, इन्होंने हाउ टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अब बूस्ट और इंक्रीज, दे आर सैनोनिम्स, दे आर LSIs, ठीक हो गया। तो LSI टर्म्स, नाम सुना होगा, तो अब
मैंने बूस्ट लिखा है, इन्होंने इंक्रीज का पूरा ये फीचर दे दिया, उन्होंने मुझे 15 20 30 जाना चीज बता दिया किस तरह भी अपनी ईट द फ्रॉग। अब देखो ये होती है, ये पूरी बुक है ईट द फ्रॉग, ठीक है। ईट द फ्रॉग ये कंसेप्ट ये है कि भाई जो जो काम आपका सबसे ज्यादा मुश्किल हो ना, सबसे पहले वो कर लो, ठीक है, तो आपका मुश्किल काम हो जाएगा। तो यू नो यू कैन ईट दैट फ्रॉग, फ्रॉग जो ना अगली लगती है ना, मुश्किल लगती है खाना, तो जैसे आप मुश्किल काम कर लोगे फिर चीजें आसान हो जाएंगी। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टैक्टिक, यू नो। तो अब ये इसको हम एज अ क्रिएटिव क्रिएटिविटी भी यूज कर सकते हैं अपने ब्लॉग में, वट एवर। लेकिन ये देखो मजे का था। तो इसी तरह अब यहाँ पे भी हमने ये करना है, दो ये वाले ब्लॉग पिछले में भी रैंक हो रहे थे लेकिन ये वाला ब्लॉग रैंक नहीं हो रहा था, ठीक है। अब ये एग्जैक्ट उसी पे है मेरे बात कहने का मतलब। मैं ना इसी तरह डिफरेंट वेरिएशंस बनाता हूँ, कम से कम 4 से 5 वेरिएशंस बनाता हूँ एक कीवर्ड की, और मैं 4 से 5 डिफरेंट किस्म के सर्प एनालिसिस करता हूँ। मुझे कुछ में जो है ना एआई ओवरव्यू दिखते हैं, कुछ में मुझे डिफरेंट ब्लॉग्स रैंक करते हुए दिखते हैं। ये दो चीजों में मुझे फायदा देता है, एक तो मुझे डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिल जाते हैं कंटेंट को डिस्कस करने के, दूसरा मुझे ये पता चलता है कि मैं सबसे बेहतरीन टाइटल कैसे लिख सकता हूँ, ठीक हो गया, यानी कि सबसे काइंड ऑफ प्रोमिनेंट व्हाट एवर यू कॉल इट। तो इस तरह मैं 5 से 6 डिफरेंट वेरिएंट्स पे अपनी सर्प एनालिसिस करता हूँ। पहले सीट कीवर्ड पे तो हर कोई करता है, ठीक हो गया। अब ये दो थे, बहरहाल इसी तरह 3 4 5 जितने भी आपके माइंड में आ रहे हैं, यू कैन आस्क द वेरिएंट्स फ्रॉम चैट जीपीटी एज वेल, यहाँ पे आप यूज कर सकते हो, लिजिट है। लेकिन लिखने के लिए नहीं करना, मैं पहले बोल चुका हूँ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसके वेरियंट्स लेने के लिए, सीट कीवर्ड के वेरियंट्स लेने के लिए यू कैन यूज चैट जीपीटी, एंड आप फिर आके मैनुअली सर्प एनालिसिस करो, ठीक होगा। तो ये दो बातें होगी। अब यहीं से साइको का पहला एलिमेंट सर्च इंटेंट होता है इंटर गेम में, ठीक हो गया। ये सब कुछ करते हुए सब आपने बेसिकली जो बैकएंड पे काम करना है वो है कि आपने सर्च इंटेंट को कैसे देखना है। अब यार ये मैं बहुत डिस्ट्रेक्टेड किस्म का बंदा हूँ, इस तरह के मैसेजेस आप करोगे ना तो मैं फिर देखूंगा, तो प्लीज यार यार ये ना इंग्लिश। कोई ना बाहर का कोई बंदा है वो बात कर रहा है, खैर उसे बोलो कि मैं हम लोग देसी बैठे में तो इंग्लिश के बगैर ही चली गई हर चीज़। चलो अच्छा यार यार मेरे ठीक साथ एक कंटिन्यू और करो। प्रॉब्लम है अहमद भाई, मेरे साथ एक और प्रॉब्लम है। मुझे पता हो ना कि मेरे सामने उर्दू बोलने वाले बैठे हैं, तो मैं इंग्लिश बोल नहीं सकता, ठीक है। अब अगर मैं इंग्लिश बोलना मैंने स्टार्ट की तो बड़ा बड़ा अजीब लगूंगा, मतलब मुझे ऐसा लगता है हाँ जैसे हाँ आप आई एम ऐसे बीइंग कंटिन्यू करें समथिंग। यार, ऐसे हाँ कंटिन्यू करें तो जिस तरह। अच्छा समटाइम कोई ऐसी वेबसाइट भी होती है जिन पर ब्लॉग नहीं लगते। हाँ ये बहुत हॉट टॉपिक है, इसको हमें डिस्कस करना चाहिए, टाइम बच गया तो इसको जरूर डिस्कस करेंगे अमीना। ये बहुत हॉट टॉपिक है, ये आजकल 3 दिन हो गया मुझसे लोग पूछ रहे हैं, और पता नहीं ये बार बार मेरे सामने क्यों आ रहा है, मुझे लगता है कि इस पर मुझे कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा। एनीवे हम अपने काम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अच्छा तो मैं कह रहा था कि ये सब कुछ सर्प एनालिसिस करते हुए, अब इसको बंद कैसे करना है भाई। अच्छा तो सर्प एनालिसिस करते हुए आपके पास क्या होगा कि आपने सर्च इंटेंट मालूम करनी है। अब सर्च इंटेंट यू नो बज वर्ड है, हर हर कोई, आप लिंक्डइन पे हर रोज पढ़ते हो, आप सारे ब्लॉग्स में पढ़ते हो, जहां भी जाओगे नो योर सर्च इंटेंट, नो योर सर्च इंटेंट। भाई सर्च इंटेंट है क्या चीज, ठीक है, क्या किस हवे का नाम है ये, ठीक है। तो इंटेंट का जो वर्ड है ना, इसके दो मतलब होते हैं, लिटरली दो मतलब होते हैं, एक होता है पर्पस और एक होता है ऑब्जेक्टिव, ठीक हो गया। तो अब जो भी बंदा, मैंने ये किया ना ये हाउ टू बूस्ट प्रोडक्टिविटी, तो ये करते हुए मेरा कोई मकसद था, ठीक है, मेरी कोई इंटेंट थी, मेरा कोई ऑब्जेक्टिव था। मैं चाहता था कि भाई मैं जो लेजी लेजी सारा दिन रहता हूँ, सोया सोया रहता हूँ, तो मेरी प्रोडक्टिविटी थोड़ी सी बूस्ट हो जाए, ठीक है, मतलब कोई मुझे ऐसा अलादीन का चिराग मिल जाए कि मेरी प्रोडक्टिविटी बूस्ट हो जाए, ठीक है। तो मेरा ये वाली इंटेंट थी, मुझे बस इतना ही चाहिए कि भाई कोई चीज मुझे आए और मुझे अच्छे अच्छे वाला प्रोडक्टिव बना दे, ठीक हो गया। तो मेरी तो इंटेंट हो गई ये, लेकिन इंटेंट में लाइक 50% ऑफ द टाइम जो चीज हम इग्नोर कर देते हैं वो ये है कि भाई हमारा क्लाइंट क्या चाहता है, उसकी भी तो एक इंटेंट है ना, ठीक है, उसकी इंटेंट को भी तो आपने मद्देनजर रखना है। अब यहाँ पे प्रोडक्टिविटी वाले में क्या क्या सीन हो सकता है, आपका आपका जो क्लाइंट है वो प्रोडक्टिविटी कोच हो सकता है, आपका जो क्लाइंट है उसका कोई सास सॉफ्टवेयर हो सकता है, यू नो सास निश में, ठीक है, उनका कोई ऐसे कोई ऐप हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो उसको प्रमोट करना चाहते हो, ठीक हो गया। तो या फिर हो सकता है कि मतलब उनका कोई कोर्स हो प्रोडक्टिविटी पे, वो कोई कोच हो, ठीक हो गया। तो आपने उस सर्च इंटेंट को, यूजर की सर्च इंटेंट को अपने क्लाइंट की इंटेंट के साथ भी, अब उसको मैं सर्च इंटेंट नहीं कहूंगा क्योंकि क्लाइंट ने तो सर्च नहीं किया, आपके यूजर ने सर्च किया, तो सर्च इंटेंट यूजर की कह रहा हूँ, क्लाइंट की मैं इंटेंट कह रहा हूँ, ठीक है। तो आपने वही चीजें देखनी है, यानी कि अपने ब्लॉग में वही चीजें इंक्लूड करनी है जो आपके क्लाइंट के ऑब्जेक्टिव और पर्पज को भी पूरा कर रही हूँ और जो आपके यूजर की सर्च इंटेंट को भी सेटिस्फाई कर रही हूँ। बात की समझ आ गई, ठीक हो गया। तो सर्च इंटेंट में आपको पता है कैसे मालूम करते हैं, 3 4 चीजें मैं बता देता हूँ जो मैं मतलब एक काइंड ऑफ पॉइंटर्स मैं आपको बता देता हूँ।
सबसे पहले तो कीवर्ड हो गया, ठीक है। अब हाउ टू बूस्ट प्रोडक्टिविटी, मुझे पता चल गया कि भाई जो बंदा है वो प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करना चाहता है, मे बी वो ज्यादा सोता होगा, मे बी वो ज्यादा लेजी है, मे बी वो डिस्ट्रेक्टेड है मेरी तरह, उसका फोकस स्पैम बहुत कम है, कंसंट्रेट नहीं रह पाता वगैरह वगैरह। तो ये पहली इंटेंट हो सकती है, मतलब मैं रीडर को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो हो सकता है कि भाई उसके घर में शोर रहता हो सारा दिन, वो प्रोडक्टिव ना रह पाता हो, डिस्ट्रैक्ट होता रहता हो, कुछ भी हो सकता है। या अगर हाँ, एक और चीज, ये बिलाल अहमद भाईजान। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे, हाउ टू प्रोडक्टिव, हाउ टू बी प्रोडक्टिव, हाउ टू बूस्ट प्रोडक्ट, हाउ टू बूस्ट प्रोडक्टिविटी इन स्टडी, ठीक हो गया, हाउ टू बूस्ट प्रोडक्टिविटी इन ऑफिस। तो अगर इस तरह का कोई आपका मतलब क्लाइंट आप इस तरह को आपको एक लॉन्ग टेल कीवर्ड दे रहा है, मतलब हाउ टू बूस्ट प्रोडक्टिविटी वाइल स्टडीइंग, ठीक हो गया, तो आपको पता चल गया कि आपका जो रीडर है वो स्टूडेंट है, वाइल स्टडीइंग, स्टडी स्टूडेंट ही करते हैं ना, हमारे यहाँ तो नहीं करते बट उनके करते हैं, ठीक हो गया। तो स्टडी करने वाला इन ऑफिस में, आपको पता चल गया कि भाई वो कोई इम्प्लॉय बंदा है। अब इम्प्लॉय के अलग मसले होते हैं, स्टूडेंट के अलग मसले होते हैं, ठीक है। स्टूडेंट को मोबाइल का प्रॉब्लम होता है, इम्प्लॉयज को खर्चों का प्रॉब्लम होता है, ठीक हो गया। तो डिफरेंट किस्म के, आप देखो ये सारी साइकोलॉजी है इसके पीछे, ठीक हो गया। तो आपने इस तरह सर्च इंटेंट को समझने की कोशिश करनी है, सही हो गया। अब एक एक तो हो गया मतलब आपका कीवर्ड जिससे आप सर्च इंटेंट को मालूम कर सकते हो, और दूसरा है कंपोनेंट थ्री, जिनको मैं कहता हूँ 3 C's ऑफ कॉन्टेंट। 3 C's में क्या आता है, कॉन्टेंट टाइप, कॉन्टेंट कॉन्टेंट टाइप, कॉन्टेंट फॉर्मेट और कॉन्टेंट एंगल, ठीक हो गया। ये 3 किस्म के कॉन्टेंट काइंड ऑफ 3 C's है जिनको आप मद्देनजर रखते हुए सर्च इंटेंट मालूम कर सकते हो। मतलब क्या, मतलब क्या इस बात का, मतलब क्या हुआ कंटेंट टाइप का, क्या मतलब हुआ। अब ये इसमें तो कोई वीडियो मुझे नजर नहीं आ रही, बल्कि आ रही है, देखो इसमें वीडियोस भी हैं, तो मतलब ये कि इन्होंने वीडियो देखे, और वीडियो कहाँ पे आ रही है। समटाइम्स ऐसा होगा कि आपके कीवर्ड के स्टार्ट में ही, मतलब इधर शुरू में ही कुछ ऐसे टॉपिक होंगे, मिसाल के तौर पे ये देखो अभी आपको फौरन ही वीडियो मिलेगी, हाउ टू इंस्टॉल वट एवर विंडो 10, विंडो 10 फ्रॉम USB और व्हाटएवर। इसमें देखो आपको पहले ही वीडियो मिलेगी। अब पहले तो आपको ये माइक्रोसॉफ्ट वालों का मिला, लाजमी सी बात है वो बाबे हैं इसके, तो उन्होंने अपना ब्लॉग ही उनका ऊपर होना था, ये मेकिंग सेंस। बट उसके बाद कोई किसी दूसरे बंदे का ब्लॉग नहीं मिला, आपको वीडियो मिली, ठीक है। तो मतलब कॉन्टेंट टाइप क्या हो गई इस कीवर्ड में, वीडियोज हो गई। तो मतलब आप यहाँ पे अपने क्लाइंट को जाके कह सकते हो कि यार देखो तुम इस पे अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो लगा लो, वो ज्यादा जल्दी रैंक करेगी। लेकिन अगर आपको ब्लॉग लिखना है, मतलब आप उसको स्क्रिप्ट की अगर आप सर्विस ऑफर नहीं करते हो, आप उसको ब्लॉग राइटिंग की करते हो, तो फिर आप नीचे देखोगे कि उस पे ब्लॉग किस तरह के लिखे हुए हैं, ये वाला, ठीक हो गया, तो आपके काम का ये सेक्शन है। एनीवे यहाँ पे थे, मतलब ये वाली कॉन्टेंट टाइप होती है, मतलब वीडियोज पोस्ट हुई पड़ी है, ब्लॉग पोस्ट हुए पड़े हैं, केस स्टडीज पोस्ट हुई पड़ी है। मतलब अगर यहाँ पे आप कोई, अब अगर आप कोई मेडिकल कॉन्टेंट राइटर हो, इस तरह के कॉन्टेंट राइटर हो जिसमें रिसर्च एंड एवरीथिंग इज इन्वॉल्व, तो आपको केस स्टडीज मिलेंगी, मेडिकल रिपोर्ट्स मिलेंगी, तो कंटेंट टाइप बेसिकली आपको पता चल गया। तो कंटेंट टाइप से आपको सर्च इंटेंट का पता चलता है। सर्च इंटेंट का कैसे पता चलता है, मतलब वीडियोस रैंक कर रही है, तो इसका मतलब है कि यूजर उस टॉपिक पे वीडियो ज्यादा देखते हैं, मतलब ये कि वो बजाय उस कीवर्ड पे गूगल पे आने की बजाय वो यूट्यूब पे ज्यादा जाते हैं। मतलब अब थोड़ा सा पास करो, यहाँ पे सोचो इस बात को, हाउ टू इंस्टॉल विंडो 10 प्रो, आप गूगल पे आके चेक करोगे या यूट्यूब पे जाके चेक करोगे। 50, क्या मैं कहता हूँ 90% हम में से YouTube पे जाके ये चेक करेंगे, ठीक हो गया। तो मतलब इंटेंट क्या है, मतलब यूजर जो प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है वो भी डिफरेंट है, और उसकी इंटेंट ये है कि मुझे कोई इस पे वीडियो मिल जाए, यार मैं वीडियो देखना चाहता हूँ इस पे, ठीक हो गया। तो यहाँ से आपको कंटेंट टाइप से सर्च इंटेंट का अंदाज होता है। फिर होती है कॉन्टेंट फॉर्मेट, फॉर्मेट में यही चीज आ गई कि भाई लिस्टिकल है, प्लेन टेक्स्ट लिखा हुआ है, उन्होंने टेबल्स में कॉन्टेंट को डाल रखा है, या उन्होंने सेक्शन बना रखे हैं, वट एवर। तो ये कॉन्टेंट फॉर्मेट होती है, ठीक हो गया, फॉर्मेट में। अच्छा, फिर कंटेंट एंगल आ जाता है। अब कंटेंट एंगल में, एंगल बहुत समझने वाली चीज है, बहुत इतनी डीप भी नहीं है बट बहुत समझने वाली चीज है, आप गौर से सुनिएगा मेरी बात। कंटेंट एंगल से मुराद होती है, अब देखो मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि एक बात को करने के 1000 तरीके होते हैं, ठीक हो गया, लेकिन जो राइटर होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि 1000 तरीकों में सबसे जो बेस्ट तरीका होता है उससे बात को करे, ये राइटर की जिम्मेदारी है, ठीक हो गया। बात को करने के 1000 तरीके हैं, मेरी एज अ राइटर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उन 1000 तरीकों में से जो सबसे बेहतरीन तरीका है मैं उससे बात को करूं, ताकि अगले बंदे को समझ आ जाए, ठीक हो गया। तो वो होता है हमारा कंटेंट एंगल इन सिंपलेस्ट वर्ड पॉसिबल, ठीक हो गया। तो कंटेंट एंगल में अब 3-4 किस्म के एंगल आ जाते हैं, एक स्टोरी टेलिंग वाला एंगल है, ठीक हो गया। अब यह हो सकता है कि मैं हाउ टू बूस्ट प्रोडक्टिविटी पे कोई ऐसी स्टोरी शेयर कर दूं कि भाई पहले जो है ना वो मैं सारा दिन सोया सोया रहता था,
मुझसे कोई काम नहीं होता था, मेरी मॉर्निंग रूटीन इस तरफ मैस्ड अप थी। लेकिन फिर मैंने क्या किया कि मैं जॉगिंग मैंने स्टार्ट कर दी, मैंने सुबह उठ के नमाज पढ़ना स्टार्ट कर दी, तिलावत की, जॉगिंग की, नहाया धोया, नाश्ता किया और फिर मैंने अपना काम शुरू किया, तो मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। तो मैं अपनी स्टोरी बता सकता हूँ, या मैं जो है ना वो साइंटिफिक फैक्ट्स एंड स्टैट्स की तरफ जा सकता हूँ कि इतने लोग जो है ना वो सुबह सुबह काम करने बैठते हैं और उसमें से इतने परसेंट लोग जो है ना वो काम नहीं कर पाते, और मैं फिर कोई क्रेडिबल किस्म की स्टडी साथ में मेंशन कर देता हूँ कि यार इस स्टडी के मुताबिक। ठीक हो गया, तो ये एक हो गया स्टोरी टेलिंग वाला एंगल, एक हो गया फैक्ट प्रेजेंटर एंगल हो गया आपका, ठीक हो गया। एक ओपिनियनेटेड किस्म का एंगल होता है, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि यार लोग कहते हैं कि जॉगिंग करने से जो है ना वो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन मेरा मानना ये है कि जॉगिंग करने से नहीं बढ़ती। आपने जो काम करना है, अगर सुबह उठते ही बगैर मुंह धोए अगर आप वही काम स्टार्ट कर देंगे ना, तो लाजमी सी बात है काम आपको हो जाएगा। तो ये भी सच है, ये भी सच है। अगर इस तरह समटाइम्स इस तरह होता है कि मैं भाई क्लाइंट का प्रेशर होता है ऊपर से, मुझे अभी कभी ब्लॉग चाहिए, तो इस तरह होता है कि मैं भाई सारी चीजें भूल जाता हूँ, बस उठता हूँ लैपटॉप खोल के उधर ही बैठ जाता हूँ काम करने, तो इस तरह भी होता है। ठीक है, तो मेरा ये ओपिनियन है। अब इस पे मैं इसको मैं 3-4 तरीकों से लिख सकता हूँ, हाउ टू बूस्ट प्रोडक्टिविटी को, स्टोरी टेलिंग वाले एंगल से, स्टैट प्रेजेंट फैक्ट प्रेजेंट कर सकता हूँ मैं, या फिर मैं उसको मैं अपना ओपिनियन दे सकता हूँ। तो ये हो गई हमारा कॉन्टेंट एंगल। अब यहाँ पे क्या चीज आपको नजर आ रही है, मतलब अगर आपको ये देखो यहाँ पे लिस्टिकल्स नजर आ रहे हैं सारे, तो मतलब ये कि अब लिस्टिकल्स में उन्होंने किस तरह लिखा है कि हम ब्लॉग को ओपन करेंगे उसमें देखेंगे कि लिस्टिकल में उन्होंने किस तरह लिखा है, और वहां से हम कंटेंट एंगल आपको ब्लॉग के अंदर मिलेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे देखो, 10 ways to इन्होंने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया, यूज दिस पावरफुल स्टडीज, मुझे ये लाइन बिल्कुल पसंद नहीं आई, यू रीच द एंड ऑफ, अब इन्होंने डायरेक्ट नैरेटिव स्टार्ट किया है और पेन पॉइंट को हिट किया है। ठीक है, तो मतलब इन्होंने क्या किया कि वो पेन पॉइंट वाला एंगल काइंड ऑफ यूज किया इन्होंने। ठीक है, कि यू रीच द एंड ऑफ योर वर्क डे एंड ग्लैंस एट योर नाउ कॉफी स्टैंड टू डू लिस्ट, आई लव दैट। ठीक है, कि भाई सारी चीजें वैसे कॉफी कॉफी हुई पड़ी है लेकिन आपका काम नहीं हुआ कोई। ठीक हो गया, तो यू आर इमीडिएटली ओवरकम विद फ्रस्ट्रेशन एज यू लाइक दैट बियरली हाफ द टास्क आर चेक्ड ऑफ। ये देखो, ये डायरेक्ट वो दुखती रग पे हाथ रख रहे हैं, तो इन्होंने ये वाला कॉन्टेंट एंगल यूज किया है। अब नीचे हम देखेंगे कि उन्होंने हर सब हेडिंग में उन्होंने चीज को किस तरह बयान किया। आप देखोगे कि यहाँ पे इन्होंने देखो ये किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को इन्होंने कोट कर रखा है, मतलब ये कि एसएमईज के कोट्स लेके आ रहे हैं ये, तो इनका एक कंटेंट एंगल ये है, दे आर ब्रिंगिंग सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट तो अपनी बात को इफेक्टिवली कन्वे करने के लिए। ठीक हो गया, तो ये भी समहाउ आपको बता रहा है कि कंटेंट एंगल इनका क्या है। तो इससे आपको क्लियर हो रहा होगा कि मतलब कंटेंट एंगल, कंटेंट टाइप और कंटेंट फॉर्मेट से हम सर्च इंटेंट को कैसे मालूम कर सकते हैं। ठीक हो गया, अच्छा फिर आती है हमारे पास जो तीसरी, पहली चीज आ गई कीवर्ड, दूसरी चीज आ गई कंटेंट टाइप, फॉर्मेट, एंगल, और तीसरी चीज जो है हमारी वो है अगेन दैट ओल्ड फैशन पीबॉक। ठीक है, कि अब मैंने सर्च किया था हाउ टू बूस्ट प्रोडक्टिविटी, इन लोगों ने क्या पूछ रखा है, ये लोगों ने पूछ रखे हैं बाय द वे कि व्हाट शुड आई डू टू इंक्रीज माय प्रोडक्टिविटी सेम एज दैट वन, और व्हाई इज माय प्रोडक्टिविटी सो लो। ये कोई मेरी तरह का भाई है, वो पूछ रहा है कि भाई मेरी प्रोडक्टिविटी इतनी लो क्यों है। ठीक है, तेरी बिजनेस में प्रॉब्लम है भाई। अच्छा, व्हाट इज द ट्रिक टू प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ये बंदा ट्रिक पूछना चाह रहा है, ठीक है, इसको ट्रिक्स एंड ट्रिप्स चाहिए। ठीक हो गया, हाउ टू शुड टर्न लेजीनेस इनटू प्रोडक्टिविटी। ये वाला बंदा जो है ना, ये वो वाला बंदा था जिसके लिए एलॉन मस्क ने कहा था कि जब, एलॉन मस्क ने पता नहीं किसने कहा था, पता नहीं बिल गेट्स ने कहा था, किसने कहा था कि मुझे जब कोई मुश्किल काम करवाना पड़ता है तो मैं लेजी बंदों को हायर करता हूँ ताकि वो कोई ना कोई शॉर्टकट ढूंढ ले। तो ये बंदा बेसिकली क्या है, शॉर्टकट वाला बंदा है, तो इसको लेजीनेस को ही प्रोडक्टिविटी में तब्दील करना है यार। देखो तो देखो कितना कितने मजे का काम है यार ये एनालिसिस करना। ठीक है, तो पता नहीं आप लोगों को क्यों बुरा लगता है। तो देखो, अभी एक कोई बंदा शॉर्टकट ढूंढने वाला है और उसको चाहिए कि मेरी लेजीनेस ही प्रोडक्टिविटी में बदल जाए। ठीक है, वो कोई इतना महापुरुष है। ठीक है, तो एनीवे ये आपका पाव बॉक्स है जहां से आपने देखनी है। उसके बाद नीचे रिलेटेड सर्चेज को भी आप देख सकते हो, अगर नहीं देखना चाहते तो कोई बात नहीं है। अगर इसके बाद जो चौथी चौथी चीज है वो है एसईओ टूल, यानी कि सैमरश। यहाँ पे मेरे पास तो ओपन ही नहीं है, बहरहाल आप सैमरश में जाओगे वहां पे एक आपको टूल मिलेगी कीवर्ड ओवरव्यू या मैजिक कीवर्ड ओवरव्यू, व्हाट एवर इट इज, तो वहां पे आप अपना यही सीड कीवर्ड डालोगे, उसके अंदर वो एक वर्ड में बता देता है कि ये इंफॉर्मेशनल है, और वो बेसिकली देखते क्या चीज है, ये वाले वर्ड्स देखते हैं, मतलब हाउ टू। अब ये हाउ टू वाले जितने भी टॉपिक्स होते हैं संभव इंफॉर्मेशनल सर्च इंटेंट में आ जाते हैं। ठीक हो गया, हाउ टू ये इंफॉर्मेशनल सर्च इंटेंट में आ जाते हैं, या बाय iPhone 30, ये जो वर्ब होते हैं, ठीक है, जो एक्शन वर्ब होते हैं वो ज्यादातर कमर्शियल इंटेंट में आ जाते हैं। ठीक है, इसी तरह नेविगेशनल इंटेंट भी होती है, व्हाटएवर।
तो वो आपको एक वर्ड में, जो टूल्स हैं वो एक वर्ड में आपको इंटेंट बता देंगे कि भाई इसकी इंटेंट इंफॉर्मेशनल है, इसकी इंटेंट कमर्शियल कमर्शियल है। लेकिन अगेन मैं आपको ये बात अगेन बड़े मतलब बड़े क्या कहते हैं उसको, वसोक से कह रहा हूँ कि सर्च इंटेंट इज नॉट वन वर्ड फिनोमिना। ठीक है, सर्च इंटेंट को कभी भी आप एक वर्ड में या एक सेंटेंस में बयान नहीं कर सकते हो, इट इज द होल साइकोलॉजी। ठीक है, इसमें रीडर क्या चाह रहा है, वो आपका क्लाइंट क्या प्रेजेंट करना चाह रहा है, और उसके अकॉर्डिंग उसकी टारगेट ऑडियंस क्या ढूंढना चाह रही होगी वगैरह वगैरह। तो सर्च इंटेंट आपके ब्लॉग के शुरू से लेके आखिर तक ही चलती है, इट इज नॉट वन वर्ड फिनोमिना, इट इज नॉट। और इसी वजह से आपको जब आपको प्रॉब्लम पेश आती है ना कि यार मेरे क्लाइंट का तो ये वाला टॉपिक था, मतलब हाउ टू बूस्ट प्रोडक्टिविटी इंफॉर्मेशनल टॉपिक था, लेकिन वो क्या चाह रहा है कि मैं इसको कमर्शियल में लेके चलूं, तो मैं अब क्या करूं, टूल्स वाले जो है ना वो तो ये इंफॉर्मेशनल बता रहे हैं, तो अब तो मसला बन गया, मैं क्या करूं। तो भाई टूल्स वाली सर्च इंटेंट ठीक ही नहीं है ना। ठीक है, आप एक 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 सर्च इंटेंट, आप आज से आप सर्च इंटेंट वाला वर्ड यूज मत करना, आप कहना कि यूजर की साइकोलॉजी, ठीक है, द साइकोलॉजी ऑफ यूजर, ठीक हो गया। तो इसको आज से हम इस टर्म को चेंज कर देते हैं, ठीक हो गया। तो साइकोलॉजी ऑफ यूजर आपने मालूम करनी, और साइकोलॉजी में आप मेरे वाला साइको भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो आप उसमें क्या है कि आप अपने क्लाइंट, आप देखो आपके क्लाइंट का क्या होगा, कमर्शियल अगर है तो उसकी लाजमी सी बात है यार उसका कोई या तो बिजनेस होगा, या उसके पास कोई टूल होगी, या उसका कोई कोचिंग प्रोग्राम होगा, तो आपने उसको बयान करना है लाइक उसके जो, अब ये देखो कमर्शियल में आपने बेनिफिट्स और फीचर्स को उसमें इंफॉर्मेशन में लेके आना होता है। ठीक है, तो इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, यू जस्ट नीड टू थिंक आउटसाइड ऑफ द बॉक्स। ठीक हो गया, तो आई होप ये और भी बहुत सारे क्वेश्चन को क्लियर करोगा, पर दैट इज दिस इज हाउ वी गेट टू नो द सर्च इंटेंट। अब अगली बात पे चलते हैं भाई, अहमद अगली बात पे चला जाऊं मैं, साइको की अगली बात पे। जी, आप करें माइंड अप इंशाल्लाह, क्योंकि ऑब्वियसली ऑडियंस हाँ के लिए रखा है, तो आप कोशिश हाँ करेंगे हाँ शॉर्ट फॉर्म में उसको ज्यादा हाँ मैंने। हाँ मैं कोशिश करता हूँ 2-3 मिनट में अथेंटिसिटी को यूं ऐसे साइड पे लगा देते हैं। जी, अच्छा, अब साइको में जो नेक्स्ट ए है वो है अथेंटिसिटी का। ठीक हो गया, अथेंटिसिटी क्या है? अब ये अगेन अथेंटिसिटी इज अ बज वर्ड, यू नो यू रीड ऑल द टाइम ऑन लिंक्डइन के भाई बी अथेंटिक, बी रियल, बी वट एवर। ठीक है, तो भाई आप वट इज अथेंटिसिटी बेसिकली, वट 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 डज दैट लिटरली मीन, मतलब क्या है इसका? ठीक हो गया, मतलब ये है कि अब मैं हूं, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना कि मुझे टेक्निकल एसईओ का नहीं पता, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना कि भाई रैंकिंग लेके आना मेरे मेरे बस की बात नहीं है। आई आई कैन नॉट क्लेम, आई कैन नॉट गिव यू द गारंटी टू गेट रैंकिंग। अगर आप मेरे क्लाइंट होते और आप मेरे साथ मीटिंग कर रहे होते तो मैं आपके मुंह पे ही बता देता कि भाई आपकी रैंकिंग लेके आना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आई एम नॉट क्लेमिंग रैंकिंग। ठीक है, मैं अपना कॉन्टेंट अच्छा करके लिखूंगा, मेरे कॉन्टेंट से ज्यादा मतलब उस जो टॉपिक आप दोगे उस पे मेरे वाले कंटेंट से ज्यादा अच्छा कोई कंटेंट नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, बट रैंकिंग लेके ना मेरा काम नहीं है। तो व्हाट आई एम डूइंग बेसिकली, आई एम बीइंग अथेंटिक टू विद माय क्लाइंट। ठीक हो गया, मैं कोई फॉल्स क्लेम नहीं कर रहा हूँ। इसी तरह सेम इसी तरह आपने अपने रीडर के साथ भी इसी तरह अथेंटिक रहना है भाई। आपके क्लाइंट की जो मिसाल के तौर पर इसी हाउ टू प्रोडक्टिविटी वाले को लेकर चलते हैं, तो अगर आपकी क्लाइंट की एक टूल है, ठीक है, और वो जस्ट टू डू लिस्ट वो प्रोवाइड करते हैं, मतलब टू डू लिस्ट और ये सारी चीजें मैनेज करती है उनकी टूल, तो आप वहां पे ये कह रहे हो कि भाई वो आपको आपकी जिंदगी को चेंज कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, तो ये दिस इज व्हाट वी कॉल एग्जेजरेशन। ठीक है, तो आपने अपने कंटेंट में चीजों को एग्जेजरेट नहीं करना भाई, रीडर पढ़ रहा हो उसको लगे कि भाई ऐसे ही ये तो हवाइया छोड़ रहा है। ठीक है, इतना नहीं लगना शुफ चाहिए यू। शुफ शुफ वाली सरकार नहीं बनना हाँ, शुष्क वाली शॉर्ट सरकार नहीं बनना। ठीक हो गया, तो शुष्क वाली सरकार नहीं फॉर्म में। बनना। हाँ, बी व्हाट यू आर यू नो बी रियल, इसमें इस तरह रियल बनना है कि जो आपके क्लाइंट की जो चीज जैसी है आपने उसको ऐसे ही प्रेजेंट करना है। हाँ, यू कैन प्रेजेंट इट इफेक्टिवली, वो वाली बात मेरी याद करो जो भी मैंने थोड़ी देर पहले की, कि बात करने को 1000 तरीके हो सकते हैं, लेकिन आपने सबसे बेस्ट तरीके से करनी है, आपने इफेक्टिवली उसको बयान करना है, बट डोंट बी डोंट एग्जेजरेट स्टफ, डोंट जस्ट मेक अप स्टफ। ठीक हो गया, आप चैट जीपीटी पे जाते हो, आप उसको कहते हो कि यार मुझे इस टॉपिक पे ना केस स्टडीज चाहिए और व्हाटएवर, तो आपको वो केस स्टडी बना देता है कि मीट साइमन, मीट पता नहीं वो क्या क्या अपनी तरफ से लेके आ जाता है। ठीक है, तो उसको ये मसला था, उसका ये मसला ऐसे हल हो गया वगैरह वगैरह। तो व्हाट व्हाट इज चैट जीपीटी डूइंग बेसिकली, वो चीजों मेकअप कर रहा है, यू नो अपनी तरफ से चीजें घड़ रहा है। ठीक है, तो आपको ये वाला काम नहीं करना, डोंट बी अनऑथेंटिक, यू नो डोंट जस्ट मेकअप स्टफ, डोंट एग्जेजरेट स्टफ। अब आप रिसोर्स कोट कर रहे हो तो यू नो मेंशन दैट क्रेडिबल रिसोर्सेज और क्रेडिबल वेबसाइट्स होनी चाहिए, वो कोई गवर्नमेंट की ऑथराइज वेबसाइट होनी चाहिए, वो कोई ऑफिशियल वेबसाइट होनी चाहिए। ठीक है, या अगर कोई साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है तो वो उसको बकायदा यानी कि एक रेगुलर किस्म का होना चाहिए, इंस्टीट्यूशन होना चाहिए अगर कोई इस तरह रिसर्च वाला है। ठीक हो गया, तो
बेसिकली अगर इसको मैं एक एक लव एक सेंटेंस में वाइंड अप करूं ऑथेंटिसिटी को, तो इट इज नोइंग व्हाट यू आर राइटिंग एंड व्हाई यू आर राइटिंग. यू नो, आपने आप क्यों लिख रहे हो, उसका मकसद क्या है, ठीक है, और आपने उसको एज इट इज ही प्रेजेंट करना है, अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है, बट उसमें कोई फॉल्स क्लेम नहीं करने, उसको एग्जेजरेट नहीं करना. यू नो, अपने चैट जीपीटी का देखो, देखे होंगे सेंटेंसेस, वो आपको इस तरह सेंटेंस लिखता है कि जिस तरह लगता है कि भाई एलिवेट यू आर फ्ला 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 डिमकांड होगा, तो एलिवेट सेलिवेट वाली बात नहीं है, जो चीज है वैसे ही आप किसी को कोई पर नहीं लग जाते, ठीक है. तो ये वाली बात होगी ऑथेंटिसिटी में. अब ऑथेंटिसिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू दैट ईट क्राइटेरिया, ठीक है. अब ये ईट क्राइटेरिया के साथ अगर इसको मैं अटैच करने बैठ जाऊं तो पूरा घंटा यहीं पे लग जाएगा, बट यू नो इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ईट ईट क्राइटेरिया एंड ऑल्सो डायरेक्टली रिलेटेड टू योर ऑन पेज एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है. ऐसे मैं कोई आउट ऑफ थिन एयर मैं इसको लेकर नहीं आ गया कि भाई बी ऑथेंटिक. ये जब आप ऑथेंटिक रहते हो, जब आप क्रेडिबल रिसोर्सेज को वहां पे कोट करते हो, वट एवर यू ब्रिंग द एसएमई एंड स्टफ लाइक दैट, तो आपका आपकी एसईओ ही ऑन पेज एसईओ ही वो हो रही होती है, स्ट्रांग हो रही होती है, ठीक हो गया. और एक बात और, इस चीज को अहमद मुझसे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, इट इज नॉट एन एसईओ फैक्टर अगेन. ईट वो क्वालिटी रेटर गाइडलाइन है जो गूगल ने हमें दी है, ठीक है, वो कोई इस तरह फैक्टर नहीं है उसका, जिस तरह जो है ना वो साइट स्पीड एक फैक्टर है, कंक्रीट किस्म का फैक्टर है, तो वो इस तरह कोई कंक्रीट किस्म का फैक्टर नहीं है ईट. वो हाउ गूगल एवोल्यूएट योर कॉन्टेंट, वो उस रेटर गाइडलाइंस है, मतलब काइंड ऑफ गाइडलाइंस है, और उनमें ऑथेंटिसिटी इफ यू आर बींग ट्रस्ट वर्दी, जो कि टी से निकलता है वहां पे, ईट के टी से निकलता है, तो ट्रस्ट वर्दीनेस कैसे आएगी, ऑथेंटिसिटी से आएगी. बात की समझ लगी, ठीक हो गया, आगे चलते हैं. ऑथेंटिसिटी के बाद होते हैं इनसाइट, ठीक हो गया. आपके कंटेंट को इनसाइटफुल होना चाहिए, बट व्हाट इज इनसाइटफुलनेस अगेन, ठीक है. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वालों ने इसकी बहुत अच्छी डेफिनेशन लिखी, ठीक है, जो कि ब्लॉग राइटिंग के साथ ऐसे डिट्टो रिलेट करती है. वो क्या है, डेफिनेशन क्या है, व्हाट क्वेश्चन था, व्हाट मेक्स समथिंग इनसाइटफुल, ठीक हो गया. तो उन्होंने डेफिनेशन लिखी थी, द कैपेसिटी टू गेन एन एक्यूरेट एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग आर अ पर्सन, ठीक हो गया, कि किसी चीज को, आपको मुझे पता है आपको इंग्लिश आती है, बट मैं इसको ट्रांसलेट कर देता हूँ फिर भी, ठीक है. तो किसी चीज को इंसाइटफुल कैसे बनाया जा सकता है, वो ऐसे इंसाइटफुल बनेगी व्हेन यू हैव द कैपेसिटी अ डीप यू नो अ कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग डीपली और एक्यूरेटली, ठीक हो गया. अब मिसाल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि एक मेरा क्लाइंट था रिसेंटली, वाज इन सोलर निश, ठीक हो गया. उसके उसके जो सारा काम था वो सर्किट ब्रेकर को कैसे इंस्टॉल करना है, उसके यूजेस क्या है, बेनिफिट्स क्या है वगैरह वगैरह, किनको चाहिए किनको नहीं चाहिए. अहमद भी मेरे साथ थोड़ा दिन उस पर काम किया था, अहमद ने भी, बट वो क्लाइंट कोई अजीब किस्म का था, चाइना का था, तो उसको चीजों की समझ नहीं आ रही थी और हमें भी उसकी समझ नहीं आ रही थी, उसको हमारी समझ नहीं आ रही थी. बट एनीवे हुआ ये कि मैं जितना उसको कहता था कि यार मुझे अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताओ, ठीक है, मतलब आपका सर्किट ब्रेकर दिखता किस तरह है, मुझे उसकी पिक्चर भेजो. अब वो कहता था कि यार तू तो राइटर है, तुझे पिक्चर क्यों चाहिए, ठीक हो गया. मैं भाई मैं कहता था कि मुझे देखना है कि उसमें फुलां स्विच जो है वो कैसे लगता है, उसका ओपन स्विच है, यू नो क्लोज स्विच है, मैं सारी चीजें रिसर्च कर रहा था, तो मुझे ये सारे पॉइंटर मिले. तो मैंने क्लाइंट को बोला कि मुझे अपनी प्रोडक्ट की पिक्चर्स भेजो, तो वो कह रहा था कि तू तो राइटर है, तुझे क्यों पिक्चर्स चाहिए, ठीक है. तो जब तक मैं उस चीज को पूरी तरह समझूंगा नहीं, ठीक है, उस चीज को देखूंगा नहीं, मैं उसको कैसे मतलब रीडर के लिए कैसे इंसाइटफुल बना सकता हूँ, पॉसिबल ही नहीं है ना. अच्छा, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा डीप जा रहा हूँ, थोड़ा सा डीप जा रहा हूँ, आप लोगों ने मेरे साथ रहना है, उबासी उबासी नहीं लेनी, ठीक हो गया. तो इंसाइटफुलनेस होती, बेसिकली इंसाइटफुलनेस अगेन इज इट्स नॉट समथिंग कंक्रीट, इट्स नॉट समथिंग एब्स्ट्रैक्ट. ऐसे नहीं है कि भाई कोई चीज इंसाइटफुलनेस है तो उसमें वैल्यू है, ये है वो है, मतलब इट इज समथिंग कंक्रीट, एक ऐसी चीज है, एक ऐसी टेंजिबल चीज है जिसको आप छू सकते हो, जिसको आप फील कर सकते हो, ठीक हो गया. इंसाइटफुलनेस एक बीइंग इंसाइटफुल एक ऐसी चीज है. मैं आपको बताता हूँ कैसे. मिसाल के तौर पे मैं एक ब्लॉग लिख रहा हूँ और उसमें है, मिसाल के तौर पे ये जो भी हमने थोड़ी देर पहले रिसर्च किया, हाउ टू इंस्टॉल विंडो 10 प्रो, ठीक हो गया. तो हम एक ऐसे बंदे को जिसको पता नहीं है कि विंडो 10 इंस्टॉल कैसे करते हैं, हम उसको इनेबल कर रहे हैं कि विंडो 10 इंस्टॉल कैसे करनी है, हम उसको स्टेप्स बता रहे हैं, ठीक है. तो उन स्टेप्स में हम जितने इंसाइटफुल होंगे, जितना हम एक्यूरेटली और डीपली चीज को बताएंगे, उतने ही ज्यादा वो अच्छे तरीके से विंडो 10 को इंस्टॉल कर पाएगा. तो इन दैट सेंस इंसाइट्स आर समथिंग कंक्रीट, दे आर नॉट एब्स्ट्रैक्ट, ठीक हो गया. तो इसी तरह इसमें आप मेरे दो तीन लाइनें हैं जो मैं आपको मैंने लिखी हुई है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ.
हाउ वी मेक समथिंग इंसाइटफुल, वी इनेबल पीपल टू डू समथिंग, वी इनलाइटन पीपल अबाउट अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम और प्रेजेंट देम विद अ स्पेसिफिक सॉल्यूशन। एंड मिसाल के तौर पे हाउ टू, एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे नीचे लिख रखी है, हाउ टू यूज समथिंग, ठीक है, ये हम लोगों को कोई चीज करने के काबिल बना रहे हैं, हाउ टू यूज समथिंग, हाउ नॉट टू यूज समथिंग, ठीक हो गया। वी रिप्लेस, अगर हम कुछ ले, किसी किसी का कोई ओल्ड कंसेप्ट है, वी आर रिप्लेसिंग दैट ओल्ड कंसेप्ट विद समथिंग न्यू, ठीक हो गया। तो ये देखो कितने कंक्रीट हो रहे हैं हम, ठीक है, इसमें हम कोई ऐसे ऊपर ऊपर से चीजें नहीं बता रहे, बट हम उनको, अगले बंदे को किसी चीज के काबिल बना रहे हैं, ठीक हो गया। एंड वी रिप्लेस समथिंग कॉम्प्लिकेटेड विद समथिंग सिंपल, ठीक हो गया। तो ये है ऐसे, मतलब जब हम एक रीडर को, बॉटम लाइन सुन लो इंसाइटफुलनेस की, जब हम एक रीडर को किसी चीज के कुछ कुछ करने के, कुछ समझने के काबिल बनाते हैं, ठीक हो गया, ये है बीइंग इंसाइटफुल, इंसाइटफुल इन अ ब्लॉग पोस्ट। अच्छा अरे अब यहाँ पे ना शफीक भाई, सॉरी, यहाँ पे एक और चीज़, मैं ना, अब शफीक भाई आप अपनी स्क्रीन क्लोज कीजिएगा, इनको ना आप थोड़ा सांस वैस ले लें, रेस्ट रेस्ट करें, अभी हाँ तसल्ली थैंक यू वाला, यार, है ना। इनको मैं ना छोटे वर्ड्स के अंदर एक बड़ी बड़ी बड़ा वैल्यू देता हूँ कि यार एक्चुअली में शफीक भाई डिलीवर क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बींग एन एसईओ स्पेशलिस्ट, आप मुझे ना शफीक भाई वो होस्ट कर दें, तो जो जिस तरह राइटर है ना, राइटर आप लोगों को एंगल्स बता सकता है, चीज़ें बता सकता है, लेकिन राइटर लोगों की जो जर्नी और वेबसाइट जो ऑलरेडी कंपेटिटर एनालिसिस है ना और रिवर्स इंजीनियरिंग, वो एक एसईओ स्पेशलिस्ट और एसईओ स्ट्रेटेजिस्ट वो काम परफॉर्म करता है, ठीक है। शफीक भाई आप मुझे होस्ट कर दीजिएगा प्लीज़, आप ना इधर जाएँ पार्टिसिपेंट्स के और ऊपर, पे जी वहाँ पे मेरा नेम सर्च करें, एंड जी देन जी वहाँ से, डिजिटल बॉक्स वहाँ पे वाला हाँ उधर से आप 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके मेका होस्ट कर जी दें, जी ठीक। जी पता है अहमद भाई, इतना थैंक यू। भी नॉन टेक्निकल नहीं हुई यार। नहीं मुझे लगा अबे यार शादी शादी वादी इंजॉय कर रहे हैं तो शायद भूल गए होंगे चीजें। नहीं यार, क्या 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 गलत अफवाहें फैला रहे हैं, ओके लेकिन सीधी सी बात है, ये ले बन गया तू होस्ट। थैंक यू। अच्छा गाइज, मैं ना रिसेंटली अराउंड कोई क्या लो के 3 4 माह पहले मैंने काम किया, एक ना $1 मिलियन वाली कंपनी थी नोड मेवन, ठीक है। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को, कहने ये बताइएगा प्लीज पहले बाकी चीजें बता। यस ओके थैंक यू। अच्छा ये कंपनी है नोड मैम, इनके साथ मैंने काम किया है, आलो काम इतना नहीं किया लेकिन जस्ट एक स्ट्रेटेजिस्ट एज अ कि लाइक एक्चुअली में इनको ये लैक किस तरह कर रहे हैं, आप लोग की वेबसाइट देखो नोड मैम को, आप लोग जिन पे काम करते हो ना अक्सर वो तो होती है ना लो ट्रैफिक वाली। मेरी मेरे साथ मोस्टली वो क्लाइंट्स जुड़े हुए थे पहले जिनकी जो अच्छे खासे थे, मतलब जिस तरह के यार ना सर्प एनालिसिस में देखो या क्वालिटी वाइज कॉन्ट्रैक्ट काम करते थे, जो पीपीसी जिनकी स्पेंडिंग भी थी, और जिस तरह कहते हैं ना एक यार बिजनेस वो जो अपनी ना लाइक जिनके पास पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए लेकिन उन्हें आउटकम चाहिए इन दैट सेंस, तो वो वाले बिजनेस के लिए ना मैंने काम किया है, स्ट्रेटजीज बिल्ड की है। तो क्योंकि देखें अब ये नोड मैम ने बेसिकली, मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ, ये एक ना एक प्रॉक्सी सर्वर प्रोवाइडिंग कंपनी है, ठीक है। तो इनका काम था कि हम लोग अपनी ना ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन्स लेके आए बिजनेस के ऊपर ताकि हमारी जो है ना प्रॉक्सी ज्यादा सेल हो। अब ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग ने डायरेक्ट ना ऑफिस या वो बिजनेस टारगेट कर रहे थे जिनको जिनको प्रॉक्सी मतलब की नीड है, समथिंग लाइक दैट। जिस तरह कह लो कि अगर हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं या वो वेबसाइट्स जो विदाउट प्रॉक्सीज नहीं काम करती, ठीक है, उनको टारगेट कर रहे थे। लेकिन इन्हें ना अपनी ना चीजों का नहीं पता था। अब ये देखें ये यूज केसेस इनके देखें कि यार ये हाउ वी प्रॉक्सीज वी कैन डू, अकाउंट मैनेजमेंट कर रहे थे, ठीक है, डाटा स्क्रैपिंग कर रहे थे, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे थे, एसईओ मॉनिटरिंग, इनके लिए वो कह रहे थे कि ना आप, हम लोग ना हमारी जो प्रॉक्सीज वगैरह वो यूज हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इनकी वेबसाइट आप लोग देखोगे ना, तो ये देखें इनकी वेबसाइट की ट्रैफिक ये थी, हालांकि ये कंपनी बहुत, ये देखें ये पीपीसी पे भी काम करती है। तो सीन ये था कि इनको वैल्यू क्यों नहीं मिल रही थी, देखें इनकी टारगेट ऑडियंस यूएस यूके और टर्किश है। मसला ये था इन्हें एक्चुअल में ये नहीं पता था कि हम लोग सेल जो कर रहे हैं एक्चुअली हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो क्या है, एक्चुअली में हम लोग का जो ये एंगल है बिजनेस का, ये खाली एक एंगल दे रहे थे कि हम लोग प्रॉक्सी सेल करेंगे इससे क्या होगा आईपी चेंज होगी और ये चीज है। लेकिन वहीं पे अगर मैं ना इसके कंपेटिटर्स, क्योंकि मैंने मल्टीपल के लिए काम किया, क्योंकि मैं 2021 से ई-कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर हूँ, तो मुझे पता है कि ना प्रॉक्सीज और ये चीजें क्यों इस्तेमाल होती हैं। तो वहां पे अगर इनके कंपेटिटर्स की बात करें ना, अगर इनके कंपेटिटर्स पे मैं जाऊँ, इनके कंपेटिटर्स सपोज करें बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को ना फॉर एग्जाम्पल गो लॉगिन पे लेके आता हूँ। ये देखें ये इनके कंपेटिटर्स हैं, गो लॉगिन ये भी प्रॉक्सी प्रोवाइडर है, ठीक है। ये देखें
ये भी अकाउंट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, मतलब प्रॉक्सीज प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू आप लोग ना मल्टीपल चीजें वगैरह एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल रीजन से। तो ये आपको स्क्रीन नजर आ रही है वैसे, ये गो लॉगिन का पता चल गया, ये मैंने आप खोली हुई है, कल चैट बॉक्स में जी बता जी 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 दीजिएगा। जी पता चल रहा है, पता चल रहा है। अच्छा थैंक यू। अच्छा नोड मैमन में अब ये सीन था कि नोड मैमन, अब नोड मैमन की टारगेट ऑडियंस देखो, यूएस, यूके, टर्किश, इनको लगा था, लगता था कि यार पोटेंशियल इधर है, इनकी पोटेंशियल ऑडियंस इधर, लेकिन ये गलत जा रहे हैं। क्यों गलत जा रहे हैं? क्योंकि नोड मैमन की जो असल की टारगेट ऑडियंस है वो एशियन रीजन है। क्यों एशियन रीजन है? क्योंकि यार एक कंसेप्ट उठा, अब ये एंगल है, अब एंगल भी है, इनसाइटफुलनेस भी, और यहाँ पे सारा टॉपिक क्लस्टर आप लोगों को क्लियर होना है कि एसईओ स्ट्रेटजीज का बेसिकली पर्पज क्या है। अब जो नोड मैमन है उसकी टारगेट ऑडियंस है यूके, यूएसए, टर्किश की, वो यहाँ पे सेल कर रहे हैं कि खाली हम लोग इनको प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं अपना, लेकिन इनको ये नहीं पता कि एक्चुअल में इनकी जो ऑडियंस, सॉरी प्रोडक्ट है, जो ये बिजनेस है इनका, उसकी जो डिमांड है वो इसमें नहीं है, वो एशियन रीजन में अंदर है। क्यों एशियन रीजन के अंदर है? अभी वो मैं आपको बताता हूँ। अभी ये गो लॉगिन है ना, अब गो लॉगिन को अगर हम लोग देखेंगे ना, उनकी तो थी ना यूके, टर्किश और यूएसए की ऑडियंस। अभी अगर गो लॉगिन को देखेंगे ना, तो इनकी मोस्टली होगी एशियन रीजन की ऑडियंस, लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इनकी ये क्यों है, वो वजह क्यों है, अभी ये लोड हो रहा है, उनकी ये वजह क्यों है, क्योंकि यार पाकिस्तान में इनको ये, इन्होंने ये लिख तो दिया अल्लाह के बंदों ने कि यार हमारा जो ना जो नोड मैमन वो इस्तेमाल होता है ई कॉमर्स अकाउंट्स में, उसके अलावा उन्होंने बताया कि यार शॉपिंग साइट्स में, डाटा स्क्रैपिंग में, एसईओ मॉनिटरिंग में, यहाँ पे प्रॉक्सीज इसलिए हमारी इस्तेमाल होती है। लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि हमारी बेसिकली जो हमारा ये प्रोडक्ट है ये टारगेट किस ट्रैफिक को कर रहा है, ठीक है, इनका टारगेट रीजन इनका मसला था। क्योंकि यार देखो अमेजोन है, ईबे है, टिकटॉक शॉप है, या वो जो इंडस्ट्री है ना वो काम पाकिस्तान में या एशियन रीजन में नहीं करती, तो लोग क्या करते हैं, प्रॉक्सीज तभी लेते हैं ताकि वो अकाउंट्स यहाँ पे बैठ के चला सके। तो मतलब कि इनकी टारगेट ऑडियंस गलत थी। अब ये देखो यहाँ पे देखो, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नीचे सारी आएगी इनकी ऑडियंस। अब ये इन ऑडियंस को सेल कर रहे हैं, क्योंकि क्योंकि इन्हें पता है हमारी टारगेट ऑडियंस, हमारी जो प्रोडक्ट है उसकी इंसाइटफुलनेस कहाँ पे रिलाई कर रही है, हमें किनको सेल करना है, ठीक है। ये बहुत चीज मैटर करती है आपकी ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में, और आप जहाँ पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हो। अब ये जो लोग थे ना नोड मैवन वाले, इनके पास बजट है, सब कुछ है, लेकिन इन्हें ये, इन्हें लगता है खाली हमारी जो यूएस है, यूके है, ये लोग हमसे परचेज करेंगे, लेकिन इनकी जो उससे भी ज्यादा परचेजिंग होगी वो होगी इनसे, एशियन रीजन से। क्योंकि एशियन रीजन के अंदर जब हम लोग पाकिस्तान में बैठकर हम लोग अमेजोन नहीं चला सकते, पाकिस्तान में बैठकर हम ईबे को यूटिलाइज नहीं कर सकते, पाकिस्तान में बैठकर हम लोग टिकटॉक शॉप को नहीं चला सकते, या बहुत ऐसी वॉलमार्ट है, एटसी है, या दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको बैठ के डायरेक्टली हम लोग नहीं चला सकते, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रॉक्सीज लगाते हैं। तो एट दैट काइंड ऑफ नोड मैमन यहाँ से लैग कर रहा था, ठीक है। तो ये एक सम काइंड ऑफ एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए कि किस तरह आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है अपने जो कंपेटर, उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग को करके, ठीक है। खाली ये नहीं कि खाली सर के ऊपर बैठ के आप लोगों ने ना, आप लोगों को एक्चुअल में उसकी प्रोडक्ट की कोर का पता होना चाहिए कि यार एक्चुअल में हम लोग किसके ऊपर कोई कंटेंट लिख रहे हैं, किसी की वेबसाइट ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, ऑन पेज कर रहे हैं। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम लोग जिसके ऊपर लिख रहे हैं ना, उसको हर एंगल से फाइंड करना है, ट्रैफिक वे से भी फाइंड करना है, कंपेटर वे से फाइंड करना है, प्रोडक्ट के रिव्यूज के फेज से भी फाइंड करना है। ये भी आपको मैं बड़ी चीज की बात बता रहा हूँ। देखें मोस्टली है ना, अगर ये प्रॉक्सीज वगैरह सेल कर रहे हैं, तो आप लोगों ने जब भी कोई कंटेंट लिख रहे हैं उसके इनसाइटफुलनेस का एक और उसके कार्य, अगर आप ई कॉमर्स इंडस्ट्री के हैं या किसी प्रोडक्ट के ऊपर लिख रहे हैं किसी के ऊपर, आप लोग कंपेटिटर्स के रिव्यूज के ऊपर जा सकते हो कि यार वहां पे ऑडियंस, उसको नेगेटिव रिव्यूज पड़े तो उसमें क्या चीज लैक कर रही है जो हमारा कंपेटिटर नहीं दे रहा, हम दे रहे हैं। तो वो चीज आप लोग एंगल वो फाइंड करके अपने जो अपना ब्लॉग है उसको में एक एज एड करके अपने ब्लॉग को रैंकिंग फैक्टर में कंसिडर कर सकते हो और मोर कन्वर्जनेबल बना सकते हो, ठीक है। तो ये बातें बहुत सारी लंबी हो जानी ऑडिट करने बैठ जाए, तो खाली आप लोगों को उम्मीद है कि ये चीजों की पता चल गया होगा कि जो शफीक बातें कर रहा था आप लोगों के, एक्चुअल में वो जो गैप है, जो एनालिसिस है, वो चीज है, उसको किस तरह फाइंड करना है और किस तरह लेके चलना है। तो आपको बिल्कुल, और आप जिस तरह कहते हैं ना कि एक यूजर बन के सोचना है कि यार एक्चुअल में आप लोग देख रहे हो, प्रॉक्सी देख रहे हो, तो मुझे प्रॉक्सी क्यों चाहिए, वजह क्या है यार, ठीक है। तो ये चीजें, होप सो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो गाइज जी शफीक भाई, अब हम लोग आगे फर्दर मूव ऑन करते हैं, क्योंकि यार पहले 1.5 घंटा हो चुके हैं, ठीक है। हाँ यार, ठीक हो गया। तो थैंक यू गाइज फॉर। अब हम लोग नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। शफीक भाई ने माशाल्लाह काफी कुछ क्लियर किया आप लोगों को, लाइव वो प्रैक्टिकल करके दिखाया। तो आप लोग, हम लोग फाइनल पार्ट हमारा जो Q&A है उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं। तो जिन जिन लोगों का क्वेश्चन है, काइंडली अपना हैंड रेस कर सकते हैं, चैट बॉक्स में बता सकते हैं,
तो श्विक भाई विल ट्राई बेस्ट के वो अपने जो आप लोगों का अपने एक्सपेरिमेंटल थिंग से। अब यार देखो एक चीज, मैं जब भी किसी चीज को बंदे को या कहीं पे कुछ चीज मेंशन करता हूँ ना, तो मैं ये वर्ड अपना यूज करता हूँ एक्सपेरिमेंटल थिंग, क्योंकि एसईओ या जो जो भी चीजें हैं ना, वो एस एच ये नहीं है कि यार अहमद के लिए काम की और आपके लिए वही भी काम करेगी, नहीं, हर चीज एक्सपेरिमेंटल बेस है। मैंने मेरे फैक्टर्स और थे, मेरे सिनेरियोज और थे, मेरी केस स्टडीज और थी, मेरे लिए वो काम की, लेकिन आप एस एच उससे इंसाइट्स ले सकते हैं कि यार वाकई मैं चीज करूंगा, शायद मैं कुछ चीज लैक कर रहा हूँ तो शायद मैं उससे इंसाइट्स लेकर उसे बेहतर कर सकूँ। लेकिन आप कहें कि यार 100% वही करूँ तो ऐसे ही होगा, अहमद को 2,000 ट्रैफिक मिली तो मुझे भी 2,000 मिलेगी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, माइट भी आपको ज्यादा मिल जाए तो कम मिल ठीक जाए, हो तो गया अहमद भाई। ये चीजें हैं कि आपने उसको ना एंगल फाइंड करके या समथिंग लाइक दैट एक्सपेरिमेंटल बेस उस चीज को समझना है कि यार वो उसके लिए काम कर रही तो मेरे लिए भी मैं इंप्लीमेंट करूंगा, लेकिन माइट भी वो काम ना करे, तो ये चीज है हमेशा ही याद हाँ रखिएगा। बिल्कुल, इट इज ठीक, ऑलवेज देर इज अ वेरी फेमस काइंड ऑफ फ्रेज, हम राइटिंग में भी यूज करते रहते हैं और एसईओ में भी होती रहती है, इट डिपेंड्स। ठीक हो गया, जी तो हाँ बिल्कुल, हाँ तो सबके लिए सब्जेक्टिव होती हैं ये सारी चीजें, बट यू नो बेसिक कोर प्रिंसिपल सेम ही होते हैं। यू नो यू हैव टू फाइंड दैट सर्च इंटेंट, यू हैव टू डू द सर्प एनालिसिस एंड एवरीथिंग। अगर अहमद अगर आपको हो तो मैं लास्ट वाले जो क्वालिटी और ओरिजिनलिटी आपको थोड़ा सा कर देता हूँ, जो दो तीन क्वेश्चन पूछे गए वो भी इसमें कवर हो जाएंगे। जी तो जी क्वालिटी चलिए और आप ना श्विक भाई 5 मिनट के अंदर ना इसको वाइंड अप मारे, क्योंकि यार अभी ठीक हमने है, सर भी खाना है, ये याद रखिएगा। कोई बात नहीं है, हम इधर सर खवाने ही आए बैठे श्विक हैं, भाई कोई बात। आप तो यहाँ पे बैठे हैं, मुझे 4,300 मैसेज आ गया व्हाट्सएप ग्रुप पर। हाँ अच्छा वाह, सेम, मुझे मैं इतना कोई सेलिब्रिटी नहीं हूं ना भाई, अहमद भी आपकी नहीं तरह। नहीं यार देखो ये अच्छा 32 32 आए हुए हैं यार, अभी तो 100 नहीं हो अच्छा सकते खैर। लेकिन यार वो मसला है क्योंकि ना मैं श्विक भाई आपको पता है यार, मैं मल्टीपल लोगों के लिए एज ए पार्ट हाँ टाइम हाँ एस एस हाँ स्पेशलिस्ट काम करता हूँ। लेकिन 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 वो मैं तुझे यहाँ पे सबके सामने 32 बंदों के सामने कह रहा हूँ कि भाई वो टॉपिक भेजने हैं संडे वाले दिन के लिए, ठीक है। तो एनीवे, क्वालिटी क्वालिटी सैको का तीसरा आई थिंक, हाँ नहीं चौथा चौथा एलिमेंट जो है वो क्वालिटी है, और पांचवा क्वालिटी में हम ये सारी चीजें जो हमने डिस्कस की हैं, दे एवरीथिंग मेक्स अ कंटेंट क्वालिटेटिव। बट यहाँ पे एक और चीज जो अभी अहमद ने भी थोड़ी सी देर पहले करके दिखाई, वो है कंटेंट गैप फाइंड करना। ठीक है, अब कंटेंट गैप को फाइंड करोगे तो आपके आपका कंटेंट, यू नो आपने लाजमी सी बात है यार, ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि जो चीजें पहले से लिखी हुई हैं आपने उनको जस्ट अगर रीराइट करना है तो फिर लिखने का फायदा क्या हुआ। आपके हर ब्लॉग में एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो पहले जिसको किसी ने डाला, यू नो, तो वो वाला कंटेंट गैप। अब मैं गैप फाइंड करने का आपको तीन तरीके बता देता हूँ। एक होता है आपके पास इंफॉर्मेशनल गैप, किसी ब्लॉग में आपको पूरी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिली होगी, किसी ने कोई चीज मिस कर दी होगी, तो एक इंफॉर्मेशनल गैप होता है। एक होता है स्ट्रक्चरल गैप, ठीक है, कि अगर किसी ने मतलब कोई एक ऐसा टॉपिक था जिसको मतलब जिसमें किसी जगह पे आप लिस्ट लगा सकते थे, बुलेट पॉइंट लगा सकते थे, बट उन्होंने नहीं लगाया, तो वो स्ट्रक्चरल गैप है, आप उस स्ट्रक्चर को ठीक कर सकते हैं। और तीसरा तीसरा जो है ना वो लॉजिक होता है, ठीक है, मतलब एक इंफॉर्मेशन आपने आप 10 वेज टू बूस्ट प्रोडक्टिविटी आप लिख रहे थे, आप उसने एक चीज की और वो दूसरी चीज पे जो ना ऐसे ही खाम खा में जंप करके चला गया, जो दोनों चीजें वो आपस में सेंस नहीं बना रही। जिस अभी यहीं पे एक और चीज डिस्कस करने वाली है, बट अगेन उसकी तरफ हम नहीं जा रहे, वो है कंटेंट कोहेरेंसी। ठीक है, आपका कंटेंट कोहेरेंट होना चाहिए शुरू से लेके आखिर तक, आपके कंटेंट में एक एक लॉजिकल कोहेरेंसी होनी चाहिए। ठीक हो गया, तो बहरहाल उसको भी हम वो डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईट, बट वी आर नॉट गोइंग इन टू दैट, वो इनशाला उसके लिए फिर कभी कोई सेशन रखेंगे या जो भी सीन हुआ। तो एक आखिरी चीज है ओरिजिनैलिटी। अब कंटेंट में व्हाट इज समथिंग, एक चीज ओरिजिनल कैसे बनती है, आपको पता है कि इस टाइम हम कंटेंट शॉक से गुजर रहे हैं। ठीक हो गया, हर इतना कंटेंट है जितना हम कंज्यूम नहीं कर सकते, मतलब हमारी कंजप्शन से ज्यादा कंटेंट ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। तो अब लेको हर बंदे का अपना एक हर टॉपिक के साथ अपना एक्सपोजर होता है। ठीक हो गया, मतलब मैं किसी टॉपिक को लिख रहा हूँ तो मेरे पास अपना भी कॉमन सेंस है। ठीक हो गया, मेरे पास उस चीज को सोचने का अपना एक अंदाज है, तरीका है, दैट इज व्हाट समथिंग मेक्स, दैट इज समथिंग दैट मेक्स मी यूनिक। ठीक हो गया, उस चीज को लेके, एक स्पेसिफिक चीज को लेके। ठीक हो गया, तो अब ओरिजिनलिटी इट्स लाइक ये 100% समटाइम्स इंप्लीमेंट हो भी सकती है, समटाइम नहीं भी हो सकती। अगर आपका इस तरह का कोई टॉपिक है हाउ टू बी, तो लाजमी सी बात है उसमें आप अपना ओपिनियन, अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। ठीक है, अपनी कोई ऐसी ट्रिक बता सकते हो जो आपको प्रोडक्टिव होने में मदद देती है। इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स होंगे जिनमें आप अपना रियल लाइफ एक्सपोजर कर सकते हो। बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग के टॉपिक्स होते हैं, सास के टॉपिक्स होते हैं,
तो उनमें आप अपना रियल लाइफ एक्सपोजर शामिल कर सकते हो। तो ये चार चार चीजें हैं। बहुत सारी चीजों को हमने हाउ टू रिसर्च को कवर नहीं किया, हमने आउटलाइंस कैसे बनानी है उनको भी कवर नहीं किया, टाइटल कैसे कवर नहीं किया। तो इन सारी चीजों के लिए वैसे मैंने एक ई बुक लिख दी है, तो उसकी लॉन्च जो है वो कल परसों है आई थिंक। तो उसमें सारी चीजें डिटेल डिस्कस्ड हैं, तो अगर किसी को चाहिए हो तो मुझे मैसेज भी कर सकता है लिंक्डइन पे भी, मैं कल पोस्ट कर दूंगा उसकी। अगर यहाँ से मुझे लोग लिंक्डइन पे फॉलो करते हैं तो उनको पता चलेगा। लिमिटेड है, नॉट आई एम नॉट सेलिंग इट टू मैसेज, बहुत लिमिटेड लोगों के लिए है, 25-30 स्लॉट्स हैं, तो वहां पे उसमें सारी चीजें डिस्कस्ड है। एनीवे अहमद का अब्दुल्ला का क्वेश्चन, अहमद कैन आई आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम द चैट, लाइक लोगों के पूछने से पहले। हाँ आप म्यूटेड म्यूटेड हैं अहमद भाई, आप म्यूटेड हैं, आप म्यूटेड हैं। सॉरी, मैं कह रहा हूँ चैट से पहले प्रायोरिटी दी जाती है जो माइक को ओपन करता है, ठीक है। सो चैट वालों को बाद में, जब कोई माइक पे नहीं बैठेगा तो जब चैट वालों को लिया जाएगा, ठीक है स्वीक भाई। ओके तो ओके डन, हाँ, ठीक है ठीक हो गया, ठीक हो, इसीलिए मैंने पूछा। क्योंकि ये लिंक्डइन नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं ऑन हो रहा जो जिसने हाथ खड़ा किया हुआ हाँ है, हाँ इसलिए मैं हाँ ऑन हाँ हो रहा हूँ। कल यार बड़ी हो गई, कल बड़ी हो गई यार। चले गाइस, अच्छा यार, जी, हमने 2 दिनों में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर दी है, पता है आपको। आज जो मैंने पोस्ट किया उस पे हमारी लव स्टोरी चली हुई उधर जी। कि तो जी, उम्मे हुरिया, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपना काइंडली अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, श्रीक भाई के रिलेटेड है, मेरे रिलेटेड है। जी उम्मे हुरिया, आर यू देयर? पता नहीं मेरी बातों में कोई निशा तो नहीं था, लोग सो तो नहीं गए नहीं यार। नहीं कोई बैठे थम्स हो अप बैठे रिएक्ट हो, शेक कर दो यार, कोई रिएक्ट शेक मारो, पता चले कि सारे लोग अरे जा रहे सभी हैं। बैठे हुए यार शफीक भाई, इतना मजे का सेट, हम लोगों ने उनको रिवर्स इंजीनियर करके चीज बनाई नहीं है, मैं तो तभी इसलिए मानूंगा जब ये रिएक्ट करेंगे, तो भाई रिएक्ट करो, चार जा भाई गए, शाबाश यार, शाबाश। लंगर का वसी इंतजाम है, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा, टेंशन कोई नहीं। लंगर नहीं मिलेगा भाई, अपनी अपनी कॉफी पी लो, कल भी यही हुआ था। अच्छा गाइज, खैर अब उम्मे हुरिया तो यहाँ पे नहीं बैठी, तो हम लोग नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। जिसका क्वेश्चन है काइंडली अपना हैंड रेस कर सकता है, ठीक है, मेरे रिलेटेड या श्वेत भाई के रिलेटेड। हुरिया बैठी है यार, हुरिया हुरिया बैठी है, उन्होंने अभी इमोजी भेजी उधर। हुरिया खुद को अनम्यूट करो, उम्मे हुरिया हाँ, अभी अगर आप उन्होंने। अनम्यूट नहीं कर सकते, अगर आप फिजिबल नहीं है आप लोगों को, तो आप क्या कर सकते हो, आप चैट में अपना क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। अहमद भाई क्यूट हैं, आपको नजर तो आ रहे हैं। मोहम्मद कौन है, मोहम्मद ये, अहमद भाई कैसे हो, अहमद भाई क्यूट हैं। अहमद भाई कैसे हैं? हसन भाई, हसन भाई तो यार, हसन भाई कच्चे का डाकू भी आ जाए हुए हैं मीटिंग के अंदर, क्यों हसन फिर क्यूट, फिर मैं नहीं कहता कि क्यूट है भाई, कोई भाई? क्यूट क्यूट नहीं है ये। हसन भाई यार, नहीं छवि को आपको टारगेट नहीं कर, हसन भाई तो हमारे पुराने जिगरी यार है यार, अच्छा ठीक है, वो मेरे हर सेशन में आते हैं माशाल्लाह। तो अच्छा, हाँ मैं शिविक भाई, आप उसका उनका क्वेश्चन में हो रहा, मैं साइट्स पर वर्क करना चाहती हूँ। जी आगे करें पूरा ना क्वेश्चन लिखे ना, आप, करें ना, आपने किसी ने आपको रोका है तो मुझे उसका नाम बताएं। मुझे कुछ गाइड कर दें रिगार्डिंग व्हाट हाँ ठीक है। आप। अच्छा देखो यार, यहाँ पे ना जो सास सास में आप B2C भी होते हैं, सास में B2B भी होती है। दो ये सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि आप B2C के लिए काम करना चाहते हैं, B2B के लिए, ठीक है। बहुत अगर हम इसको बहुत ब्रॉडली और मेजरली इनको हम डाइसेक्ट करें तो हाँ ठीक है, आप B2B के लिए करना चाहती है। तो आप B2B की थोड़ी सी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, मैं आपको एक छोटी सी एक ही ऐसे 2-3-4 लाइनों में फर्क समझा देता हूँ, ठीक हो गया। वो ये है, अब मेरा यहाँ पे मुझे अपना शेयर याद आ रहा है बट उसको रहने देते हैं। लेकिन ये B2B और B2C में बेसिक फर्क जो होता है ना, वो ये होता है कि आपका जो पढ़ने वाला B2C में जो रीडर होता है ना, वो होता है एक आम बंदा, आपकी तरह मेरी तरह, उनके अपने मसले होते हैं, लाइक नॉर्मल लाइफ के प्रॉब्लम होते हैं उनके। तो अगर सास में कोई इस तरह का B2C ऑडियंस है तो उनका क्या होगा कि उनको एक सॉफ्टवेयर कैसे यूज करना है, ठीक है, उनको कैसे फायदा दे सकता है नॉर्मल लाइफ में, ठीक हो गया। तो ये उनकी उनकी फिर आपको कॉन्टेंट टोन उस हिसाब से रखनी पड़ती है, ठीक हो गया। मतलब आप फॉर्मल इनफॉर्मल रख सकते हैं, इंगेजिंग रख सकते हैं, फ्रेंडली रख सकते हैं, ये वाली कंटेंट टोन होती है, ठीक है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, वो जो थोड़ी देर पहले हमने रीडर की साइकोलॉजी की बात की सर, तो आपको साइकोलॉजी का पता चलना चाहिए कि भाई B2C वालों की साइकोलॉजी ये होती है कि वो ज्यादातर स्टैट्स पे नहीं जाते, उनको बिजनेस वाली बातें समझ नहीं आती, उनको सीधी सीधी बातें समझ आती हैं, सिंपल सिंपल, ठीक है। तो आपने कम्प्लेक्स नहीं होना B2C में। लेकिन B2B का क्या है कि आगे जो बंदा बैठा है ना, वो अहमद की तरह कोई कारोबारी बंदा है, ठीक है। उसके उसके दफ्तर में ढेर सारे जो है ना लैपटॉप्स पड़े हैं, उसकी ऐसे लश पश वाली लाइफ है, तो वो बंदा जो है ना छोटी मोटी बातें नहीं सुनेगा आपकी, ठीक है। उसको चाहिए फायदा पहुंचना है मुझे, ठीक है। वो बिजनेस माइंडेड बंदा है B2B में,
ठीक है, तो या तो वो कोई सप्लायर हो सकता है, मैन्युफैक्चरर हो सकता है, इस तरह का कोई भी बंदा हो सकता है, ठीक है, या कोई बिजनेस बाय करने वाला बंदा हो सकता है, मतलब सॉस वाला एक बंदा दूसरा सॉस को बिजनेस बाय करना चाहता है, तो इस तरह की चीजें होती है वहां पे। तो वहां पे आपको एक टोन है जिसको मैंने खुद से ब्लेंड किया हुआ है, वो है प्रोफेशनली इंगेजिंग। आप थोड़ा सा इंगेजिंग रह सकते हो, बट यू नो यू नीड टू बी प्रोफेशनल, ठीक है, और प्रोफेशनली रहते हुए आपकी जो कॉन्टेंट टोन होनी चाहिए उसमें स्टैट्स हों, जो ना कन्विंस करने वाली इस तरह की बातें हों जिनसे प्रॉफिट एंड लॉस, जिस तरह जो एक कंसेप्ट है कि मतलब उनको प्रॉफिट क्या होगा, लॉस क्या होगा, वगैरह वगैरह। तो ये एक बेसिक डिफरेंट है B2C और B2B की ऑडियंस में। अब वो चाहे सास की निश है, चाहे वो उधर कोई भी है, तो उसमें सीन ये होता है कि टारगेट ऑडियंस आप एक तो समझें। आप अगर आपने सास में B2B करना है तो आप लाजमी सी बात है आपको नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आप B2B यानी कि सास B2B वाले क्लाइंट्स ढूंढें, देखें कि वो सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं, वट एवर यू नो, सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरर तो नहीं होता, या सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपर हो सकते अच्छा हैं, तो ये वाली सारी चीजें हैं, ठीक हो गया। अच्छा अभी यार मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा था अब्दुल्ला भाई का, मैं उसको आंसर करना चाहूंगा, अहमद भाई जी चैट में जी ही है। जी जी श्योर श्योर आप करें, शुरू से स्टार्ट हो जाएगा शफीक भाई, जिन्होंने किया है, आप उनका क्वेश्चन आंसर करें। अच्छा ठीक है, ओके, मैं ऊपर चला जाता हूँ, ऊपर चला जाता हूँ मैं। उन्होंने हाँ पहले भी यही क्वेश्चन पूछा है, उससे पहले हाउ टू इम्प्रूव ईट स्कोर। अच्छा यार, ईट इज नॉट, इट्स नॉट समथिंग जिसको हम स्कोर में मैयर कर सकें, इट्स नॉट समथिंग टेंजिबल, तो इसका कोई स्कोर स्कोर नहीं होता, लेकिन आप ईट, ईट इज नॉट समथिंग के जो मतलब पता हो कि भाई ये 80% इसमें ईट है या 90% ईट है, इस तरह हम कुछ नहीं कह सकते, बट यू नो यू कैन इम्प्रूव ईट, और उसमें हर फैक्टर को ही आप अपने तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, मतलब ईट में पहला जो है ना एक्सपीरियंस का है, एक्सपर्टीज का है, दूसरा ई है, और अथॉरिटेटिवनेस का ए है, या टी का ट्रस्टवर्दीनेस का है, तो आप एक एक फैक्टर पे फोकस करके उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं, मतलब कहीं पे आप अपना एक्सपीरियंस ज्यादा शेयर कर सकते हैं, कहीं पे आप अपनी एक्सपर्टीज ज्यादा शेयर कर सकते हैं, कहीं पे आप कॉन्टेंट को अथॉरिटेटिव ज्यादा बना सकते हैं, मतलब अथॉरिटेटिव इज लाइक, ये ऐसी चीज है जहाँ पे आप वेबसाइट की बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, उसकी डोमेन की क्या मतलब क्रेडिबिलिटी है, उसकी उसके बैक है, उस पर पहले कॉन्टेंट कितना पड़ा है, उस पर पहले ट्रैफिक कितनी आ रही है, ये सारी चीजें अथॉरिटी में फैक्टराइज करती हैं, ठीक हो गया। ट्रस्टवर्दीनेस में मतलब बंदा जो है ना, अब मैं हूँ और मैं ब्लॉग राइटिंग की बात कर रहा हूँ, तो मैं क्यों कर रहा हूँ भाई, मैं लिखता रहता हूँ ब्लॉग, ठीक है, मैंने पैसे कमाए हुए हैं इससे, ठीक है, मेरे क्लाइंट्स हैं, तो मेरी ये अथॉरिटी है, आप लोग मुझ पे इस वजह से अगर यकीन करना चाहोगे तो इस वजह से करोगे कि मैं खुद एक ब्लॉग राइटर हूँ, ठीक हो गया। तो अब अगेन ट्रस्टवर्दीनेस, बंदा कितना क्रेडिबल है बात करने वाला, कौन, ये सारी चीजें ईट के, ईट को इम्प्रूव करने में हेल्प आउट करती हैं, ठीक है। कैन वी एड, ये सरवत का क्वेश्चन है, कैन वी एड डिफरेंट कॉन्टेंट एंगल ना, नहीं, ये वाली बात आपने बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखनी है कि जिस एंगल से आपने कॉन्टेंट को स्टार्ट करना है, अब कोशिश करें कि उसी एंगल पे खत्म करें, यू ना हो कि आपने इंट्रोडक्शन जो है ना वो स्टोरी से स्टार्ट किया है और फिर आप स्टैट्स की तरफ चले गए और फिर आप ओपिनियन देने लग गए, एक एंगल को बरकरार रखें, मतलब अगर आपने स्टोरी से स्टार्ट किया है तो कोशिश करें कि आपका सारा कॉन्टेंट स्टोरी फॉर्मेट में हो, ठीक है, स्टैट्स से स्टार्ट किया है तो सारा कॉन्टेंट स्टैट्स की फॉर्मेट में हो, अगर आपने प्रॉब्लम और सोल्यूशन को, प्रॉब्लम यानी पेन पॉइंट्स को हिट करना स्टार्ट किया है, तो कहीं ना कहीं पे आप सारे पेन पॉइंट्स ही हिट करते हैं पूरे ब्लॉग में, तो कंटेंट एंगल आपने कंसिस्टेंट रखना है, ठीक हो गया। डिफरेंट एक ही ब्लॉग पोस्ट में आप डिफरेंट कंटेंट एंगल यूज नहीं कर सकते, एक ही इंडस्ट्री के डिफरेंट ब्लॉग्स में आप डिफरेंट कंटेंट एंगल बेशक यूज कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद जो है ना, मैं जल्दी जल्दी जवाब दे रहा हूँ यार, ये बहुत लंबे क्वेश्चन है, बट यू नो थोड़ा दे रहा हूँ। जी जी अच्छा ना अब करें। अब्दुल्ला का क्वेश्चन है कि शफीक भाई, मेरा क्वेश्चन है, चैट जीपीटी से कंटेंट जनरेट किया है, नाउ एआई कैसे रिमूव करें, डिटेल में गाइड कीजिएगा। अच्छा ठीक है भाई, मैं कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो हमें एक बात समझने की जरूरत है, और वो ये है कि जो अब ये जो लोग मतलब जो राइटर्स कहते हैं ना कि भाई एआई टूल्स जो है ना, वो एआई डिटेक्शन वाली टूल, वो फेक है भाई, फेक फेक या ऑथेंटिक बंदे होते हैं, टूल्स नहीं हो सकती, ठीक है, फेकनेस इज अ ह्यूमन फिनोमना, ठीक हो गया, इस बात को समझे आप, तो कोई भी टूल फेक नहीं होती, उनको टूल्स को बेसिकली ट्रेन किया गया होता है कुछ एआई पैटर्न्स पे, ठीक हो गया, और मोस्टली किन पैटर्न्स पे ट्रेन किया गया होता है, जो आपके ऑलरेडी कंटेंट अपलोड हुआ पड़ा है इंटरनेट पे, और मोस्टली अकॉर्डिंग टू माय ओन स्टडी के ज्यादातर एकेडमिक स्टफ, केस स्टडीज, रिपोर्ट्स, इन सारी चीजों पे एआई, जितनी भी एआई की टूल्स हैं उनको उन उन पैटर्न्स पे ट्रेन किया गया है। तो मतलब क्या हुआ, छोटी सी बात समझने की है, वो ये है कि जो भी एआई टूल आपका कंटेंट एआई डिटेक्ट कर रहा है ना कंटेंट में, तो बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर या तो सेम आ रहा है उनकी तरह, या उसमें ऐसी वोकैबुलरी है जो एआई टूल्स में
जो AI टूल्स यूज करती हैं, ठीक हो गया। मिसाल के तौर पे वोकैबुलरी में डिस्कवर का वर्ड, ज्यादातर एलिवेट का वर्ड, लैंडस्केप का वर्ड, इस तरह की जो, और समटाइम्स नॉट जस्ट वन वर्ड, पूरी फ्रेज भी AI करती है, ठीक है। पिक्चर दिस, ठीक हो गया, इस तरह के इमेजिन, इस तरह का कुछ, इमेजिन दिस और इस तरह की फ्रेजेस जो है। तो आपने सबसे पहले तो उस स्ट्रक्चर को ब्रेक करने की कोशिश करनी है। और अगेन एक दिन क्या हुआ कि मेरा एक दोस्त मुझसे पूछ रहा था कि यार मैंने असाइनमेंट AI से लिखी है, अब मुझे कोई टूल बता कि मैं उसको ह्यूमनाइज कर सकूं, ठीक हो गया। मुझे आई हंसी कि भाई अब AI तो ह्यूमनाइज, मतलब ह्यूमनाइज करना इज अगेन ह्यूमन फिनोमना, ठीक है, एक ह्यूमन ही उसको ह्यूमनाइज कर सकता है ना। पेरेंट AI से जनरेट कर लिया, अब उसमें आप अपनी टोन इन्फ्यूज करें, ठीक हो गया। और आप देखेंगे कि जो AI का जनरेटेड कंटेंट होता है उसका ना, आप हमेशा ये वाली चीज, आप अगर आप रेगुलरली करते रहते हैं कंटेंट AI से जनरेट, तो आपको पता होगा कि उसके ना एक स्पेसिफिक किस्म के पैटर्न्स होते हैं, मतलब वो उन पैटर्न्स को रिपीट करता है। तो आपने अपने कंटेंट में वो वाले पैटर्न्स रिपीट नहीं होने देने, ठीक है। अब वो पूरे पैराग्राफ की पैटर्न्स हो सकते हैं, सेंटेंस लेवल पे भी पैटर्न हो सकते हैं, तो आपने वो पैटर्न ब्रेक करने हैं, ठीक है। आप पैटर्न ब्रेक करेंगे, AI चली जाएगी। आप वोकैबुलरी थोड़ी सी चेंज करेंगे, AI चली जाएगी। आप उसमें अपनी टोन इन्फ्यूज करेंगे, मतलब आपकी टोन अगर फनी है, आप सरकैज़म में ज्यादा बात करते हो, आप विटी ज्यादा हो, तो वो वाली टोन उसमें ऐड करेंगे। एनालॉजीज, मेटाफर काइंड ऑफ यूज करोगे। एनालॉजीज ChatGPT भी यूज करता है, लेकिन उसकी एनालॉजीज और आपकी जो एनालॉजी, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो इस तरह करेंगे तो इंशाल्लाह कंटेंट जो है ना, वो उसमें AI somehow रिमूव हो जाएगी। अगेन मैंने इसको डिटेल में डिस्कस नहीं किया, इस पे पूरा मेरा फ्रेमवर्क है जो कि हमने, अगेन मैंने अपनी बुक में लिखा है। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा यार, जस्ट बता रहा हूँ। अच्छा, तो यहाँ डू द पे ना श्री भाई, ऐसी सॉरी, यहाँ पे गुरप्रीत का जो क्वेश्चन है इसको मैं कवर करता हूँ, क्योंकि आपके ठीक। लाइक क्योंकि आपका कीवर्ड सर्च में इतना सच नहीं ग्रिप नहीं है। सो डू द एसईओ कंटेंट राइटर नीड टू नो हाउ टू कीवर्ड सर्च इफ फ्रॉम वेयर आई कैन लर्न इट। देखें गुरप्रीत, कीवर्ड रिसर्च बहुत मैटर करती है इन टर्म्स ऑफ दैट, कि अगर आप इंडस्ट्री किस तरह की टारगेट कर रहे हो और आपका सर्प किस तरह का आप लोगों को शो कर रहा है चीज़ों को, ठीक है। मतलब कि देखिए, अगर आपकी वेबसाइट ऑलरेडी जिस तरह मैंने आपको दिखाया कि यार नोड मेवन है एक साइड पे, एक साइड पे गो लॉगिन है, दोनों टॉप टीयर इंडस्ट्रीज हैं, दोनों की ट्रस्ट फैक्टर और जो ब्रांड विजिबिलिटी है वो दोनों की सर्च इंजन पे बैठी हुई है ऑलरेडी, ठीक है। इन अ दैट काइंड ऑफ थिंग आप लोगों को क्या चाहिए? आप लोगों को कीवर्ड गैप चाहिए, ठीक है, इंटेंट चाहिए, ठीक है, ये चीज चाहिए। कीवर्ड रिसर्च उस वक्त आप लोगों को चाहिए जब आप लोग बिल्कुल एक चीज को स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो, या एक चीज को बिल्कुल ही एक डिफरेंट एंगल से फॉर्म करना चाह रहे हो। मतलब कि सपोज करो, अगर एक चीज, एक टॉपिक है, मतलब के लाइक एक टॉपिक है जिसपे हम लोग ना कोई भी ऑलरेडी एक बिजनेस रन कर रहा है, ऑलरेडी एक बिजनेस के ऊपर ना कन्वर्जन आ रही है, या ऑलरेडी एक बिजनेस के ऊपर ना ट्रैफिक आ रही, तो उसको वो इम्प्रूव करना चाह रहा है, ठीक है। इन अ दैट काइंड ऑफ सेंस हम लोग कीवर्ड रिसर्च करेंगे अपने कंपेटिटर वे से, कि यार अगर वो टॉप टॉप परफॉर्मिंग पोस्ट है या टॉप परफॉर्मिंग पेजेस हैं, हम लोग उनको किस तरह लेके जा सकते हैं, कौन से कीवर्ड्स को किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। कि यार अगर वो एक, फिर दूसरी चीज आती है आप लोगों की रीजनल वाइज, कि यार आप लोगों का बिजनेस है, अगर मैं देखता हूँ, मुझे देखना पड़ना कि यार मैं जो VPNs हैं वो पाकिस्तान के कौन सी सिटी से किन की सर्चेज जाता है, ठीक है, तो ये भी मैं देख सकता हूँ। फिर आप क्या कर सकते हो, अपने जो कंटेंट है या अपनी कीवर्ड रिसर्च है उसको ब्रॉड कर लो। उसको ब्रॉड करके आप लोग क्या कर सकते हो, उसके जो पिलर पेजेस हैं या पिलर कंटेंट है उस पे आप लोग लिख सकते हो कि यार सपोज करो प्रॉक्सी सर्वर्स, बेस्ट प्रॉक्सी सर्वर इन फैसलाबाद या समथिंग लाइक दैट, उन पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो ये डिपेंड करता है आपके क्लाइंट के बिजनेस से। क्या पता यार आपका वो जो लोग हैं वो वाइड टारगेट कर रहे हो, तो आप लोग नैरो डाउन करके कीवर्ड रिसर्च को उस तरह कर सकते हो। तो कीवर्ड रिसर्च मैटर करती है, डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। सेकेंडली, आप कह रही हैं कि आपको कहाँ से लर्न करना है, तो आप ना ये आप लिख ले, मोहम्मद कामरान, ठीक है, ये भाई हैं जिनसे इनका यूट्यूब चैनल है। ऑल्दो इतना फेम नहीं है इनके यूट्यूब चैनल के ऊपर, लेकिन इन्होंने जो कंटेंट डाला वो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है। तो इनकी 3-4 लेक्चर्स होंगे रिवर्स इंजीनियरिंग के ऊपर, ई कॉमर्स कीवर्ड सर्च के ऊपर, वो आप लोग देखोगे तो आप लोगों को कीवर्ड सर्च करनी आ जाएगी। उसमें रिवर्स इंजीनियरिंग भी है, कंपैटिटर एनालिसिस भी है, कीवर्ड गैप भी है, कलेक्शन पेजेस ऑप्टिमाइजेशन भी है, इंटरनल लिंकिंग भी है, हर चीज को टारगेट किया जाएगा। तो आप वो चीज देखोगे तो आपको काफी कुछ मिल जाएगा। तो ये आप, होप सो आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। आई थिंक श्विक भाई भी मेरे ख्याल से पिन उन्होंने करना था। अच्छा जी, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। चैट जीपीटी से कंटेंट ये हो गया जी श्विक हो भाई। गया। हाँ ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन देख रहा हूँ। अच्छा, कंटेंट जनरेट, हाउ टू मेक कंटेंट मोर इंसाइटफुल। ये अभी हमने बताया कि उसमें आप अपने रियल लाइफ को ऐड कर सकते हैं, अपना ओपिनियन ऐड कर सकते हैं,
उसके अलावा अच्छा यहाँ पे एक मेरा एक अपना एक काइंड ऑफ फिनोमिना है जिसको मैं कहता हूँ प्राइमरी रिसर्च एंड सेकेंडरी रिसर्च। जी तो कुछ टॉपिक्स होते हैं जिन पे आपको सेकेंडरी रिसर्च, ये सारी जो हम सर्प एनालिसिस करते हैं इधर उधर से सारी चीजें लेते हैं, हम सेकेंडरी रिसर्च कहते हैं। प्राइमरी रिसर्च ये होती है कि आप सर्वे कंडक्ट करें, ठीक है, आप SMA से बात करें, ठीक है, आप एक्सपर्ट से बात करें, आप डायरेक्ट अपने वो जो है क्या कहते हैं लेके आए, तो प्राइमरी रिसर्च के थ्रू भी आप अपने कॉन्टेंट को मजीद इंसाइटफुल बना सकते हैं। बट हर दफा जो है ना वो आपको SMEs के ऊपर एक्सेस नहीं होती, आप सर्वे कंडक्ट नहीं कर सकते। तो एनीवे आप लिंक्डइन पे लोगों को अप्रोच कर सकते हैं, वट एवर यू नो। तो इसमें आप अपने प्राइमरी अपनी तरफ से कुछ इंफॉर्मेशन लेके आए, आपको लगता है कि भाई जिस तरह भी अहमद भाई है, तो अगर आपको कोई ऐसा SEO पे कोई ब्लॉग लिख रहे हैं तो आप अहमद भाई से पूछ सकते हैं कि यार इस तरह की चीज में करना होता है हमें, ठीक है, तो वो आपको बता देंगे एंड यू कैन यूज दैट इनसाइट। तो ये चीजें हैं, डू द एसईओ कंटेंट राइटर नीड टू नो हाउ टू डू। नहीं, यही तो बात हम कह रहे हैं भाई, हमें मुझे नहीं आती खुद। अभी अहमद ने बताया कि मुझे कीवर्ड रिसर्च पे इतनी ग्रिप नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह ब्लॉग्स भी लिख रहा हूँ, क्लाइंट्स भी हैं मेरे अच्छे पे करने वाले हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला वर्ड अपने माइंड में बिठा लो, ठीक हो गया। बिल्कुल तो राइटिंग आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑन पेज SEO एलिमेंट्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कीवर्ड रिसर्च आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, रैंकिंग लेके आना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसके लिए मुझे अपने किसी भी कोर्ट में खींचना है, मुझे खींच के ले जाओ, मुझ पे FIRs करवा दो, लेकिन मैं क्या क्या कहते हैं वो मंसूर की तरह मैं नारा लगाऊंगा कि हमारा काम तो मैं ये नारा लगाने के लिए तैयार हूँ कि भाई SEO कंटेंट राइटर का काम रैंकिंग लेके आना नहीं है, ठीक हो गया। तो आप गुरप्रीत, पता नहीं आपको इस चीज के अभी तक आप इतने कम्युनिटी में हमारी व्हाट्सएप वाली, इस चीज को हम बार बार डिस्कस करते रहते हैं, आपको इस बात की पता नहीं क्यों नहीं समझ आ रही है, आई डोंट नो व्हाई। अच्छा उसके मैं बताता बाद हूँ शफीक भाई क्या मसला है। सीन ये क्या हाँ देखें, गुरप्रीत अंडरस्टैंड करें फैक्टर्स को, क्लाइंट की सिनेरियोस को, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च, अगर आप अपने प्रोडक्ट को जानते हो ना, तो 90% ऑलमोस्ट आपकी कीवर्ड रिसर्च डन है, ठीक है। जस्ट टू नो, बिल्कुल आपने अपने बिल्कुल इंसाइट को पुट करना है अपने राइटिंग के अंदर, पहली बात तो ये, ठीक है। सेकेंडली, आप लोगों के पास टू फेजेस क्लाइंट्स के होते हैं। एक क्लाइंट है जिसको पता है कि भाई मैंने क्या करना है, सारा कुछ करना है। दूसरा क्लाइंट, भाई मुझे ये चाहिए, मुझे 5 रुपए कमाने हैं, मुझे नहीं पता आप जिस तरह कमा के दे रहे। एट दैट काइंड ऑफ थिंग आप लोगों को कीवर्ड रिसर्च की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आप लोगों की, लेकिन फिर आपको क्लाइंट डिपेंडेंट बनना पड़ता है कि आप लोगों को वो जो प्रोजेक्ट है उसको हैंडल किस तरह करना है। लेकिन हाँ आपके लिए बिल्कुल ये एज है इस चीज को अंडरस्टैंड करना, इस चीजों को समझना, अंडरस्टैंड ठीक है। करना। तो ये चीज है। अब मुझे खुद जो है ना वो कीवर्ड रिसर्च करना नहीं आती, लेकिन मुझे पता है कि कीवर्ड रिसर्च में कौन कौन सी चीजें होती हैं, वो अहमद और मैं एक दूसरे के साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो या तो आप अपने साथ कोई SEO वाला बंदा साथ मिला लें, ठीक है, जिसकी एक्सपर्टीज हो SEO में, ठीक है, तो आपका क्लाइंट कोई भी है आपने उनको दोनों सर्विस प्रोवाइड कर देनी है, और ये अलग अलग सर्विसेज हैं। तो यहाँ पे सीन ये होता है कि SEO कंटेंट राइटर से ही क्लाइंट चाह रहा होता है कि बस SEO भी यही करके देगा आप, ठीक है, तो भाई उसे एक्स्ट्रा पे ले लो, ठीक है, एक ब्लॉग के जितने भी आप मतलब चार्ज करते हो कीवर्ड रिसर्च के, तो वो अलग से पे ले लो, फिर किसी SEO वाले बंदे को खुद से हायर कर लो, ठीक है। तो ये सीन होता है, लेकिन अंडरस्टैंड करना, अप स्किलिंग करना, ये कोई ऐसा मसला नहीं, आप कर सकते हो, ताकि आपको पता हो कि भाई चाहिए क्या क्या चीज, ठीक है, ताकि आप क्लाइंट को समझ सको। अच्छा उसके बाद अहमद भाई न्यू वेबसाइट के लिए क्या स्ट्रेटेजी रखते हैं अच्छा, कीवर्ड रिसर्च। ये मैं करता हूँ इसका आंसर। अच्छा, ऊपर ऊपर ना फरताश का क्वेश्चन है, व्हाट इज गूगल। अच्छा फरताश भाई, दरअसल ना ये गूगल के ना अभी जो प्रेफरेंसेस है इसके अंदर ना, जो LLMs हैं गूगल के, या उसके जो प्रिंट्स हैं, ठीक है। आप डॉक्यूमेंटेड, आपने वो फोले, कार्टर, डैनियल, और उसके अलावा और भी हैं, मार्क भी हैं, उनकी जो लिंक्डइन के ऊपर आपने अप्रोचेज या पोस्ट वगैरह देखी होंगी। तो ये गूगल के ना जो पैटर्न है इसके अंदर ये है कि गूगल ना एज सच उसकी ना अभी वो क्वालिटी कॉन्टेंट को इतना प्रेफरेंस नहीं दे रहा। वो क्या कर रहा है, फोर्ब्स, रेडिट या कोरा, इस तरह के जो वेबसाइट्स हैं उनमें से जो क्वेश्चन रेज किए हुए हैं आवाम ने, डमी, उनको उठा के दे रहा। आल तो लोग कितने, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे बिजनेस हैं, वो गिरे भी हैं। तो ये गूगल के ना सर्च एल्गोरिदम में ये क्वालिटी फैक्टर्स के SH मतलब हिसाब से ना अभी ये पॉइंट ऑफ लैकिंग आ रहा है। तो इस पे कॉन्ट्रोवर्सी है अभी, इस पे आप कह लें कि कंक्लूज मैं आपको निकाल के दे दूं कि ये क्यों कर रहा है, तो इस पे कोई नहीं। ये अभी भी बड़े बड़े क्रिएटर्स की तरफ से भी यही चीज चल रही है। आप उनकी पोस्ट अगर लिंक्डइन पे देखें ना, तो ये क्वालिटी फैक्टर में मसला आ रहा है कि ना रेडिट, फोर्ब्स और इस तरह की वेबसाइट ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स के ऊपर भी रैंक कर रही है। मतलब अगर कोई सर्च कर रहा है ना बेस्ट
क्या लो ब्लैक लेदर जैकेट या बेस्ट सपोज करो कोई शूज सर्च कर रहा है तो वहां पे भी या बेस्ट कोई कंसल्टेशन सर्च कर रहा है तो वहां पे फोर्ब्स आ रहा है, रेडिट आ रहा है, इस तरह की वो मैनिपुलेशन चल रही है सर्प एनालिसिस के अंदर, ठीक है। तो ये गूगल की तरफ से है, इसका हम लोग के एंड पे कोई नहीं है। वही चीज आ जाती है कि यार हमारा काम है हर चीज को अपनी जो एक्सपेरिमेंटल थिंग्स है उनसे बेहतर करना, लेकिन जो आउटकम आप लोगों को देनी है, रैंकिंग देनी है, ठीक है, वो भाई गूगल ने देनी है। अब ये अब शफीक भाई अपनी जान वो 10 दिन लगा एक ब्लॉग पोस्ट लिख लें हर चीज को फाइंड करके और रैंक ना करके करो, तो आप लोगों ने श्री फीडबैक के गिरिबान को नहीं पकड़ना कि भाई वहां पे फॉर्ब्स रैंक कर रही है और आप क्यों नहीं रैंक कर रहे। तो भाई वो इसका मसला नहीं है, इन्होंने अपने एंड से पूरी ट्राई की है, दे डिड देयर बेस्ट, लेकिन वहां पे कुछ और चीजें भी आ जाती है। मैंने आप लोगों को बताया कि वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन आ जाती है, गूगल के एल्गोरिदम की जो एंटिटीज है और उसकी जो है डॉक्यूमेंट्स, उसको आपके जो सर्प है वो आपके कंटेंट को किस तरह पिक कर रहा है, ठीक है। तो ये चीजें बड़ी जो जस ये इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना फरताज भी, वो आपको जो सिमेंटिक्स वाले है ना, ठीक है, वो ज्यादा हाँ आंसर दे सकते हैं, ठीक है, हाँ क्योंकि उनकी जो बिल्कुल है ना सारी स्टडी वो सर्च इंजन के हिसाब से है, ठीक है। तो ये चीज है फरताश भाई, बाकी क्योंकि मैं जितना अच्छा। मुझसे आंसर करता हूँ उतना ही देता हूँ, बाकी ये नहीं मैं छोड़ नहीं अपने ऐड से कोई देने की, यार फरताश भी ये इस तरह कर रहा है, गूगल के अंदर कोई बाबा बैठा है वो उसने बटन दबा दिया इसलिए वो सो हो रहा है। तो इसका ऐसा जितना मुझसे आंस था मैंने आपको चीजें वो क्लैरिफाई की कि ये मसला क्यों है इस वजह से। जी शफीक भाई क्या कहना चाह रहे थे? मैं कह रहा हूँ बिलाल को बता दो कि साइट वाले को ऑथर से कैसे रब्ता करना है, उसका रब्ता नहीं हो रहा। अच्छा बिलाल भाई, अच्छा बिलाल भाई देखो यार कौन वेबसाइट के जो ऑथर है ना आपने उससे जो रापा करना है, देखो डिपेंड करता है कि यार जो आपका वेबसाइट का ऑथर है वो किस तरह का बंदा है, लाइक उसकी विजिबिलिटी है, अगर विजिबिलिटी है तो आप उसको स्क्रैप करके उसका डाटा लिंक्डइन से, उसके इंस्टाग्राम से, उसको आप लोग ईमेल के थ्रू अप्रोच कर सकते हो। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ईजी है यार, आप जो वेबसाइट का ऑथर है उसको कर सकते हो पिच, या फिर आप लोग क्या कर सकते हो वेबसाइट के ऊपर जाओ लैंडिंग पेज से वहां से डाटा स्क्रैप कर लो, अपोलो या इस तरह की जो प्लगइन्स है, मैंने ईमेल हंटर मैंने ऑलरेडी आप लोगों को चीजें ये बताई हुई हैं, तो वहां उसको यूज यूटिलाइज करके ना आप लोग क्या कर सकते हो वेबसाइट के लैंडिंग अब पेज अगर से डाटा उसने स्क्रैप कर अगर सकते हो। अगर वेबसाइट कुछ दिया ही नहीं है वहां पे कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन, तो फिर तो मिलना मुश्किल है। लेकिन अगर उसने कहीं ना कहीं पे दे रखा है तो फिर मिल जाएगी। हाँ तो ये चीज है, बाकी आप लोग हाँ देखिए डिफरेंट चीज है मैं बताता हूँ, आप लोग सोशल मीडिया से उसको फाइंड कर सकते हो, ठीक है। सेकंडली आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग गूगल मैप्स के थ्रू से फाइंड कर सकते हो। थर्ड थिंग आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग उसकी जो ईमेल्स वगैरह हैं, ठीक है, उसके थ्रू फाइंड आउट कर सकते हो। तो और या फिर आप लोग क्या कर सकते हो बायर पर्सोना के थ्रू, मतलब अगर मैं लोड बास्केट है उसका सीईओ अहमद अमीन है तो अहमद अमीन की लिंक्डइन से आप लोग उसको उसका डाटा स्क्रैप कर सकते हो, ठीक है। तो एस एच आप इंडिविजुअल को टारगेट कर सकते हो या उसकी कंपनी की जो, मतलब देखो अगर लिंक्डइन पे आप लोग सर्च करते हो ना, मैं आप लोगों को एक चीज बता रहा हूँ, तो लिंक्डइन पे आप लोग कंपनी के पर्सोना के अंदर जाओ ना तो वहां पे आप लोग मल्टीपल एम्प्लॉयज मिलेंगे, तो आप लोग हर एम्प्लॉय को आप लोगों ने फिर देखना होता है कि यार आप SH, आप जिसको पिच कर रहे हो वाकई वो रिस्पॉन्डेबल है या नहीं। मोस्टली लोग कहते हैं यार हमारी क्लाइंट हंटिंग में हमें रिस्पॉन्डिंग नहीं आ रही, मसला ये कि हर कंपनी के अंदर एक पर्सन होता है जिसे कहते हैं डिसीजन मेकर। सपोज करें ना अगर मैं हूँ तो मेरे पास तो इतना टाइम ही नहीं कि मैं ईमेल्स खोलूं और आप लोगों का आंसर करूं कि क्या क्यूरीज आ रही, तो उसके लिए मैंने बंदा रखा हुआ स्पेशल जो मेरी मार्केटिंग मैनेजर है, या मेरे कह लो कि यार PR कैंपेन मैनेजर है समथिंग लाइक दैट, जो मेरी CMO है मेरी कंपनी का। तो वो हर बंदा जो है अपनी कंपनी में एक रोल होता है, आपने फिर देखना कि आप अपनी जो आउटकम लेके आना चाह रहे हो वो कौन से रोल को सूट कर रही है, ठीक है। अब ये नहीं कि आप CEO को पिच कर रहे हैं कि भाई आपको बंदा चाहिए मैं आपके लिए काम कर सकता हूँ, नहीं, आप उसके क्या करो डिसीजन मेकर को फाइंड करो। उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, लिंक्डइन का सेल्स नेविगेटर यूज कर सकते हो फ्री, वो मतलब कि 1 month का ट्रायल देता है, आप 1 month का ट्रायल यूटिलाइज करके उस अपनी पर्टिकुलर कंपनीज के अंदर डिसीजन मेकर्स फाइंड कर सकते हो कि जिनके थ्रू आप कॉन्टेक्ट करके उन्हें पिच कर सकते हो। ओके नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करते हैं, अहमद भाई न्यू वेबसाइट के लिए क्या स्ट्रेटजी रखते हैं आप कीवर्ड सर्च की? देखिए हसन भाई डिपेंड करता है यार, मैंने जिस तरह लास्ट में बताया कि यार आपके क्लाइंट की नीड्स क्या है, अगर आपके क्लाइंट्स को की उनको ट्रैफिक चाहिए खाली, आपके क्लाइंट को जस्ट रैंकिंग चाहिए, या आपको क्लाइंट को तीनों चीजें चाहिए, तो आपने उस हिसाब से चलना है। फिर आपने देखना इस तरह चलना है कि यार आपकी वेबसाइट लाइक जिस चीज पे जा रही है क्लाइंट को पहले उसको उसके पर्सोना को समझना कि यार रीजन वाइज रैंक करना चाह रहा है या उसने वर्ल्ड वाइज रैंक करना है, ठीक है। फिर उसको ये देखना है कि यार उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, क्योंकि देखें वेबसाइट के अंदर ना डिफरेंट चीजें हैं,
कीवर्ड सर्च नहीं खाली मैटर करती है उसकी वेबसाइट के अंदर, आपने उसको स्ट्रक्चर मैटर करता है, वेबसाइट की इंटरनल लिंकिंग मैटर करती है, वेबसाइट के उसके अंदर जो पिलर पेजेस हैं वो मैटर करते हैं, ठीक है। फिर आपकी वेबसाइट के ऊपर जो आप लोगों का कंटेंट है वो मैटर करेगा, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च है फैक्टर, लेकिन कीवर्ड सर्च के साथ आपको दूसरे फैक्टर्स भी कंक्लूड करने हैं, ठीक है। कि वेबसाइट के ऊपर यूजर लैंड कर रहा है, भाई यूजर अगर उसको वो मजा ही नहीं आ रहा उसकी जर्नी के लिए क्लिक्स में, तो वो भाई वो कैसे कन्वर्ट होगा, चाहे आपने जितनी मर्जी कीवर्ड की है। सपोज करें आप लोग ई कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए कॉन्टेंट लिख रहे हो ना, आपने इंटरनल लिंक कर दिया उसके पेजेस को, वेबसाइट को, ठीक है, उसके कलेक्शन पेजेस को, लेकिन भाई कलेक्शन पेजेस पे उसकी स्पीड इतनी कम है कि यूजर यूजर का ड्वेल टाइम बढ़ रहा है, या सपोज करें उसमें उसकी जो जावास्क्रिप्ट है कलेक्शन पेजेस की या आपके ब्लॉग वेबसाइट की, वो आपका सर्च इंजन री रीड कर पर, जिसकी वजह से कंटेंट क्रॉल नहीं हो रहा है, इंडेक्स नहीं हो रहा। दूसरी एंड तीसरा एंड आप लोगों के पे ये है कि आपका जो कलेक्शन पेजेस है उसका जो यूजर एक्सपीरियंस है वो अच्छा नहीं है, कि मतलब मोबाइल ऑप्टिमाइज नहीं है, ठीक है, हर ज्यादा क्लिकनेस है, स्क्रोलिंग कम है, हर जगह पे वो थंब हैंड ज्यादा बन रहा है बजाय के एक कर्सर बनने के, तो बार बार क्लिक होकर वो किसी और पेज के ऊपर डाइवर्ट हो रहा है यूजर, तो ये हर चीज मैटर करती है, ठीक है। फिर वापस आते अगर कंटेंट कीवर्ड स्ट्रेटेजी, कीवर्ड स्ट्रेटेजी में हसन भाई सबसे पहले यार आपने देखना होता है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, साइट सेमी कॉलन लगा के वेबसाइट को सर्च करता हूँ, फिर मैंने देखना होता है कि उसके कंपेटिटर्स क्या हैं, कंपेटिटर्स देख के फिर मैंने देखना है कि यार उन कंपेटिटर्स की बैकलिंक्स क्या है, बैकलिंक्स की स्ट्रेटेजी क्या है, कीवर्ड्स हैं तो कीवर्ड्स किन पे वो रैंक कर रहे हैं, और मेरे कीवर्ड्स क्या हैं। ये नहीं है कि देखो अगर ये गो लॉगिन है ना तो इनका ये, अब ये एक सिनेरियो समझो, गो लॉगिन है ना ये भी प्रॉक्सी प्रोवाइडिंग सर्विस कंपनी है, नोड मैमिन है वो भी प्रॉक्सी प्रोवाइडिंग कंपनी है, लेकिन सीन ये कि जो नोड मैमिन है वो क्या कर रही है, वो खाली ना अपने एक प्रॉक्सी दे देती है, जिस तरह वीपीएस एक सर्वर होता है, ठीक है, सर्विस होती है कि लाइक ना मतलब एक आप लोगों को एक अपने ना कंप्यूटर पीसी में से एक सर्वर प्रोवाइड कर दे कि आप लोगों ने क्या करना है, सर्वर को यूटिलाइज करके, या उनकी जो सब्सक्रिप्शन है जिस तरह वो ईमेल या एक सब्सक्रिप्शन दे दें कि आपने वो उसके लॉगिन करनी है और आपकी ना आईपी चेंज हो जाएगी पीसी की, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो गो लॉगिन वाले वो क्या करते हैं, उनका एसएच एक प्रॉपर ब्राउजर है, ठीक है, तो ब्राउजर वो आप लोगों को इंस्टॉल करवाएंगे, फिर वहां पे उनकी सब्सक्रिप्शन लॉगिन होगी, एक डायरेक्ट लॉगिन है और एक ब्राउजर के थ्रू लॉगिन है, तो आपने फिर बिजनेस ऑलरेडी चाहे सेम है दोनों का, ठीक है, लेकिन आपने फिर उनके पैरामीटर्स को भी देखना होता है कि यार वो ब्राउजर के थ्रू है, उनको किस तरह ऑप्टिमाइज करना है चीजों को, यूजर किस तरह सर्च कर रहा है, अगर यूजर ब्राउजर फाइंड कर रहा है तो किस तरह उसे चीजें दिखानी है, तो हर चीज को देखना है, ठीक है। फिर आपने ये देखना होता है कि यार जो ये चीजें मैं रैंक कर रहा हूँ उसका सर्प के अंदर क्या हिसाब किताब है, अगर मैं रैंक कर रहा हूँ वहां पे सेमरश बैठा हुआ है, मोज बैठा हुआ है, फॉर्ब्स बैठा हुआ है, रेडिट बैठा हुआ है, कोरा बैठा हुआ है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि भाई मैं आज वेबसाइट लाऊंगा तो उसको मैं इस तरह रैंक करूंगा, ठीक है। आपने शुरू में वो चीजें फाइंड करनी जो आपके लिए ईजी टू रैंक है। अब यहाँ पे एक आपको टिप देता है जो आप क्या कर सकते हो कि अपना पहले लो टारगेटिंग कीवर्ड, अपना मेन जो मनी मेकिंग कीवर्ड उसको टारगेट करो, उसको फिर क्या करो उसको मेन पेज कंसीडर करवाओ, कलेक्शन पेज कंसीडर कराओ, उसको क्या करो फिर ना आप पिलर पेजेस हैं उसके फुटर सेक्शन में ले जाओ, या क्या करो उसके पिलर सेक्शन पेजेस है ना उसके सब मेन्यूज के अंदर ले जाओ, फिर क्या करो उन पिलर पेजेस को ना, अब वो पिलर पेजेस क्या होंगे वो मतलब वो इजी टू रैंक है, उन पे जल्दी ट्रैफिक आ जाएगी क्योंकि वो ब्रॉड टर्म्स में है, उनको इंटरनल लिंक करो अपने मेन पेज के साथ, तो इससे क्या होगा कि लिंक इक्विटी बनेगी, वो आप लोगों का लिंक जूस शेयर होगा, तो इससे क्या होगा आपका जो मेन पेज है ना या आपकी वेबसाइट का मेन लैंडिंग पेज है वो उस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर रैंक करेगा, तो ये चीज है, क्योंकि वहां पर सर्प के अंदर ना ट्रैफिक बहुत मैटर करती है, मतलब एक वेबसाइट है ना उसकी ट्रैफिक बिल्कुल जीरो, और जो सर्प के अंदर 25-25 ट्रैफिक के साथ लोग बैठे हुए, तो आप कल को अगर 30 लेके आएंगे तो गूगल आपको प्रायोरिटाइज करके पहले पेज के ऊपर लेके आ जाएगा, तो आपका मेन पर्पज है कि अपने मेन लैंडिंग पेज के ऊपर ना ट्रैफिक लेके आना या अपने पेजेस के ऊपर ट्रैफिक लेके आना, जब आपके एक क्वालिटी पेजेस के ऊपर ट्रैफिक आ रहा है उसको इंटरनल लिंक करोगे ऑर्फन पेजेस के साथ जिस पर ट्रैफिक नहीं आ रही, तो ऑब्वियसली आपकी वेबसाइट को पूरी के ऊपर ना गूगल उसको प्रमोट करेगा सर्प के अंदर, ठीक है, तो ये चीज है। सो खैर ये दिस काइंड ऑफ रिव्यू है कि आप लोग ना किस तरह अपनी चीजों को लेकर आए, वरना इस पे बहुत सारी डिबेट बन सकती है जी। आई रिवाइज दैट क्वेश्चन, हर साइट पर ब्लॉग नहीं, लाइक कुछ नीशीज ऐसी होती है जैसे इंटीरियर डिजाइन, तो इस पर कैसे काम करना चाहिए जी शफीक भाई, बताएं आपके क्वेश्चन है। अच्छा, आई डोंट थिंक सो कि डायरेक्टली मेरे रिलेटेड है, बट यू नो आई कैन शेयर माई एक्सपीरियंस विद देम, क्योंकि जी मेरे जी साथ मेरे मेरे भी कुछ इस तरह के क्लाइंट थे। तो अच्छा देखो कि यार बस ब्लॉग ब्लॉग से ब्लॉग के अलावा भी ना चीजें होती हैं। मिसाल के तौर पे आपका अगर आपका इंटीरियर डिजाइन है तो लाजमी सी बात है उनकी कोई प्रोडक्ट्स होंगे, मे बी दे आर प्रोवाइडिंग सम प्रोडक्ट्स टू डिजाइन दैट इंटीरियर, फिजिकल प्रोडक्ट्स होंगे उनकी, तो प्रोडक्ट वाला पेज उस पे सारे डिस्क्रिप्शन ये आपके कंटेंट ही बनता आएगा, ठीक है, जिसको हम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कहते हैं, ठीक हो गया। इस तरह उनका होम पेज है जिसपे आपको कॉपी लिखनी होती है, ठीक हो गया। तो मतलब प्रोडक्ट वाला पेज वो उसमें आप जितनी उनकी प्रोडक्ट्स हैं एक एक प्रोडक्ट पे उसको डिस्क्राइब कर दो प्रोडक्ट को, ठीक हो गया। तो
प्रोडक्ट है या उनकी इंटीरियर डिजाइन के रिलेटेड कोई सर्विसेज हैं, तो हर सारी सर्विस को, मतलब वो वाला पेज लाजमी नहीं है कि ब्लॉग ही लिखने हैं, बट उस हिसाब से भी बहुत सारा कंटेंट हो जाता है। मतलब कि इंटीरियर में अब क्या मुझे नहीं पता कौन कौन सी प्रोडक्ट होती है, मतलब एक प्रोडक्ट पे आप पूरी जब डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि ये कहाँ पे यूज होती है, इसके बेनिफिट्स क्या है, फीचर्स क्या है वगैरह वगैरह, तो एक काइंड ऑफ यू नो जितना ब्लॉग का कॉन्टेंट होता है 800 1200 वर्ड्स उसके बन जाएंगे। तो आप तो उनका एक प्रोडक्ट पेज बना के उन सारी प्रोडक्ट को आप डिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक हो गया, एक तो इस तरह उस अच्छा पे श्री काम को हो यहाँ सकता पे है। ना, सॉरी यहाँ पे ना एक चीज़ मैं ऐड कर हाँ दूँ। हाँ अच्छा यहाँ पे जी ना जी अभी मुझे अभी ज़हन में आया यही कि सपोज कर ई कॉमर्स इंडस्ट्री है ना, अगर उसको हाँ मैं हाँ आप लोग को इंसाइट दूँ या इस चीज़ के जिस तरह इंटीरियर डिज़ाइन है या समथिंग लाइक दैट, वो जो डायरेक्ट कन्वर्जनेबल चीज़ है, प्रोडक्ट है या हाँ 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 लीड थिंग है, तो वहाँ पे ना एंगल्स फाइंड करते हैं कि यार यूजर किस हाँ तरह हाँ सर्च कर रहा है। सपोज करो ई कॉमर्स इंडस्ट्री है बिल्कुल ना, वहाँ पे लोग हर बंदा कर रहा है आईफोन। यहाँ पे ना रुको मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, ये टिप आपको कोई नहीं वैसे बताएगा लेकिन बड़ी मजे की टिप है। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। आप ब्लॉग 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 राइटर्स के लिए भी अच्छी वाली टिप है। अच्छा मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? जी अच्छा सपोज करें आईफोन है ना, आईफोन 16। अच्छा ये देखें, ये यहाँ एप्पल वाले ना इस पे रैंक कर रहे हैं, ठीक है इस पे रैंक कर रहे हैं, ये चीज है एप्पल वाले। अब इसमें इन्होंने ब्लॉग कोई नहीं लिखा हुआ, ठीक है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे कहेंगे यार इन वेबसाइट के ऊपर ब्लॉग नहीं है, लेकिन यहाँ पे अब लोग किस तरह, यहाँ पे एंगल आपने फाइंड करना कि आप लोग किस तरह रैंक कर सकते, कन्वर्जन ला सकते हैं आईफोन 16 पे। अब एप्पल को आप लोग यहाँ पे, हसन भाई सपोज कर आपकी नई वेबसाइट है, आपको भी यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, तो अगर आप एप्पल को आईफोन 16 पे क्रॉस ओवर नहीं कर सकते, लेकिन आप लोग देखोगे ये चीज, ये आ रहा नजर आपको, मैं जूम इन कर लू, ये चीज डिस्क्रिप्शन है। हाँ वर्जन्स बिल्कुल, हाँ वर्जन, ये इसे कहते हैं वर्जन। एम्पियंस नंबर या एसकेयूज। ठीक है आप लोग किसी मॉडल के ऊपर लिख रहे हो, किसी इंडस्ट्री के ऊपर लिख रहे हो, किसी भी चीज के ऊपर लिख रहे हो, तो आप लोगों ने एंगल फाइंड, आप लोग नाइस। इसके ऊपर कर सकते हो कि A321 इसको सर्च करोगे तो आईफोन 16 ही आएगा मोस्टली, ये देखो। ठीक है तो ये एंगल्स हैं, ठीक है ये सिमेंटिक्स वाले हर चीज को ज्यादा ब्रीफली जानते हैं क्योंकि मैं ई कॉमर्स इंडस्ट्री से, तो मुझे इन चीजों का पता है। तो ये चीज बहुत मैटर करती है कि आप लोगों ने हर चीज को ना, जरूरी नहीं कि आईफोन 16 ही, आईफोन 16 बेस्ट केसेस ये वो चीज ना भाई, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो ब्लॉगिंग के अलावा भी आप लोग कन्वर्जन ला सकते हैं। हाँ, तो और एक लाजमी नहीं है कि हर बिजनेस को ब्लॉग ही चाहिए हो। समटाइम्स अब हाँ ये जिस ये तरह की इतनी प्रोडक्ट्स हैं कि आप अपनी प्रोडक्ट को ही वो डिस्क्राइब करने बैठ जाए तो कंटेंट हो हाँ तो जाएगा। हाँ, तो दूसरी बात ये कि जरूरी नहीं है कि अब ब्लॉगिंग के ऊपर कन्वर्जन आए। सेकंडली चीज ये कि ना गूगल के ऊपर चलती है यूनिकनेस। अब मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या सीन है। अब यहाँ पे अगर वापस आते हैं ना, तो अब आईफोन 16 है ना, इसको मैं लिख रहा हूँ कि आईफोन 16 का केस, यहाँ पे आप लोगों ने ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अच्छा आईफोन 16 का केस है ना, तो यार ये उनकी आ रही है, ये देखो इन्होंने अब ये रैंक कर रहे हैं ना, ये कलेक्शन पेज रैंक कर रहा है, ठीक है हाँ कलेक्शन ये पे ब्लॉगिंग, ये बिल्कुल। देख ये सॉरी ये ब्लॉग रैंक कर रहा है, ठीक है द बेस्ट आईफोन केसेस एंड एक्सेसरीज, ये इसके ऊपर रैंक कर रहा है, वायर्ड वाले टेक ये रैंक कर रहे हैं, ठीक है। और सेकंड ये देखो ये कलेक्शन पेज रैंक कर रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर हो गया, एक ही वेबसाइट है, हाँ दो वेबसाइट है, आईफोन 16 केस की क्यूरी है, एक ब्लॉगिंग के थ्रू रैंक कर रहा है और एक क्या कलेक्शन पेजेस के थ्रू रैंक कर रहा है, ठीक है। अब ये देखो कलेक्शन कलेक्शन पेजेस पेजेस, बिल्कुल। कलेक्शन पेजेस के ऊपर क्यों रैंक कर रहा है, दूसरा ब्लॉगिंग का सहारा ले रही है, लेकिन यहाँ पे ब्लॉगिंग नहीं है, क्यों रैंक कर रहा है, क्योंकि इसका कंटेंट यूनिक है, ये इस इन चीजों से रैंक कर रहा है, ठीक है। इन्होंने हर चीज टारगेट की है, ये देखें ये आईफोन 16 का उनका, ये देखें बाद लोग कहते हैं कि यार हमने ना ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर या बाद ब्लॉगिंग इंडस्ट्री के अंदर एफिलिएशन के अंदर हमने बड़े टाइटल्स चाहिए, नहीं मैटर करती है आप लोगों की यूनिकनेस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यहाँ वो जो डिस्क्रिप्शन ये वाली, ये आपको कहीं और नहीं मिलेगी, बस छोटी सी डिस्क्रिप्शन है और उसके थ्रू उनका पेज रैंक कर रहा है, उन्होंने चीजें यूनिक प्रोवाइड की हुई है, ठीक है। रेलिवेंसी बहुत मैटर करती है हर या चीज की। हाँ बिल्कुल, अगर इसको हम यूनिक कहें या हम रेलिवेंट कहें या हम टारगेटेड कहें, तो उन्होंने बहुत टारगेटेड किस्म का लिखा हुआ है। तो वो उस हिसाब से देखिए दूसरी एंड पे ब्लॉगिंग सेक्शन का सहारा ले रहा है, तो आप यहाँ पे मैटर करता है आप लोगों की एंगल्स, यूनिकनेस, ये दो और रेलिवेंसी, तीन चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों को विदाउट ब्लॉगिंग आप लोगों को कन्वर्जन लेके आ सकती हैं, ठीक है। तो ये चीज है, होप सो आपका ना ये क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया। अब कर आप आई कैन अज्यूम कि आप इंटीरियर डिजाइन वाला क्लाइंट है, तो आप उनसे पूछें कि उनके अगर फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं, क्या उनको उनका एक कलेक्शन पेज बना सकते हैं या उनका प्रोडक्ट पेज हाँ बना सकते हैं, फिर आप उनको उनकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन उनको लिख के दें, उनकी प्रोडक्ट को समझें। ठीक हो गया, तो बेसिकली वो इंटीरियर डिजाइन में करते क्या, उनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं, वो रेनोवेशन का सामान बेचते हैं और वट एवर। ठीक है, तो इस तरह हो सकते हैं अमीना। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया कि किस तरह उनपे हम काम कर सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि हर बिजनेस को ब्लॉग ही चाहिए हो। जिस तरह भी हम अहमद ने आपको दिखाया है कि जो
बेसिकली आपने अपनी अपने बिजनेस को शोकेस करना होता है, ठीक है? आप शोकेस किस तरह करना है और आपका यूजर क्या देख रहा होगा, इससे इस पे बहुत मैटर करता है चीजें। अब देख रहे हैं, अगर इंटीरियर डिजाइनर, विच काइंड ऑफ इंटीरियर डिजाइन दे आर गोइंग टू प्रोवाइड ऑन इंडस्ट्री, ठीक है, वो आपने देखना है कि यार एक्चुअल में इंटीरियर डिजाइन है, लेकिन इंटीरियर डिजाइन के एंगल्स किस तरह के हैं, लोग उसको किस तरह सर्च करें, सर्व के अंदर किस तरह वहां पे गैप फाइंड करें, कलेक्शन पेजेस या पेज वो पर्टिकुलर उसके हिसाब से ऑप्टिमाइज करें, चाहे वो लैंडिंग है, आपको कन्वर्जन मिल जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, कलेक्शन पेज बनाए, प्रोडक्ट पेज बनाए, जिस तरह का भी उनका बिजनेस है, लीड जनरेट करने के लिए भी राइटर एंगल्स गैप्स यूज होते हैं। जी हाँ बिल्कुल, बिल्कुल वही होता ना, है। वही वही सर्वत, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया कि यार देखे ना, नोड मैमन वाले हैं जो वो टारगेट कर रहे हैं अकाउंट्स को, इन चीजों को, लेकिन वो टारगेट नहीं कर रहे एशियन रीजन के अंदर कि यार वाई पाकिस्तान नीड्स, या वाई 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 ईबे अकाउंट्स, या वाई अमेजोन अकाउंट्स कैन नॉट ऑपरेट इन अ पाकिस्तान, या वट थिंग्स डू यू नीड टू क्रिएट अमेजोन अकाउंट इन अ पाकिस्तान। तो ये एंगल्स हैं, दैट एंगल्स कैन जनरेट लीड्स फॉर यू, ठीक है। तो ये इस तरह की चीजों का आपने अंडरस्टैंड करना है कि अपने प्रोडक्ट को बिल्कुल यूजर परस्पेक्टिव से अंडरस्टैंड करना है कि किस वे से आप लोग लीड्स लेके आ सकते हैं। तो ये चीज है शिविक भाई, आप लोग क्वेश्चन, पता है मैं क्या कर, आप क्वेश्चन का आंसर करते हैं बिल्कुल तो बड़ा लंबा चौड़ा लेके जाते थे, वो अगला बंदा भी पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो टू द पॉइंट, रैप इट आउट जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, काइंडली वो आप पूछ सकते हैं। यार, कोई बंदा बोला नहीं आज हमारे साथ यार, कोई आके क्वेश्चन बोल के कर अच्छा लो एक यार। क्वेश्चन, डिजाइनर बैठे मार्केटिंग के थ्रू कैसे क्लाइंट लेकर आ सकता है। अच्छा मैं असद आपको असद को एक, अनम्यूट करो, असद असद बोल के पूछेगा, असद को अनम्यूट करो। ओके असद भाई मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, यू कैन आस्क ब्रो। अस्सलाम वालेकुम सलाम। वालेकुम। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि एक वेब डेवलपर है या एक डिजाइनर है या यूएक्स डिजाइनर है, जो भी है, एज अ फ्रीलांसर वो काम करता है, तो वो मतलब अपनी एक वेबसाइट, पोर्टफोलियो वेबसाइट तो उसने बना ली, ठीक है, तो अब कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू वो कैसे लेके आ सकता है क्लाइंट्स वगैरह? अच्छा असद जी देखो, अश्विक मैं आंसर करूँ या आप करना चाह रहे हो। आप कर दें, आप कर दें, अच्छा मैं तो अच्छा फिर आप पानी शानी पिए इनको ना, मैं मतलब टू द जी पॉइंट एग्जैक्टली बिल्कुल उनको मजे के आंसर कर सकता हूँ इन चीजों में। ठीक हो गया। तो ये देखें कि असद भाई सीन ये कि अगर आप चाहे पर्सनल कंटेंट राइटर हैं, ब्लॉग राइटर है, वेबसाइट डेवलपर, एसईओ एक्सपर्ट है, डजंट मैटर कुछ भी है ना, आपको पता होना चाहिए कि यार एक्चुअली मैं आप लोग सेल क्या करना चाह रहे हो। ऑफर्स, ऑफर्स असद भाई बहुत मैटर करती हैं, ठीक है। आप भाई ने अगर अपनी जर्नी करनी है ना, आप आज ही लिख लें कॉपी के ऊपर, यार अहमद ने बताया मुझे ना तीन ऑफर्स बनानी है, बेसिक, गोल्ड, प्लेटिनम और डायमंड, ठीक है। या जिस तीन ऑफर्स क्रिएट करनी है, एक ऑफर होती है जिसको मैं हर छपरी ऑडियंस को सेल कर सकता हूँ जो भी मेरे कंटेंट के साथ इंगेज होती है, ठीक है। मतलब कि यार सपोज करें एक मेरे पास है अहमद अमीन है ना, सपोज करें यार मेरे, मैं क्या करूंगा, एक अपनी ऑफर बनाऊंगा ऑडिट की, एक ऑफर बनाऊंगा कंसल्टेशन कॉल की, और एक ऑफर बनाऊंगा मेरी एसईओ सर्विस की प्रॉपर, उसको मैं डिफाइन कर लूंगा कि यार मैं $1000 से स्टार्ट कर रहा हूँ या समथिंग लाइक दैट। अब सीन ये कि मैं तीन ऑफर्स मैंने क्रिएट की, जो मेरी पहली ऑफर है वो मेरी छपरी ऑडियंस के लिए जो मेरे साथ एंगेज करती रहती है, ठीक है, उनके साथ मैं एंगेज हो जाऊंगा, क्या करूंगा, वो ऑफर इजी टू बाय है, ठीक है, वो हर कोई बंदा मुझसे ले सकता है। इससे क्या होगा, मेरा फ्लो बनेगा, मेरे ऊपर स्ट्रेस कम होगी, मेरा हर कोई बंदा परचेज कर सकता है, मेरी अथेंटिसिटी, क्रेडिबिलिटी, रेफरेंस लिंक उससे क्रिएट होंगे, ठीक है, एक चीज ये। सेकंडली आप क्या कर सकते हो, वो आपकी जो मिड टीयर ऑफर है ना, जिसे कंसल्टेशन कॉल मैं अपने वे में करता हूँ, तो उससे क्या होता है, आप लोग उससे अपनी हाई टिकट ऑफर क्रिएट कर सकते हो। अब देखो एक बंदे ने क्या किया, मेरी ना मैंने कंटेंट क्रिएट किया, मैंने कहा कि भाई अगर आपको ये चीज चाहिए तो आप मेरी ना सर्विस बुक कर सकते हो, उसने क्या किया मेरी कंसल्टेशन कॉल बुक की, $200 मेरे अकाउंट के अंदर, ठीक है, 200 यार ये ना नीचे से जो बोलते हैं ना, कल से मैंने इस चैट को म्यूट कर देना, 200 मतलब डॉलर मेरे अकाउंट में आ गए। अब मैंने क्या किया, उसको बुक किया, उसको मैंने गाइड कर दिया, लेकिन साथ में मैंने मसाला दे दिया कि यार ना जो ऑडिट मैंने किया उसमें मैंने कहा कि यार ये इश्यू फिक्स करोगे ना तो आप ना ये काम कर सकते। अब क्लाइंट के पास मेरा पोर्टफोलियो भी है असद भाई, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि अहमद यार अगर ये इश्यूज मैं आपसे रिजोल्व कर रहा था तो आप कितने चार्जेस लोगे। वहां पे उसने क्या किया, एक तो मेरे से कॉल बुक की, मेरा ट्रस्ट मेरा उसने गेन कर लिया, दूसरे पे मैंने उसको प्रेजेंटेशन भी दी तो उसको मेरी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ गई कि यार वाकई इस बंदे को काम आता है। थर्ड वन क्या करेगा, वो बंदा अगर कहेगा कि यार मैं अहमद से क्यों ना काम करवा लूँ, फिर आप क्या कर सकते हो, अपने मिड टीयर ऑफर को यूज करके अपनी हाई टिकट ऑफर क्लोज कर सकते हो। तो ये अंडरस्टैंड कि सबसे पहले आपको ना तीन ऑफर्स क्रिएट बनानी है, पहला पर काम ये करें। अब वापस आते हैं बैक एंड वर्ड के, आप लीड्स किस तरह लेके आ सकते हो। देखो पहले अब ना
ये ना फैक्टर्स हैं असद भाई के ना, ये बंदे के ऊपर होता है कि यार बंदा लीड्स जो लेके आने, लीड जनरेशन पाइपलाइंस किस तरह क्रिएट करनी है अपने कंटेंट के अंदर या लिंक्डइन के ऊपर या कोई भी अपना पर्सनल ब्रांडिंग प्लेटफॉर्म है। तो यार ये आप लोगों के ऊपर है, मेन जो पर्पज है वो आप लोगों का डिसिप्लिन है यार किसी भी प्लेटफॉर्म के। तो चाहे आपके ऊपर 2 लाइक्स आए, 10 लाइक्स आए, आप लोगों ने लिंक्डइन अपने पर्सनल ब्रांडिंग प्लेटफॉर्म को नहीं छोड़ना, चाहे जो मर्जी हो, जिस तरह की मर्जी आप लोगों का आ रहा ना भाई, कोई लाइक भी नहीं आ रहा, आप लोगों ने प्लेटफॉर्म को नहीं छोड़ना, पहली बात तो ये। सेकंड छोड़ने से थिंग पहले आपने स्टार्ट करना है असद, छोड़ने से पहले आपने स्टार्ट करना है, ये वाली बात हाँ नोट कर लो। वही ना, वो भाई कह रहा ना कंटेंट किसने क्रिएट करना, तो उस हिसाब से मैं उसे बता रहा हूँ। अब सेकंडली आपने जो हाँ कंटेंट क्रिएट करना है ना असद भाई, अब कंटेंट जो क्रिएट होता है ना, वो मैंने आपको बताया आपने जो 3 ऑफर है उसको यूटिलाइज करके करना है। एक ऑफर जो हमारी जो जिस तरह की नॉर्मल ऑडियंस है जो बाय कर सकती है, ठीक है, आप लोग उस हिसाब से ऑडियंस करोगे उसमें आप कह सकते हो, आप टारगेट कर सकते हो शफी को, टारगेट कर सकते हो मुझे, टारगेट कर सकते हो कोई भी वो पर्सन बना जिसकी वेबसाइट है। आप पहले अपनी ऑफर क्रिएट करो लैंडिंग पेज की, यार अपनी वेबसाइट का लैंडिंग पेज, अब वहां पे आपने पोस्ट लानी है कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन की। अब मसला पता है ये क्या है कि हर बंदे के अंदर ये पॉइंट ऑफ लैकिंग है कि वो बंदा मल्टीपल स्किल्स को एट अ टाइम लेके नहीं चलता। मतलब कि यार अगर मैं एसईओ स्पेशलिस्ट हूँ ना, तो अगर यार शफीक भाई हैं, तो अब शफीक भाई के पास ये पॉइंट ऑफ लैकिंग है कि यार शफीक भाई को अब क्लाइंट को ना ऑडिट देना नहीं आता लैंडिंग पेजेस का। क्यों? अगर जब तक ये ऑडिट, अगर ये ऑडिट लैंडिंग पेज का देखना सीख जाएंगे ना, तो क्या कर सकते हैं, ये ऑडिट दे सकते हैं उनको कि यार भाई आपकी वेबसाइट के अंदर ये मसले हैं, मैं आपको ये ऑडिट दे रहा हूँ, अगर आप कंटेंट इस तरह लिखेंगे ना रेजोनेट करके ऑडियंस को, तो आपकी कन्वर्जन रेट इंप्रूव हो जाएगा या आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी कि एक स्किल को यूटिलाइज करके ये मल्टीपल स्किल सेल कर सकते हैं अपने। एट दैट टाइम डेवलपर को आते हैं, डेवलपर क्या कर सकते हैं असद भाई, आप लोग को सीआरओ समझनी पड़नी है, कन्वर्जन एंड ऑप्टिमाइजेशन, के यहाँ पे सीटीएस कहाँ पे होने चाहिए वेबसाइट की, आपकी अगर स्ट्रक्चर इस तरह के तो कंपेटिटर किस तरह कर रहे हैं। एट दैट टाइम काइंड ऑफ ऑडिट आप लोग क्या कर सकते हैं, अपनी जो लैंडिंग पेज की वो जो जिस तरह छपरी ऑडियंस के लिए जो अपनी सर्विस बनाई है जो इजी टू एक्सेसिबल है टू एवरी वन, वो आप लोग सेल कर सकते हो। इससे अगर सपोज करो जहाँ पे आप लोग 1000 आपकी है ना मैक्सिमम, वो अगर आपकी यार हफ्ते में एक दफा आती है, 1000 बंदा आपको पे करता है $1000, वहीं पे अगर आप वो 10 छपरी 10 क्लाइंट क्लोज कर लो एक वीक के अंदर, तो वही आपका फुलफिल हो गया ना क्राइटेरिया। तो ये डिफरेंट टैक्टिक्स हैं, इस पे बात करने लग जाऊं तो भाई बहुत टाइम लग जाना, लेकिन ये शॉर्ट कम मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग एक स्किल के साथ दूसरी स्किल को यूटिलाइज करके कर सकते हो। लेकिन वहां पे आपको क्या करना पड़ता है, आपको अंडरस्टैंड करवाना पड़ता है अगले ऑडियंस को कि वाकई उसके अंदर वो पॉइंट ऑफ लैकिंग है। मतलब अगर मैं एक वेबसाइट के ऊपर मतलब एक पॉइंट वेबसाइट के ऊपर सपोज करें, आप किसी भी टारगेट या किसी भी क्रिएटर को टारगेट कर रहे हो ना कि यार ये फलाने बंदे की वेबसाइट में ना 10 मतलब 10 लीड्स आती थी, तो अगर वो ये बंदा इस चीज को ऑप्टिमाइज करके इस यहाँ पे ले आए ना, तो इसकी वेबसाइट की लीड्स बढ़ सकती है। आप उस इंडस्ट्री एक्सपर्ट को टैग भी कर सकते हो उसकी वेबसाइट को, या ठीक है, या आप उसको डीएम भी कर सकते हो। तो ये डिपेंड करती है हर पर्टिकुलर ऑडियंस के ऊपर, आपकी डायरेक्ट पिचिंग के ऊपर, और आपके जो कंटेंट है उसकी रेलिवेंसी और समथिंग लाइक दैट उसकी फनल्स के ऊपर, कि आप जो अपनी ऑडियंस उसको कंटेंट किस तरह का दे रहे हो। तो ये चीजें हैं असद भाई, होप सो आपको भाई को ना काफी कुछ क्लियर हो गया इंशाल्लाह असद ऑडियंस अपनी वेबसाइट बनाएंगे तो सारी चीजें पता चल जाएंगी, पूछने नहीं पड़ेंगे इन छपरी लोगों से। को। जी तो गाइस होप सो आप लोगों ने काफी कुछ लर्न किया हुआ है यार, मजे का बहुत कुछ, मतलब नहीं हूँ। तो खैर जिन्होंने जिनको जो फर्दर क्वेश्चन है काइंडली वो पूछ सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर हम लोग यार फिर रैप आउट कर लें, क्योंकि आपको पता है 2.25 घंटे होने लगे हैं, हो गए हैं अरे अभी के। अहमद भाई आपके एक कुलीग तो भी काम पे आया है, उसको उसको अब हम रात लोग पे पता है रखो है, नहीं शफी भाई, हम लोग रात के 3 बजे तक काम करते हैं। मुझे तो पता है। और तेरी ये रूटीन खराब खत्म करनी पड़ेगी, मैं 11 बजे सोता हूँ। यार शिव भाई अमीर बंदे हैं, अब क्या कर सकते हैं। खैर गाइज अगर हाँ आप लोगों का क्वेश्चन नहीं है तो मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ।